स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके सीयर, अपना नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है, सेक्शन 10AA और उसके बाद में AMT कराऊंगा, AMT ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। लेकिन इससे पहले सेक्शन 10AA करना पड़ेगा। तो सेक्शन 10AA इज फॉर एक्सपोर्ट बिजनेस, जिसका एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है ना उसको एक डिडक्शन मिलता है सेक्शन 10AA में। और देखो उसकी जगह कहाँ आती है मालूम है, ग्रॉस टोटल इनकम के बाद हम लोग पहले चैप्टर 6 से करते हैं एंड फिर चैप्टर 6 से के तुरंत बाद में दिखाना पड़ता है सेक्शन 10AA। ओके, इसको एग्जेम्पशन मत बोलना, इसको बोलते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA। ओके, नहीं तो हम लोग 10 सुन के कैसे बोलते हैं एग्जेम्पशन, बट इसको एग्जेम्पशन नहीं क्या बोलना चाहिए, डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA। एक तरह से चैप्टर 6 से जैसा ही है, लेकिन क्या चैप्टर 6 से सब 80 वाले सेक्शन है ना, इसका सेक्शन नंबर अलग है, इसलिए इसको चैप्टर 6 से नहीं बोल सकते, बट काइंड ऑफ चैप्टर 6 से जैसा अलग से इधर लेस होता है। ओके, नाउ सी हियर, पहले तो एक्सपोर्ट बिजनेस को ये डिडक्शन चाहिए, तो उनका बिजनेस सेज में लोकेटेड होना चाहिए। सेज, सेज का मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब कि ऐसी जगह है जहां एक जैसे बिजनेसमैन इकट्ठा बिजनेस करते हैं, मतलब सब एक्सपोर्टर लोग इकट्ठे होकर बिजनेस कर रहे हैं। और पता है गवर्नमेंट ऐसा जोन क्यों बनाती है, ताकि एक जोन में सारे एक्सपोर्टर इकट्ठा बिजनेस करेंगे तो उनके बीच में आपस में कंपटीशन होगी, और अगर कंपटीशन होगी तो हर एक्सपोर्टर परफॉर्म करेगा, और हर एक्सपोर्टर परफॉर्म करेगा तो देश का भला होगा, क्योंकि एक्सपोर्टर परफॉर्म करेगा मतलब फॉरेन करेंसी इंडिया में लाएगा, विच इज़ गुड फॉर द कंट्री। इससे गवर्नमेंट क्या करती है, जोन्स बनाती है और उधर सब एक्सपोर्टर लोग को इकट्ठा करके उनको भिड़ाती है कि चलो साथ में बिजनेस करो, कंपटीशन की आग लगेगी, उस चक्कर में तुम्हारा परफॉर्मेंस बढ़ेगा और इंडिया में फॉरेन करेंसी आएगा। ओके, और अगर कोई बोले नहीं मैं अपना एक्सपोर्ट बिजनेस करूंगा लेकिन मुझे कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर नहीं, मुझे अब जहाँ चाहिए वहाँ बिजनेस करूंगा, तो कर, फिर डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर डिडक्शन चाहिए तो कंडीशन क्या है, बिजनेस शुड बी लोकेटेड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और अभी देखो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होना चाहिए या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बिजनेस होना चाहिए, या तो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करो या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो ही डिडक्शन मिलता है। अब देखो ये डिडक्शन कैसे मिलता है बताता हूँ, पहले तो मैंने बता दिया डिडक्शन कब मिलता है। ओके, अब डिडक्शन कैसे मिलता है, लुक हियर, तो सी उसके लिए देखना पड़ता है अपने बिजनेस में कितना परसेंट एक्सपोर्ट हो रहा है। सी हम लोग जब गुड्स प्रोड्यूस करके बेचते हैं तो ऐसा तो नहीं कि सब इंडिया के बाहर ही बेचते हैं, थोड़ा डोमेस्टिक सेल होता है, थोड़ा एक्सपोर्ट सेल होता है, तो वी हैव टू सी व्हाट इज द प्रपोर्शन ऑफ एक्सपोर्ट सेल, और जितना परसेंट मैं एक्सपोर्ट करूंगा ना उतना परसेंट मेरा ये इनकम फ्रॉम बिजनेस माफ हो जाएगा। सी पहले भूलना मत कि हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस में पूरी इनकम फ्रॉम बिजनेस लिख दी एक्सपोर्ट वाली। ओके, इनफैक्ट एक्सपोर्ट वाली नहीं, पूरा बिजनेस का प्रॉफिट ही लिख दिया, चाहे एक्सपोर्ट के कारण हुआ हो कि डोमेस्टिक सेल के कारण हुआ, यहाँ हमने पूरा इनकम फ्रॉम बिजनेस लिखा है ना, लेकिन इसमें से सर्टन परसेंटेज अपने को नीचे लेस करने मिलेगा। अब वो कितना परसेंटेज लेस करने मिलेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन कितना परसेंट तुम एक्सपोर्ट करते हो। तो जैसे सी फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखना, ये वाले एग्जाम्पल में देखो कंपनी की सेल्स कितनी है 250, उसमें डोमेस्टिक सेल्स कितना है, डोमेस्टिक सेल्स इज 200 और एक्सपोर्ट सेल कितना है 50, तो उसमें एक्सपोर्ट का कितना प्रपोर्शन है, 250 की सेल में एक्सपोर्ट कितना है 50, तो यानी कि 1/5 इन लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, 1/5, तो इन लोग का जो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस आएगा ना उसका 1/5 माफ। ओके, 1/5 क्यों, क्योंकि जितनी भी सेल है उसमें एक्सपोर्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन तो 50 है ना, तो डैट कम्स टू 1/5, ये 1/5 आ गया ना। तो ये देखो इसका ही फॉर्मूला है, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस पहले निकालना पड़ता है। अरे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस मतलब वो अपना फॉर्मेट है ना, नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट एड डिसअलाउड एक्सपेंसेस, पूरा जो कंप्यूटेशन करके आता है ना वो अमाउंट। तो एक बार के लिए मान लो ना कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नेट प्रॉफिट है ना वो ही अपना इनकम टैक्स के हिसाब से नेट प्रॉफिट है,
ओके, अज्यूमिंग अकाउंटिंग नेट प्रॉफिट इज सेम एज टैक्सेशन नेट प्रॉफिट, तो ये 100 हो गया, ओके okay, और इनटू अपना एक्सपोर्ट टर्नओवर 50 है। ये देखो इधर क्या लिखा, ईटी अपॉन टीटी, ईटी मतलब एक्सपोर्ट टर्नओवर और टीटी मतलब टोटल टर्नओवर, तो ये मतलब ये 1/5 अपने को डिडक्शन मिलेगा। तो सी इसका इफेक्ट कैसे आएगा, 1/5 20 आ गया ना ये, तो सी पहले तो इधर मुझे पूरा 100 रुपीज का प्रॉफिट्स लिखना पड़ेगा एंड फिर उसका 1/5 20 रुपीज माइनस होगा। लेकिन सी हमेशा 1/5 नहीं होता ना, इट डिपेंड्स अपॉन तुम्हारा कितना परसेंट एक्सपोर्ट हो रहा है। टेल मी, अगर किसी ने पूरा सेल ही इंडिया के बाहर किया है तो उसकी पूरी सेल एक्सपोर्ट सेल ही है, फुल एक्सपोर्ट करता है, फिर तो उसका ये जो आंसर आएगा ना ये फुल माइनस हो जाएगा, नीचे पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा अगर कोई 100% एक्सपोर्ट करेगा तो। ओके, तो इन शॉर्ट सी इसका फॉर्मूला क्या हो गया, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर, ईटी अपॉन टीटी मतलब एक्सपोर्ट टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर। लेकिन सी ये डिडक्शन है ना जिंदगी भर नहीं मिलता है, खाली फर्स्ट 15 ईयर्स मिलता है, मतलब जब तुमने बिजनेस स्टार्ट किया ना वहां से लेके 15 साल तक ही डिडक्शन मिलता है। ओके, और 15 साल के बाद डिडक्शन बंद हो जाएगा, लेकिन 15 साल गवर्नमेंट तुमको बहुत एंकरेज करती है, कम ऑन डिडक्शन लो डिडक्शन लो, और एंकरेजमेंट क्यों मिलता है, क्योंकि अपना टैक्स बच रहा है ना। और बाद में गवर्नमेंट क्या सोचते है, 15 साल के बाद तो क्या है वो एक्सपोर्ट के धंधे में ऐसा घुल मिल जाएगा ना, फिर तो जिंदगी भर एक्सपोर्ट करने ही वाला है, हम तेरे को खाली 15 साल इंपॉर्टेंस देंगे, बाद में हम लोग इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। और गवर्नमेंट भी छानी है, गवर्नमेंट को पता है ना 15 साल के बाद वो थोड़ी एक्सपोर्ट बंद कर देगा, 15 साल जिसने एक्सपोर्ट किया है वो अपने आप एक्सपोर्ट करने ही वाला है फ्यूचर में भी, लेकिन गवर्नमेंट सपोर्ट देगी खाली 15 ईयर्स, ये 15 ईयर्स का फिक्स रूल है। और उसमें भी देखो कैसा है, फर्स्ट 5 ईयर्स है ना, फर्स्ट 5 ईयर्स अपना इस फॉर्मूला से जो आंसर आता है ना फुल डिडक्शन मिलता है इसका, फुल 100%, और नेक्स्ट 5 ईयर्स इसका 50% डिडक्शन मिलेगा, मतलब अपने जो फॉर्मूला बना है ना ये फॉर्मूला का आधा हो जाएगा कभी नेक्स्ट 5 ईयर्स में। तो ये देखो इधर क्या लिखा है, फर्स्ट 5 ईयर्स यही फॉर्मूला का 100% डिडक्शन, ओके, नेक्स्ट 5 ईयर्स क्या होगा, इस फॉर्मूला से जो भी आंसर आता है, सी पहले तो फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा, और फॉर्मूला क्यों यूज करना पड़ता है, क्योंकि अपने धंधे में पूरा थोड़ी एक्सपोर्ट होता है, थोड़ा एक्सपोर्ट है तो थोड़ा डोमेस्टिक है, तो अपने को प्रॉफिट को प्रोपोर्शनेट तो करना ही पड़ेगा। लेकिन बाद में 100% डिडक्शन फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स, 50% डिडक्शन फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, और लास्ट के 5 ईयर्स होते हैं ना 15 साल है ना, तो उसमें 50% डिडक्शन मिलेगा, लेकिन एक शर्त है कि तुमको एक रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, देयर इज वन स्पेशल रिजर्व टू बी क्रिएटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड दैट रिजर्व इज कॉल्ड सेजरारा, ये शॉर्ट फॉर्म है सेजरारा, ऐसा एक रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है। इसका फुल फॉर्म देखो क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन री इन्वेस्टमेंट अलावेंस रिजर्व अकाउंट, क्या था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन री इन्वेस्टमेंट अलावेंस रिजर्व अकाउंट, ऐसा रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा, ओके, लास्ट 5 ईयर्स में। कोई बोले नहीं हम रिजर्व रिजर्व नहीं क्रिएट करने वाले, तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, मिलेगा तो भी इसका 50% ही मिलने वाला है, लेकिन उतना भी चाहिए ना तो उतना रिजर्व क्रिएट करो, और अगर रिजर्व नहीं क्रिएट करोगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, कम करोगे तो कम मिलेगा, मतलब विच एवर इज लेस है। ये देखो 50% डिडक्शन मिलेगा, लेकिन अगर तुमने रिजर्व कम क्रिएट किया तो डिडक्शन कम मिलेगा। अरे रिजर्व क्रिएट करना वाला समझा कि नहीं, अपने अकाउंट्स में कैसे ट्रांसफर जनरल रिजर्व सिंकिंग फंड वगैरह करते हैं, तो इधर एक रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है, लेकिन दिस विल नॉट बी लाइक अ जनरल रिजर्व और सिंकिंग फंड, इसका एक स्पेशल नाम है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट। और ये रिजर्व से इन लोग क्या चाहते हैं, उनमें रिजर्व मतलब पैसा जमा करना है ना, इस पैसों से गवर्नमेंट चाहती है कि तुम और मशीन्स खरीदो और ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करो, और ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करके ज़्यादा एक्सपोर्ट करो, वो चक्कर में गवर्नमेंट रिजर्व क्रिएट करवा रही है। लेकिन सी अपने को इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है कि रिजर्व क्रिएट करके इसका क्या यूज़ करना है, उतना सब नहीं पूछेंगे तुम लोग को, तो खाली ये कैलकुलेशन करने आने चाहिए, फिर भी थोड़ा ऊपर ऊपर से नॉलेज ले लो कि रिजर्व क्रिएट करके जो भी पैसा जमा हो रहा है उससे अपने को प्लांट एंड मशीनरी खरीदना पड़ता है विद इन 3 ईयर्स,
फिर उस प्लांट एंड मशीनरी से प्रोडक्शन करो और एक्सपोर्ट करो, ऐसा गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है। लेकिन इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में घुस के मतलब नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ फाइनल सेम है और डेप्थ में। ओके, तुम लोग खाली इतना समझो, लास्ट 5 ईयर्स में डिडक्शन चाहिए तो रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा, और मिलेगा तो भी मैक्सिमम इसका 50% नहीं मिलेगा, लेकिन उतना रिजर्व क्रिएट कर, कम क्रिएट किया तो कम, विच एवर इज लेस। तो ये 15 ईयर्स का अपना सफर है, लेकिन 15 के 15 साल में फॉर्मूला तो ये अपना अटल ही रहने वाला है। खाली स्टार्टिंग के 5 ईयर्स में 100%, नेक्स्ट 5 ईयर्स 50%, फिर नेक्स्ट 5 ईयर्स 50% और सेज रा रा विच एवर इज लेस। ओके, तो एग्जाम में चेक करना कि हम लोग कितने साल में, कि एक्सपोर्टर का बिजनेस तो है ऐसा सब में बोला है, लेकिन हम लोग फर्स्ट 5 ईयर्स है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स सब में चेक करना चाहिए। ओके सी, इसमें एक और पॉइंट है, लुक हियर, ये एक्सपोर्ट है ना, एक्सपोर्ट, ये ईटी का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट टर्नओवर ना। अब एक्सपोर्ट टर्नओवर का मतलब क्या है, जो गुड्स हमने इंडिया के बाहर बेचे, लेकिन सी गवर्नमेंट की नज़रों में इंडिया के बाहर गुड्स बेचा उतना सफिशिएंट नहीं है। गुड्स बेचने के बाद जो फॉरेन करेंसी है ना, वो इंडिया में आनी चाहिए। तुम जितना भी एक्सपोर्ट करो, गवर्नमेंट को कुछ असर ही नहीं है। गवर्नमेंट को खुशी कब होगी, जब एक्सपोर्ट करने के बाद उसका जो सेल प्रोसीड्स है दैट शुड कम इन फॉरेन करेंसी टू इंडिया। इंडिया में जितना पैसा नहीं आएगा, गवर्नमेंट को खुशी नहीं होगी। सी गवर्नमेंट एक्सपोर्टर को भाव क्यों दे रही है, फॉरेन करेंसी के लालच में। और अगर तू एक्सपोर्ट कर रहा है और वहां पे तेरा सेलिंग प्राइस का जो पैसा है, सेल प्रोसीड, इंडिया में आ ही नहीं रहा है तो क्या फायदा। इससे गवर्नमेंट ने शर्त रखी है कि हमारी नजरों में वही एक्सपोर्ट है जिसका पैसा इंडिया में आ चुका है इन फॉरेन करेंसी, और इंडिया में लाने का टाइम दिया है। जिस साल तुमने एक्सपोर्ट किया था ना, या तो उस साल ही पैसा लेके आ जाओ, या फिर साल खत्म होने के बाद 6 महीने का टाइम मिला है। और आइदर एक्सपोर्ट प्रोसीड शुड बी ब्रॉट इन इंडिया इन द सेम ईयर। सेम ईयर मतलब जैसे अपने एग्जाम में तो 23-24 है ना, तो 23-24 में एक्सपोर्ट किया है तो 23-24 में सारे पैसे इंडिया में लेके आ जाओ, या फिर उस साल में पैसा नहीं ला पाते हैं ना, तो साल खत्म होने के बाद अपने को 6 महीने का टाइम मिलता है। और 6 महीना कब खत्म होगा, मार्च में साल खत्म होता है, उसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मैक्सिमम 30 सितंबर तक फॉरेन करेंसी शुड बी ब्रॉट इन इंडिया। और अगर वैसा करोगे तो ही गवर्नमेंट उसको एक्सपोर्ट गिनेगी। और इधर भी एक रूल है, अगर 6 महीने में हम इंडिया पैसा नहीं ला पाए तो 6 का 7-8 महीना भी ये लोग कर देते हैं, बट यू हैव टू टेक दी परमिशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एनी अदर कंपिटेंट अथॉरिटी। कंपिटेंट अथॉरिटी मतलब जो फॉरेन करेंसी डील करने में कंपिटेंट है ना, उसका परमिशन ले लो, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परमिशन ले लो। परमिशन क्यों चाहिए, कि अगर मैं एक्सपोर्ट प्रोसीड्स को 6 महीने में नहीं ला पा रहा हूँ, मुझे 7-8 महीना लग जाएगा, तो परमिशन ले लो। और परमिशन लेके तो तुम थोड़ा पैसा लेट भी लाओगे तो चलेगा, लेकिन पैसा इंडिया में नहीं आया ना तो गवर्नमेंट के लिए एक्सपोर्ट है ही नहीं। तो सी ये पॉइंट ये लोग कैसे टेस्ट करते हैं ना, ये देखो मेरे सब में कैसा 50 का एक्सपोर्ट दिख रहा है ना, लेकिन अब देखो क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा, लुक 50 में से ब्रॉट इन इंडिया खाली 25 है, मतलब एक्सपोर्ट तो 50 की हुई थी लेकिन 50 में से खाली 25 रुपये इंडिया में आया है इन फॉरेन करेंसी। तो जितना ब्रॉट इन इंडिया है ना, वही अपने लिए एक्सपोर्ट है। तो मतलब फॉर्मूला कैसे आएगा, फिर अपना जो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस है मल्टीप्लाई बाय एक्सपोर्ट टर्नओवर 25 हो जाएगा, और डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर 250 हो जाएगा। इस तरह से अपने को करना पड़ेगा, इनटू 25 अपॉन 250। ये दो इधर मैं सॉल्व करके रखा है, ये 100 में अज्यूम कर रहा हूं, जो अपना अकाउंट्स का नेट प्रॉफिट है ना, इनकम टैक्स में भी सेम नेट प्रॉफिट आ रहा है, मतलब कुछ प्लस माइनस एडजस्टमेंट्स नहीं है वो अज्यूम करके। तो ये इनकम फ्रॉम बिजनेस से इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर मेरा 25 हो गया है ना, क्योंकि उतना ही ब्रॉट इन इंडिया है, एंड डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। ओके, अब सुनो इसमें एक और पॉइंट है, गवर्नमेंट क्या एक्सपेक्ट करती है, एक्सपोर्ट का पैसा तुम इंडिया में लेके आओ, इंडिया में लेके आओ तो ही बात बनेगी। तो उसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर तुम एक्सपोर्ट प्रोसीड्स का पैसा इंडिया में नहीं ला पा रहे हो, तुम फॉरेन में भी पैसा छोड़ दोगे ना तो चलेगा, लेकिन फॉरेन में एक स्पेशल अकाउंट खोलना पड़ेगा। फॉरेन में एक स्पेशल बैंक अकाउंट खोलो विद दी परमिशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI की परमिशन लेके फॉरेन में ही कोई स्पेशल बैंक अकाउंट खोलो और वहां पैसा जमा कर दिया ना तो भी चलेगा।
उसको बोलते हैं डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। सी या तो इंडिया में लेके आओ, मगजमारी नहीं चाहिए, या फिर तुम इंडिया में नहीं ला पा रहे हो किसी रीजन से कि नहीं हमको पैसा उधर ही रखना है, हम लोग को इंडिया में लाना नहीं है। तो एक ऑप्शन है कि यू कैन ओपन अ स्पेशल बैंक अकाउंट विद द परमिशन ऑफ RBI। और ये बैंक अकाउंट कहाँ खुलेगा? फॉरेन कंट्री में। और उस बैंक अकाउंट में पैसा भी जमा कर दिया ना, वही विद इन 6 मंथ्स, टाइम लिमिट सेम है, तो भी ऐसा समझेंगे इंडिया में आ गया है। तो इंश्योर सुनो क्या क्या बात है, जिस साल में एक्सपोर्ट हुआ है या तो उसी साल में पैसे इंडिया में आ जाने चाहिए, या फिर साल खत्म होने के बाद 6 महीने का टाइम है, 6 का 7-8 महीना भी हो सकता है परमिशन लेके, और अगर तुम इंडिया में नहीं ला पा रहे हो तो उतने ही वक्त में यू कैन डिपॉजिट द सेम अमाउंट इन अ स्पेशल बैंक अकाउंट ओपन्ड इन अ फॉरेन कंट्री। ऐसा किया तो चलेगा। और ये सब क्वेश्चन में इन लोग बताएंगे, जैसे सी इधर मैंने क्या दिया था, 25 इज ब्रॉट इन इंडिया, फिर इन लोग क्वेश्चन में ऐसा भी दे सकते हैं 10 रुपीज वॉज नॉट ब्रॉट इन इंडिया बट इट वॉज डिपॉजिटेड इन अ स्पेशल बैंक अकाउंट ओपन्ड इन अ फॉरेन कंट्री विद द परमिशन RBI। ऐसा देंगे तो 10 को भी एक्सपोर्ट टर्नओवर गिन लो। अरे फिर तो मेरे फॉर्मूला में न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, इधर 25 के बदले 35 हो जाएगा ना, ये तो आंसर चेंज हो जाएगा। ये देखो पढ़ो क्या लिखा है मैंने, इधर एक्सपोर्ट टर्नओवर का मतलब जो ब्रॉट इन इंडिया है वो, या फिर डिपॉजिटेड इन अ स्पेशल अकाउंट इन फॉरेन कंट्री। और टाइमिंग क्या है, विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर और सच एक्सटेंडेड टाइम एज मे बी अलाउड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। टाइम एक्सटेंड भी हो सकता है। एनीवेज ये ब्रॉट इन इंडिया का डेटा इन लोग सब में देंगे, जैसे मैंने दिया ना 25, और अगर कुछ नहीं दिया ना तो वी कैन अज्यूम कि जितना भी एक्सपोर्ट का सेल है वो इंडिया में आ चुका है, ऐसा अज्यूम करके सॉल्व कर लो। तो बस ये हो गया 10AA खत्म। तो 10AA में अपने को एक तो ये सीन याद छाप लो दिमाग में, और दूसरा ये वाला जो मैंने बताया ये दिमाग में छाप लो। तो अपना 10AA खत्म। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है AMT, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। अब है ना अल्टरनेट मिनिमम टैक्स का टॉपिक है ना, बैक टू बैक 10AA के साथ ही पढ़ाने में मजा आता है। क्यों बताऊंगा, ये देखो लुक हियर, अभी मैं कुछ बोल रहा हूं सुनो, धीरे धीरे तुमको समझेगा ये अल्टरनेट मिनिमम टैक्स है क्या चीज। लुक, अज्यूम करो एक एक्सपोर्टर है, उसका इनकम फ्रॉम बिजनेस 100 रुपया है। इज इट पॉसिबल कि उसको पूरा माइनस करने मिल जाए? अरे पूरा का पूरा भी हो सकता है ना, मैंने क्या बोला कितना माइनस करने मिलेगा, डेट डिपेंड्स अपॉन कितना परसेंट एक्सपोर्ट करते हो। तो इमेजिन कोई बंदा गुड्स बना के सारा एक्सपोर्ट ही एक्सपोर्ट करता है, 100% एक्सपोर्ट करता है, तो अगर इसका इनकम फ्रॉम बिजनेस इधर 100 करोड़ है, मान लो 100 करोड़ है, तो पूरा 100 करोड़ माइनस हो जाएगा, अज्यूमिंग वो पूरा एक्सपोर्ट ही कर रहा है इंडिया के बाहर। तो ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? और ऐसा है, कितने लोग इंडिया में ना गुड्स बनाते खाली फॉरेन में बेचने के लिए, और फॉरेन में बेचते तो गवर्नमेंट को अच्छा लगता है, और उस चक्कर में गवर्नमेंट देखो पूरा डिडक्शन दे देती है तो उनकी इनकम 0 हो जाती है। अब पता है गवर्नमेंट को भी लालच क्या आ रहा है, यार तुमको हमने इतना ज़्यादा डिडक्शन दे दिया कि आपका इनकम ही 0 हो गया, अब 0 इनकम पे तुम तो टैक्स ही नहीं भरोगे, यार हमको थोड़ा टैक्स भी चाहिए। एट द सेम टाइम हम एक्सपोर्टर को बढ़ावा देना चाहते बट साथ में थोड़ा टैक्स भी चाहिए। अरे गवर्नमेंट की डबल माइंड है, अरे अपने कैसे डबल इच्छाएं होती है, बहुत बार पढ़ना भी है लेकिन थोड़ा मजा भी करना है, तो वैसे गवर्नमेंट का भी डबल माइंड है। डबल माइंड मतलब एक तरफ लगता है नहीं एक्सपोर्टर को प्रमोट करना चाहिए, उनको इनकम टैक्स से छुट्टी दे दो, टैक्स का लालच रहेगा, टैक्स बचाने का तो एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ क्या लगता है कि अगर उनको इतना ज़्यादा इंसेंटिव दे दिया कि अगर उन लोग पूरा डिडक्शन लेके इनकम 0 ही हो जाएगी, टैक्स कुछ आएगा ही नहीं तो कैसे चलेगा। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि उनका इनकम 100 है, 90 माइनस कर लिया, अरे मतलब कभी पूरा डिडक्शन मिल गया, कभी बहुत ज़्यादा मिला, मतलब कहने का मतलब है अपनी फाइनल इनकम बहुत नेग्लिजिबल हो गई, और इतनी सी इनकम पे गवर्नमेंट को दुख क्या हो रहा है, क्या टैक्स नहीं मिलेगा। अब गवर्नमेंट डिडक्शन खुद ही दी है, अब खुद डिडक्शन देने के बाद खुद ही रो रही है कि यार कुछ टैक्स ही नहीं मिल रहा, ऐसे कैसे चलेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने मतलब क्या बोला है, ऐसा बोला देखो एक्सपोर्टर लोगों, तुम लोग डिडक्शन ले लो, डिडक्शन लेने के बाद अगर तुम्हारा जो टैक्स आता है एकदम कम आया नहीं चलेगा, कुछ तो मिनिमम देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं अल्टरनेट
मिनिमम टैक्स, ये लास्ट सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट था। लॉ ने क्या बोला, एक्सपोर्टर लोगों, तुम लोग का जो इनकम फ्रॉम बिजनेस है उसमें से तुम लोग इधर डिडक्शन ले लो। हमने खुद डिडक्शन दिया है, लेकिन डिडक्शन लेने के बाद तुम्हारा जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी है, अरे इनकम पे टैक्स निकालेंगे ना, फाइनल टैक्स लायबिलिटी एकदम छोटा सा हो गया ना तो नहीं चलेगा। इतना छोटा सा टैक्स में हमारा पेट नहीं भरेगा ना, इससे एकदम कम टैक्स हो गया ना तो कुछ तो मिनिमम देना पड़ेगा, एंड दैट मिनिमम अमाउंट इज कॉल्ड ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। अब वो मिनिमम अमाउंट कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा, लेकिन ये होता है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। बट साथ ही गवर्नमेंट ये भी बोल रही है कि एक्सपोर्टर, अगर तेरी इनकम मान ले 100 है और तूने डिडक्शन लिया, और डिडक्शन तूने कुछ ज्यादा नहीं लिया है, डिडक्शन लेने के बाद भी तू अच्छा खासा टैक्स भर रहा है तो ठीक है ना। इसको बोलते विन विन सिचुएशन। विन विन मतलब आपको डिडक्शन मिला, मजा आया आपको, और हमको भी डिडक्शन लेने के अच्छा खासा टैक्स भी मिल रहा है तो चलेगा। अरे मतलब एक्चुअली सी डिडक्शन कितना मिलता है डिपेंड करता है ना। सी इधर मेरी इनकम 100 है अगर, तो इधर माइनस कितना होगा कुछ बोल नहीं सकते ना। अभी अभी तो मैंने सीखा है कितना माइनस होगा, डेट डिपेंड्स अपॉन परसेंटेज ऑफ योर एक्सपोर्ट। तो किसी किसी लोग को बहुत ज्यादा डिडक्शन मिलता है, किसी किसी लोग को खाली नाम का डिडक्शन मिलता है, और अगर किसी किसी लोग को थोड़ा बहुत ही डिडक्शन मिला है ना, तो वो लोग डिडक्शन लेने के बाद भी अच्छा खासा टैक्स भर रहे हैं ना, तो भरो। लेकिन अगर किसी ने बहुत ही ज्यादा डिडक्शन ले लिया और उसका टैक्स एकदम ही ज्यादा छोटा हो गया तो नहीं चलेगा, फिर एक मिनिमम अमाउंट आपको देना पड़ेगा। इसलिए पता है इसमें क्या करना पड़ता है, लुक हियर, ये देखो, और वो मिनिमम अमाउंट क्या है मालूम है, 18.5%। 18.5% मतलब ये देखो, लुक हियर, अगर मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस 100 है तो उसमें अगर मेरे को पूरा डिडक्शन मिल रहा है तो मेरा टैक्स तो जीरो ही हो गया ना, जीरो इनकम पे। लेकिन गवर्नमेंट बोले जीरो नहीं चलेगा, बहुत कम हो गया है, एक काम करो कम से कम 18.5% तो दो। मतलब है ना, इसको हटा दो, इसका 18.5% निकालो। 18.5% ऑफ हाउ मच अमाउंट विदाउट एनी इंसेंटिव। सी इंसेंटिव लेके तो जीरो हो गया ना यार, डिडक्शन लेने के बाद तो जीरो ही हो गया। लेकिन डिडक्शन की बिगर की दुनिया देखो, डिडक्शन की बिगर तेरा प्रॉफिट कितना था, 100, तो 100 का 18.5% भर दो, तो 18.5% 18.5 हो गया। ऐसे मेरा टैक्स 100 माइनस 100 करके जीरो हो गया था, लेकिन वो तो मेरा नॉर्मल टैक्स था। लेकिन गवर्नमेंट बोलती है नहीं, जीरो नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा कम है, जीरो तो है ही नहीं कुछ यार, तो आपको कुछ मिनिमम देना पड़ेगा। लेकिन वो मिनिमम के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, ये सब को कंसिडर नहीं करेगी, तेरा जो भी स्ट्रेट प्रॉफिट्स है ना उसका 18.5% दे दो। तो 18.5% भरना ही पड़ेगा अपने को, ओके। तो लोग बोले गवर्नमेंट डिडक्शन दे के फायदा क्या है, फायदा है, ऐसा मत सोचो डिडक्शन दे के कुछ फायदा नहीं, फायदा है। अगर गवर्नमेंट ने डिडक्शन रखा नहीं होता ना तो 100 रुपीज के ऊपर 30% टैक्स आता। अरे 30% मतलब रेगुलर टैक्स रेट, अपनी इनकम टैक्स के नॉर्मल रेट्स क्या है, एक बार स्लैब रेट्स में मत जाओ ना। एक पार्टनरशिप फर्म को कितना टैक्स आता है, 30% आता है। तो इमेजिन गवर्नमेंट ने 10AA जैसी कोई चीज़ रखी नहीं होती तो अपने को सीधा 30% भरना पड़ता। तो गवर्नमेंट 30% तो नहीं मांग रही है, गवर्नमेंट बोले भाई डिडक्शन ले ले, लेकिन डिडक्शन लेके तेरा जीरो हो गया तो ऐसे जीरो पे 30% क्या काम का। इससे गवर्नमेंट ने बोला मिनिमम 18.5 देना पड़ेगा। ओके टेल मी, अगर ऐसा हुआ तो एक माइंड में ना अपना 30% टैक्स रेट बिठा के रखना। अगर किसी का है ना इनकम फ्रॉम बिजनेस 100 है, ओके, और उसको 10AA में ना 10AA मान लो उसको 20 रुपीज का डिडक्शन मिला है, 20 रुपीज का, तो उसका प्रॉफिट कितना आ रहा है, 80। और अज्यूम करो पार्टनरशिप फॉर्म है, तो पार्टनरशिप फॉर्म को कितना टैक्स आता है, 80 रुपीज का 30% निकालो ना एक बार मन में, 80 रुपीज का 30% कितना हो गया, 24 रुपया। तो एक 24 रुपया माइंड में रखना। अब है ना अपने को ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स मतलब ऑल्टरनेटिवली कैलकुलेट करके देखना है, और ऑल्टरनेटिवली मतलब अपने को इंसेंटिव की बिगर देखना, प्लेन प्रॉफिट पे। अपना एक 24 आया था, भूलना मत। अब ये प्लेन प्रॉफिट का 18.5 निकालो, तो 18.5% 18.5 आ रहा है, तो अपना 24 ही ठीक था। मीन्स फिर गवर्नमेंट जो अपना नॉर्मल टैक्स है वो ही लेगी,
क्योंकि नॉर्मल टैक्स अपना 24 आ गया ना, 24 क्यों आया, क्योंकि इस बंदे ने ज्यादा डिडक्शन नहीं लिया था ना। बेसिकली गवर्नमेंट क्या बोलती, डिडक्शन लो, शौक से लो, ज्यादा मत लो। एकदम ज्यादा ले लोगे इनकम चर्ट ऐसा हो जाएगा, टैक्स एकदम नहीं के बराबर होगा, वो नहीं चलेगा। फिर आपको कुछ तो देना पड़ेगा मिनिमम। और अगर डिडक्शन लेने के बाद अच्छा खासा टैक्स भर रहे हो, जैसे अभी वाले एग्जाम्पल में क्या था, डिडक्शन लेने के बाद भी 24 रुपये का टैक्स आ रहा था ना, हाँ तो ठीक है 24 भर दे, फिर 18.5 नहीं, अरे मतलब इधर फॉर्मूला है, नॉर्मल टैक्स और जो मिनिमम टैक्सर है वो, दोनों में से जो हायर है वो। नॉर्मल टैक्स अगर ज्यादा है तो वो भर दो, और अगर नॉर्मल टैक्स एकदम जीरो हो गया तो मिनिमम वाला भर दो, विच एवर इज हायर। लेकिन सी नॉर्मल टैक्स कैसे निकालते, जैसे ये 100 था, ये माइनस करके जो आया था उस पे नहीं, नॉर्मल तो नॉर्मल तरीके से निकालते ना। एएमटी कैसे निकालते, एएमटी में ना ये डिडक्शंस को कैंसल कर देने का, एएमटी में क्या इंसेंटिव के बिगर निकालना है। सी एएमटी में इंसेंटिव को हटा रहे लेकिन 18.5 ही रखा है ना, इट इज नॉट फुल 30%, तो इंसेंटिव हटा के कैलकुलेट करना है 18.5%। अब सुनो, मतलब ये एएमटी तुमको क्या लग रहा है 10AA वालों को अटैक करने के लिए किया ना, ऐसा नहीं है। 3 लोग के लिए 10AMT खोला है। एक तो जो 10AA का बेनिफिट लेते हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स निकाला है। दूसरा एक और है 35AD लेने वाला, जो सेक्शन 35AD था मालूम है, इनकम फ्रॉम बिजनेस पे। 35AD में क्या होता है, कोल्ड चेन, वेयर हाउसिंग, क्रॉस कंट्री, हॉस्पिटल, होटल, हाउसिंग, ऐसे 14 धंधे है। उनको क्या बेनिफिट मिलता है कि इन लोग का कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है एक झटके में माइनस होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एक झटके में माइनस होता है, तो ये देखो अपना इनकम फ्रॉम बिजनेस ही एकदम छोटा सा आता है, और ये एकदम छोटा हो जाता है तो टैक्स भी छोटा होता है, तो वो भी गवर्नमेंट को दुखता है इधर। जैसे 10AA का गवर्नमेंट को क्यों दुखा, यार तूने 10AA में 100 कमा के पूरा 100 माइनस कर दिया, ऐसा होता है ना कभी कभी। तो वैसे 35AD वालों का भी गवर्नमेंट को दुख होता है कि 35AD लेके तुम लोग तुम्हारा इनकम फ्रॉम बिजनेस एकदम छोटा सा कर देते हो, ये देखो छोटा, और इतना छोटा हो गया तो टैक्स एकदम नहीं के बराबर होता है। अरे इनफैक्ट 35AD के धंधे में तो कितना लॉस ही दिखता है। अरे क्योंकि इतने बड़े बड़े कैपिटल एक्सपेंडिचर एक झटके माइनस करोगे तो अपना नेट प्रॉफिट नेट लॉस कैसा आता है। तो ये भी गवर्नमेंट को लगता है यार ये 35AD भी तुम लोग कुछ ज्यादा ही मजा ले रहे हो। माना कि गवर्नमेंट खुद ये सेक्शन खोली है, कौन सा 35AD, वो देश को डेवलप करने के चक्कर में खोला है। लेकिन गवर्नमेंट का डबल माइंड है ना कि देश को डेवलप करने के लिए इंसेंटिव देना जरूरी है लेकिन कुछ टैक्स भी तो मिलना चाहिए। तो ऐसे लोग को भी बोला है कि अगर 35AD लेने के बाद तेरा टैक्स एकदम कम हो गया तो नहीं चलेगा, कुछ तो मिनिमम देना पड़ेगा। अरे मतलब सेम जैसा मैंने बताया था, मैं तुमको प्रॉपर कैलकुलेशन करके बताऊं कैसे करना है। अभी खाली अपने को ये समझना है एएमटी नाम की चीज क्यों बनी है और किसके लिए बनी है। क्यों बनी है मैंने बता दिया, और किसके लिए बनी है, 10AA वालों के लिए और 35AD वालों के लिए। एक और है ATIA ATIB, ATI वाले जो सेक्शंस होते हैं ना वो लेने वालों को ले भी AMT बना है। अब ATIA ATIB जब बोलूंगा तुम लोगों को पल्ले नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन पता है देखो चैप्टर 6 में है ना, तुमको मैंने जितना एटी वाला सेक्शन पढ़ा है सब नहीं पढ़ाया, और भी काफ़ी एटी वाले सेक्शन, जैसे एटी लाइन से सुनो, ATIA IB IC ID IE IAB IAC आई वाले कितने सारे सेक्शन है। और पता है इन सेक्शंस में क्या होता है, कितने लोग का इनकम फ्रॉम बिजनेस इधर 100 होता है ना पूरा माइनस हो जाता है लिटरली। जैसे एक्सपोर्टर को कैसे पॉसिबल है कि उसका पूरा प्रॉफिट लेस हो जावे, प्रोवाइडेड उसने फुल एक्सपोर्ट किया है। तो वैसे एक और सेक्शन है ATIA IB, ये तो ऐसा दिखता है ATIA IB, ऐसे आई वाली लंबी सीरीज है जो तुम लोग के सिलेबस में नहीं है। लेकिन खाली जानकारी रखो कि हाँ ये सेक्शंस में भी ना लोगों को बहुत ज़्यादा टैक्स का सेविंग होता है, तो इनके लिए भी गवर्नमेंट ने AMT खोला है। सो इन शॉर्ट
कैलकुलेशन अभी तक मैंने सिखाया नहीं प्रॉपरली, मैं तुमको अभी तक दो ही चीज बताया, एएमटी क्यों चालू किया और किसके लिए एप्लीकेबल है। तो एएमटी क्यों चालू किया, क्योंकि कितने लोग को कुछ ज्यादा इंसेंटिव मिलता है, टैक्स एकदम जीरो जैसा हो जाता है, तो वो गवर्नमेंट को बर्दाश्त नहीं होता, कुछ तो मिनिमम चाहिए। और ये किसके लिए खोला है, जो लोग 10EE लेते हैं और जो लोग 35AD लेते हैं और जो लोग 80IA वाले सेक्शंस का बेनिफिट लेते हैं, उनके लिए खास खोला है। ओके, अब सुनो, मैं डायरेक्टली तुमको है ना इसका एक फॉर्मेट बताऊंगा अभी, एक कैलकुलेशन कैसे करते, और बाद में एक सम सॉल्व करके बताऊंगा, टॉपिक खत्म। ओके, सम मैंने स्टडी मटेरियल का ही लिया है और इस सम के अंदर अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, लेकिन पहले मुझे कुछ कैलकुलेशन बतानी है। देखो ये, देखो ये 5 heads ऑफ इनकम हम लोग कंप्यूट करते हैं ना, तो इसमें हम लोग ने 35AD का भी बेनिफिट लिया होगा, 10EE भी लिया होगा और 80IA भी, जो बोला तीन लोग के लिए बना है, रट लो ये। AMT किसके लिए पैदा हुआ है, 10EE वाले, 35AD वाले और 80IA वाले सेक्शन लेने वाले, तो ये सब का बेनिफिट गवर्नमेंट क्या बोलती है, ले लो, चलो ले लो सारा बेनिफिट्स ले लो, फिर देखते तुम्हारा नॉर्मल टैक्स क्या है। सी पहले गवर्नमेंट क्या बोलती है, चल तू सब इंसेंटिव्स ले ले, डिडक्शन विडक्शन ले ले, देखते टैक्स कितना आ रहा है, और अगर अच्छा खासा टैक्स आ रहा है तो तकलीफ नहीं है ना। तो ये देखो पहले क्या करना चाहिए, लोग नेट टैक्सेबल इनकम पे नॉर्मल टैक्स निकाल दो नॉर्मल रेट के हिसाब से। नॉर्मल रेट मतलब कोई इंडिविजुअल है तो स्लैब रेट, पार्टनरशिप फॉर्म है तो 30%, नॉर्मल रेट से टैक्स निकाल लो। फिर गवर्नमेंट बोलेगी अब तुम लोग के कैलकुलेशन में से हम लोग ये सब को हटा देंगे, किसको, 10EE, 35AD, 80IA वगैरह, ये सब जो तुमने मस्त लेस कर दिया ना, तो गवर्नमेंट उसको एक बार वापस एड बैक करेगी। एड बैक करके मतलब गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि अगर तुमको ये सब बेनिफिट्स नहीं मिलते तो तुम्हारा इनकम क्या होता, फिर उसका 18.5% निकालेंगे। तो सी लुक हियर, मैंने देखो क्या किया, पढ़ो, 80IA वाला जो सेक्शन में बोल रहा था ना, उसका एक रेंज है 80IA टू 80RRB, इन सब सेक्शंस को हम लोग एड बैक कर देंगे। एड बैक क्यों बोला, क्योंकि ये देखो पहले इधर लेस हुआ था, अरे चैप्टर 6A वाली आइटम है ना, तो पहले माइनस हुआ था, तो माइनस होना तो नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल टैक्स तो मैंने निकाल लिया ना, अभी मैं क्या निकाल रहा हूं, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। तो उसके लिए जो मैंने इधर ये माइनस किया था ना, इसको एक बार के लिए वापस ऐड कर दिया। खैर तुम लोग इसके ऊपर ज्यादा सोचो मत, अपने एग्जाम में 80IA VTIA कुछ आएगा नहीं, लेकिन याद करो इसको पहले ऐड बैक करना पड़ता है। हो सकता है ये लोग रेडीमेड अमाउंट दे देंगे कि 80IA में उसने इतना डिडक्शन लिया है, तो जो लिया उसको वापस से पलटी मार दो, ऐड बैक कर दो। फिर 10EE को भी पलटी मार दो। 10EE भी किधर आता है, अरे चैप्टर 6 के साथ साथ ही नीचे आता है ना इधर, वो भी लेस हुआ तो उसको भी एड बैक कर दो। फिर 35AD, वो तो इनकम फ्रॉम बिजनेस भी कट गया था, सेक्शन 35AD में क्या मिलता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो तो इनकम फ्रॉम बिजनेस भी कट गया था, तो उसको भी एड बैक कर दो। लेकिन सी 35AD में क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलता है, मतलब फिक्स्ड एसेट्स का। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, फिक्स्ड एसेट्स का फुल कॉस्ट डिडक्शन लेना कुछ ज्यादा है, लेकिन फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन तो मिलना चाहिए ना। इससे गवर्नमेंट क्या बोले, तू जो फुल कॉस्ट माइनस किया ना उसको वापस पलटी मार और डेप्रिसिएशन ले ले। जैसे मान लो ड्यूरिंग द ईयर कोई 35AD वाले ने कोई 100 करोड़ का प्लांट एंड मशीनरी लिया है, तो 100 करोड़ का प्लांट एंड मशीनरी इनकम फ्रॉम बिजनेस में लेस हो चुका था, तो गवर्नमेंट बोलेगी चल उसको वापस ऐड कर दे, लेकिन वो प्लांट एंड मशीनरी है तो उसका डेप्रिसिएशन तो मिलना चाहिए, तो उसका डिडक्शन दे देगी। ये देखो देख के समझेगा, लुक यार कुछ ऐड करना है कुछ लेस करना है, अरे इसका डबल इफेक्ट आता है। ऐड क्या करना है, जो फुल कॉस्ट डिडक्शन लिया वो ऐड बैक कर दो और उस पे जो डेप्रिसिएशन बनता है वो लेस करो। ओके, ये एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा। मतलब इधर हमने एक तरह से मालूम है क्या किया है, तुमको जो इंसेंटिव्स दे के गवर्नमेंट को पेट में दुख रहा था ना, वो गवर्नमेंट ने रिवर्स करवा दिया। रिवर्स करवा के अब देखो अपना आंसर क्या आता है, जो भी आंसर आता है उसका नाम क्या है उनमें, एडजस्टेड टोटल इनकम। एडजस्टेड मतलब हमने एडजस्टमेंट्स किया ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एडजस्टेड टोटल इनकम। फिर इसके ऊपर हम लोग निकालेंगे 18.5%। देखो कैलकुलेट किया मैंने इधर,
इसका 18.5% निकालेंगे, वो क्या होता है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, एंड फिर इसमें ना सरचार्ज भी ऐड होता है, इसमें सरचार्ज भी ऐड होगा, ओके। और सरचार्ज कितना आएगा उन्होंने लुक, वो इस पर निर्भर करता है कि ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स इसके ऊपर निकाला ना, तो सरचार्ज भी इस पर डिपेंड करता है, किस पे, एडजस्टेड टोटल इनकम पे। अगर ये 50 लाख तक है तो नो सरचार्ज, 50 लाख के ऊपर है तो 10%, 1 करोड़ के ऊपर है तो 15%। अरे मैं सरचार्ज के रूल्स बोल रहा हूँ, और पार्टनरशिप फर्म का तो मालूम है कैसा है, 1 करोड़ तक सरचार्ज ही नहीं आता, 1 करोड़ के ऊपर है तो 12%, मतलब रूल वही है। लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या नेट टैक्सेबल इनकम देख के डिसाइड करते हैं ना, लेकिन वो नॉर्मल टैक्स के लिए ऐसा होता है। एएमटी के लिए ये फिगर को देख के डिसाइड करो, किस फिगर को, एडजस्टेड टोटल इनकम। तो सी इधर मेरे स्क्रीन पर सरचार्ज लिखा हुआ दिख नहीं रहा है, लेकिन 18.5% तो खाली टैक्स है, इसमें सरचार्ज भी जुड़ेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी जुड़ेगा, वो तो इधर भी जुड़ा था। अरे मतलब बाकायदा दो वर्किंग करते, इधर भी सरचार्ज सेस वेस सब आएगा, इधर भी सरचार्ज सेस वेस सब आएगा, लेकिन फर्क क्या है, इधर नॉर्मल रेट से आएगा, इधर 18.5% के रेट से आएगा। फिर इन दोनों में से देखो विच एवर इज हाई, मीन्स गवर्नमेंट बोलती या तो तू ये भर दे या फिर ये भर दे, दोनों में से जो विच एवर इज हायर है, बस इतना सा फॉर्मेट आ गया ना, ट्रस्ट मी अगर एग्जाम में सम आए गारंटी राइट जाएगा तुम्हारा। और भरोसा नहीं, कभी 6-1 मार्क का क्वेश्चन डाल सकते हैं इन लोगों, और क्वेश्चन डालेंगे तो अपने को सिंपल ये वर्किंग करनी है। सी ये सब तो अपने को करने आता ही है ना, एक्स्ट्रा क्या करना है बताओ मेरे को, एक्स्ट्रा देखो मैंने हाईलाइट किया, ये सब चीज अपने को एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, ओके। क्या क्या एडबैक करना है, 80IA वगैरह, 10AA, 35AD को एडबैक कर देंगे, और लेस क्या करना है, जो 35AD में फिक्स्ड एसेट था ना वो बताएंगे, कुछ फिक्स्ड एसेट हमने फुल कॉस्ट माइनस किया था, तो फुल कॉस्ट को एडबैक कर दो, उसका डेप्रिसिएशन ले लो, डेप्रिसिएशन ऑन 35AD एसेट, ओके। फिर एडजस्टेड टोटल इनकम आ गई, फिर इसका 18.5% प्लस सरचार्ज प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वो और नॉर्मल दोनों में से विच आर इज हायर, ओके। अब है ना इसको सॉल्व करके बता दो कैसे करना है, ये माइंड में फॉर्मेट छाप लो। ये देखो ये सम है, एक बार है ना ऊपर ऊपर से तुम लोग रीड कर लो सम को, फिर मैं डिस्कस करता हूं। अच्छा समय साथ में रीड कर देते हो क्या दिया है। सी एएमटी का सम मालूम कैसे पड़ेगा, एएमटी है जिस क्वेश्चन में 10AA आ गया, 35AD आ गया, या फिर 80IA वगैरह तो आएगा नहीं, ये तीन चीज आ गई मतलब एएमटी आएगा, ओके। तो सी इस सम में तो अपना 10AA भी है, ये देखो एक्सपोर्ट बिजनेस स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, और वेयरहाउसिंग का बिजनेस मतलब 35AD में आता है। पता है 35AD में दो वेयरहाउसिंग के बिजनेस थे, एक वेयरहाउसिंग फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस और एक वेयरहाउसिंग फॉर शुगर, दो वेयरहाउसिंग वाले बिजनेस थे। तो बिकॉज इसमें 35AD है और एक्सपोर्ट बिजनेस मतलब 10AA, तो इससे समझ जाना चाहिए AMT आएगा, ओके। एक बार पढ़ लो क्या लिखा है, प्रॉफिट फ्रॉम यूनिट लोकेटेड इन सेज 40 लाख से, फिर एक्सपोर्ट टर्नओवर रिसीव्ड इन इंडिया इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज ऑन और बिफोर 30th September। पता है 10AA के लिए रूल क्या था, 10AA का फॉर्मूला क्या है, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर, और एक्सपोर्ट टर्नओवर मतलब जो अमाउंट इंडिया में आता है विद इन 6 मंथ्स। तो इधर देखो विद इन 6 मंथ्स ही दिया ना, 30th September कैसे निकाला, अपना साल कभी खत्म हो रहा है 31st March को,
उसके बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, और मैंने बताया था 6 महीने में पैसा लाना पड़ता है, तो इन लोग बोल रहे 6 महीने में इतना पैसा आया था, और ये डोमेस्टिक सेल्स है, मतलब इतना इंडिया में सेल हुआ है, तो अपना टोटल टर्नओवर कितना हो गया, ये एक्सपोर्ट टर्नओवर, ये डोमेस्टिक टर्नओवर, तो टोटल टर्नओवर कितना हो गया, 1 करोड़, 1 करोड़ अपना टोटल टर्नओवर है। फिर प्रॉफिट फ्रॉम यूनिट फ्रॉम वेयरहाउसिंग फैसिलिटी बिफोर डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD, मतलब ये 35AD के डिडक्शन के पहले वाला प्रॉफिट है। एंड फिर एक कैपिटल एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में दिया है, ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन ही है, मैंने लिखा है ना, ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन है। अब सी, वेयरहाउस के ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है तो इसका तो फुल डिडक्शन मिलेगा, और इन लोग ने ये डिडक्शन लिया है कि नहीं लिया है, नहीं लिया है, ये लिखा ना इधर, बिफोर कंसिडरिंग द डिडक्शन, मतलब ये वाले प्रॉफिट में 35AD का डिडक्शन नहीं हुआ है तो हम लोग ले लेंगे। और 35AD में करना क्या है, जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है फुल कॉस्ट माइनस कर देंगे। ओके, फिर नीचे पढ़ो क्या लिखा है, कंप्यूट दी इनकम टैक्स इंक्लूडिंग AMT अंडर सेक्शन 115JC। 115JC के कानून में ये सब जो मैंने तुमको सिखाया था ना, ये कहाँ लिखा है कानून में, 115JC में लिखा है, ये जो मैंने तुमको सिखा दिया, तुम लोग सीख भी लिए, हाँ मैं हाँ भरा लिए, लेकिन इसका सेक्शन तो होगा ना कोई, तो सेक्शन है 115JC। तो क्या लिखा है, कंप्यूट दी इनकम टैक्स इंक्लूडिंग AMT अंडर 115JC। इंक्लूडिंग AMT मतलब नॉर्मल टैक्स भी निकाल, साथ साथ AMT भी निकाल, इंक्लूडिंग मतलब साथ साथ AMT भी निकाल, मतलब ये देखो, ये तो निकाली, साथ साथ AMT भी निकाल। ओके, वो तो नहीं भी बोला हो ना, जिस असेसी ने 10EE लिया है तो उसका AMT कैलकुलेट करना ही पड़ता है। ओके, फिर क्या लिखा, कंप्यूट दी इनकम टैक्स इंक्लूडिंग AMT ऑफ मिस्टर एक्स फॉर AY 24-25 बोथ एज पर सेक्शन 115BAC एंड एज पर रेगुलर प्रोविजंस, मतलब 115BAC के नियम से भी निकाल और रेगुलर नियम से भी, फर्क क्या है, 115BAC में स्लैब रेट्स अलग है और रेगुलर प्रोविजंस में स्लैब रेट्स अलग है। और पता है 115BAC में स्लैब रेट्स अलग है, लेकिन उसमें सब इंसेंटिव्स की कुर्बानी देनी पड़ती है, उसमें चैप्टर 6 से भी कुर्बान करना पड़ता है, 10EE भी कुर्बान, और बहुत सारे बेनिफिट्स को कुर्बान करना पड़ता है, वो कुर्बानी देके एक स्पेशल स्लैब रेट मिलेगा 115BAC में। और रेगुलर प्रोविजन मतलब अपना 2,50,000 वाला स्लैब रेट, लेकिन इसमें कुछ कुर्बानी नहीं देनी है, सारे बेनिफिट्स अपने को मिलेंगे। ओके, और एक चीज याद होगा ना, जो लोग 115BAC में टैक्स भरते हैं ना, उन लोग को AMT एप्लीकेबल नहीं है, ये मैंने पढ़ाया था तुम लोग को, ये देखो तुम लोग को सीन दिखा देता हूं, तुम लोग को याद नहीं होगा तो देखो इधर बता दो, इधर है लुक, 115BAC में मैंने कुछ स्पेशल स्लैब्स बताए थे, और पता है ऐसा बोला था नो AMT। तो इधर क्वेश्चन इन लोग ने अपने को दो तरीके से सॉल्व करने को बोला है, एक 115BAC के तरीके से कर और नॉर्मल तरीके से। 115BAC के तरीके से करोगे ना तो स्लैब्स ऐसे वाले लगेंगे और AMT नहीं आएगा उसमें, उसमें खाली जो नॉर्मल टैक्स आता है वो निकालो। ओके, एंड फिर 115BAC में ये सब सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तो पता है उधर चैप्टर 6 से भी सैक्रिफाइस होता है, 10EE बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, 35AD भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है, याद है कि नहीं बताया था मैंने, तो अपने सम में जो है उसमें मालूम है 35AD सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, अपने सम के हिसाब से बता रहा हूँ, और अपने सम में 10EE वो भी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो ये सैक्रिफाइस मतलब ये लिए बिगर ऐसा स्लैब लगाना है, बड़ा फिर AMT नहीं आएगा, तो ये एक ऑप्शन है। इधर देखो इन लोगों ने सब में दो ऑप्शन पूछा है ना, किधर गया सब, ये रहा, क्या पूछा है, 115BAC से भी कर और रेगुलर प्रोविजन से भी कर, फिर क्या पूछ रहे, एडवाइस वेदर ही शुड पे टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम और नॉर्मल प्रोविजन। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम मतलब 115BAC, मैंने
मैंने बताया था ना 115 BSE बाई डिफॉल्ट वैसा ही होता है अभी टैक्सेशन। जब तक तुम गवर्नमेंट को बोलोगे नहीं ना कि मुझे 115 BSE नहीं चाहिए, तो तुम्हारा बाई डिफॉल्ट 115 BSE होगा। तो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम लिखा है मतलब 115 BSE और नॉर्मल प्रोविजंस। ओके, तो ये देखना, लुक हियर, इसको सॉल्व कैसे करना, कैन यू इमेजिन सम कैसा दिखेगा। सम में दो सॉल्यूशन दिखने चाहिए, एक 115 BSE के अनुसार और ए रेगुलर प्रोविजन के हिसाब से। ओके, तो सी मैंने सॉल्व करके रखा है ताकि तुम्हारा टाइम बचे। एक ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से, मतलब नॉर्मल जो 2,50,000 दाऊंगा स्लैब है ना, वो हिसाब से जो दिखा वही देखना। एक तो ये, दूसरा वर्किंग मैंने कैसे किया है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, मतलब 3,00,000 वाला स्लैब्स के हिसाब से। 115 BSE में 3,00,000 का स्लैब है ना, ये तो दो वर्किंग करनी पड़ेगी, एक ये हो गई और दूसरी ये हो गई। एंड फिर दोनों में से जिधर टैक्स कम आ रहा है वो बेस्ट है, बोला नहीं इसको एडवाइस भी करना है, तो एडवाइस करने के लिए दोनों वर्किंग करेंगे, फिर व्हाटएवर इज बेटर वो एडवाइस कर देंगे, और बेटर तो वो होगा जिसमें टैक्स कम आएगा ना। अब देखो अपने सम में ना इनकम के नाम पे क्या क्या दिया, इनकम पे नाम पे सी कभी भी इन लोग है ना टैक्स कैलकुलेशन पूछा है ना, तो अपने दिमाग में 5 हेड्स ही चलना चाहिए, तो 5 हेड्स की इनकम लिस्ट बना दो। सी इन लोग क्वेश्चन में कुछ भी डेटा देवे, इतना पता ना टैक्स कैलकुलेट करना है, तो 5 हेड्स ऑफ इनकम के लाइन्स पे ही सोचने का, और उसके लिए क्वेश्चन में इनकम्स को तलाशो। तो बताओ मेरे सम में इनकम्स क्या है, इनकम टैक्स है तो पहले इनकम तलाश ले। तो इनकम के नाम पे क्या है, एक तो ये प्रॉफिट दिया है जो कि इनकम फ्रॉम बिजनेस हो गया ना, और क्या दिया है, ये तो सेल्स है, ये भी सेल्स है, मुझे इनकम चाहिए 5 हेड्स वाली, तो 5 हेड्स वाली ये आ गई इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये वो चाहिए तो लिख देता हूं ये इनकम फ्रॉम बिजनेस। और कोई इनकम है, देखो ये भी है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ वेयरहाउसिंग फैसिलिटी, ये भी इनकम फ्रॉम बिजनेस है। तो बस इनकम के नाम पे दो ही है ना, तो बस अपने 5 हेड्स में ना बाकी हेड्स की जगह नहीं है, खाली इनकम फ्रॉम बिजनेस। फिर भी देखो मैं प्रेजेंटेशन के लिए क्या किया है, सैलरी हाउस प्रॉपर्टी लिखा है डैश कर दिया, कैपिटल गेन्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी लिख के डैश कर दिया है, देखा डैश जो किया है। और इनकम फ्रॉम बिजनेस में देखो दो पॉइंट लिखे है, कैन यू सी 1 और 2, दो क्यों, क्योंकि अपने क्वेश्चन में दो इनकम है, एक ये दूसरा ये। अब देखो ये ओल्ड टैक्स रिजीम मतलब नॉर्मल, और नॉर्मल में तो अपने को 10AA, 35AD सबके बेनिफिट्स मिलते हैं ना। तो देखो मैंने पहले ना वेयरहाउसिंग बिजनेस को कैसे दिखाया, देख के समझ जाओ ना, वेयरहाउसिंग बिजनेस में प्रॉफिट कितना था, 105 लाख, लेकिन ये बिफोर 35AD था ना, तो 35AD का डिडक्शन तो लेना पड़ेगा, और 35AD में तो पूरा डिडक्शन मिलता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना था, 65 लाख्स। तो ये देखो मैंने 105 में 65 लाख पूरा माइनस कर दिया। सी 115 BSE से करेंगे ना तब कुर्बानी देनी पड़ेगी, तब ये सब नहीं मिलेगा, लेकिन ये तो पहले मैं नॉर्मल तरीके से निकाल रहा हूँ ना, तो ये फुल डिडक्शन मिल गया। फिर सेज यूनिट में प्रॉफिट कितना है, 40 लाख, और इसका अपने को 10AA मिलेगा, लेकिन मैंने 10AA की जगह क्या बताई है, इनकम ऊपर लिखने का, लेकिन नीचे आएगा लास्ट में ना, तो 10AA को मैं नीचे दिखाऊंगा। ये देखो कितना 10AA का प्रॉफिट, 40 लाख है ना, तो मैंने 40 लाख को ऊपर लिख दिया, और 10AA का वर्किंग देखो नीचे किया, चैप्टर 6 की जगह पे कैसे किया, देखो फॉर्मूला क्या था, जो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस होती है मल्टीप्लाई बाय एक्सपोर्ट टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर। अपना एक्सपोर्ट टर्नओवर टोटल टर्नओवर कितना है, एक्सपोर्ट टर्नओवर 80 है और टोटल टर्नओवर तो पूरा 100 है, दोनों को ऐड करके टोटल टर्नओवर आएगा ना, तो इनटू ईटी अपॉन टीटी, तो ये आ गया, तो अपने को ये डिडक्शन मिल गया, सम सिंपल है। फिर अपना नेट टैक्सेबल इनकम आ गया, ये मैं 115 BSE कर रहा हूँ कि नॉर्मल, नॉर्मल पहले नॉर्मल ही बच्चों को करके दिखाना पड़ता है ना। अब है ना इसके ऊपर टैक्स निकालो कैसे आएगा, ओल्ड टैक्स रिजिम मतलब 2,50,000 के स्लैब के हिसाब से, तो इस पे 2,50,000 के स्लैब से कैसे आएगा, अरे कैलकुलेटर पे कर, 48 लाख में कैसे करना चाहिए, अप टू 2,50,000 0%, 2,50,000 से 5 लाख के बीच में जो है उस पे 5%,
5 लाख से लेके 10 लाख तक 20%, और 10 लाख के ऊपर गया वो 30%, ये पुराने स्लैब रेट के हिसाब से किया मैंने। ओके एंड फिर उसमें रिबेट आता है, सरचार्ज आता होता है ना, इधर रिबेट तो नहीं आएगा, रिबेट एनटीआई 5 लाख तक होता है तो सरचार्ज भी नहीं आएगा। सरचार्ज कब आता, जब ये 50 लाख के ऊपर है तो ना रिबेट है ना सरचार्ज, लेकिन हेल्थ एंड इंश्योरेंस ऐसा आएगा। तो सी मैं तुम लोग से कैलकुलेट नहीं करवा रहा हूँ, मैं कर करा के रखा हूँ। मैंने ये जो निकाला है ना, ये कैसे निकाला है तुम लोग खाली समझ लो ना। 48 लाख पे मैंने वो पुराने वाले स्लैब रेट लगाए, और उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी जोड़ना पड़ता है, और मेरा टैक्स कुछ इतना आ गया। ओके तो ये तो नॉर्मल टैक्स था, लेकिन मैंने क्या सिखाया था, एएमटी जिसके लिए होता है ना, तो उसको नॉर्मल टैक्स के साथ साथ एएमटी भी निकालना पड़ता है। वो कैसे करूंगा बताओ। अरे अभी जो मैंने निकाला ये क्या था बताओ, ये तो नॉर्मल टैक्स है, नॉर्मल मतलब ये वाला निकाला देखो, लेकिन अभी एएमटी भी निकालना पड़ेगा ना। कैसे करेंगे, ये तीन चीज को ऐड बैक करना है और डेप्रिसिएशन लेस करना है। तो अपने सब में क्या क्या बताओ, ये तो नहीं है, 10 डबल है वो ऐड बैक कर देंगे, 35 AD को भी ऐड बैक करके उस पर डेप्रिसिएशन ले लेंगे। ओके तो करके बताओ, इधर पहले 10 डबल ए को ऐड बैक कर देंगे, तो ये 32 लाख लेस हुआ था ना इसमें, तो ये देखो मैंने ऐड बैक कर दिया, देख जरा देखते हैं खाली मैंने क्या किया है। फिर 35 AD को भी ऐड बैक कर दिया, 35 AD में कितना था, 65 लाख, 10 डबल ए में कितना था, 32 लाख। ये सब जो लेस किए थे ना, यही तो गवर्नमेंट को चुभ रहा था कि तुम लोग को कुछ ज्यादा इंसेंटिव दे दिया हमने, तो गवर्नमेंट उसको एक बार रिवर्स कर रही है। लेकिन सी 35 AD को रिवर्स किया तो उस पर डेप्रिसिएशन लेना मत बोलना, और डेप्रिसिएशन कितना आएगा लो ये देखो, ये 65 लाख का क्या था, वेयर हाउस था, और वेयर हाउस मतलब चार दीवार छत होती है, और अपने टैक्सेशन में चार दीवार छत मतलब बिल्डिंग, और बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन का रेट 10% होता है, ये मैंने इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़ाया था, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन कितना होता है, 10%, तो 10% डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा, वो भी 180 डेज से कम है तो हाफ ईयर हो जाएगा। लेकिन इधर बताया कि वेयरहाउस हमने कब खरीदा, डेट नहीं दिया था, तो फुल ईयर का डेप्रिसिएशन ले लेंगे। ओके तो सी मैंने इधर क्या किया है पढ़ो, 65 लाख की फुल कॉस्ट को ऐड बैक कर दिया और उसका डेप्रिसिएशन लेस कर दिया, डेप्रिसिएशन कैसे है, 10% के हिसाब से। ओके तो ये सारे एडजस्टमेंट्स कौन से जो मैंने इधर तुमको सिखाए थे, देखो ये सब चीज मैंने कर दी, सभी तो कर दिया, ATIA वगैरह सब में था ही नहीं, वो डालेंगे भी नहीं इन लोग। ये आ गया, अब क्या करना है, अब इसका 18.5% निकालेंगे, तो इसका 18.5% प्लस सरचार्ज भी लेना पड़ेगा, मैंने बोला था ना। और पता है इस पे सरचार्ज ये अमाउंट पे निर्भर करता है, और ये अमाउंट कितना, 1,38,50,000, ये 138.5 लाख है, तो यानी कि 1,38,50,000, और किसी का भी इनकम 1 करोड़ के ऊपर होता है तो 15% वाला सरचार्ज आता है। तो क्या करेंगे, पहले इस पे स्लैब रेट लगाएंगे, वही 2,50,000 वाले, 2,50,000, सॉरी क्या गलती से बोल दिया, स्लैब रेट AMT 18.5% निकालेंगे, सुनो ध्यान से, गलत बोल दिया, रिकॉर्डिंग गलत हो जाएगी, इसका 18.5% कैलकुलेट करो, AMT निकाल रहा हूं मैं, तो ओरली सोचो 138.5 का 18.5% प्लस सरचार्ज 15% वाला, प्लस हेल्थ एंड इंश्योरेंस 4% वाला, वो सब मैंने कर करा के रखा रेडीमेड। तुम लोग चाहिए तो वीडियो देखने वाले साइड में कैलकुलेट करके देख लेना। ओके फर्क कितना, ये मैंने नॉर्मल 2.5 लाख के स्लैब से किया, और ये 18.5% से किया था, इसमें तो सरचार्ज नहीं बन पाया क्योंकि 50 लाख से ज्यादा था ही नहीं ना, लेकिन इसमें तो सरचार्ज भी आ गया और हेल्थ एंड इंश्योरेंस तो आएगा ही। फिर इन दोनों में से अपने को क्या सिलेक्ट करना है, विच एवर इज हायर, तो हायर वाले को देखो मैंने बॉक्स में डाल के रखा है, तो ये मेरा आंसर हो गया। लेकिन इसको क्या बोल दिया, देखो सब में पूछा था ना एज पर रेगुलर प्रोविजंस, लेकिन इन लोग ने क्या बोले, 115 BSC से भी कर, ये देखो बोथ दोनों तरीके से कर, फिर एडवाइस करने का है। ओके तो अभी 115 BSC के तरीके से क्या फर्क पड़ेगा, देखिए बेटा ओरली बोलो क्या फर्क पड़ेगा, 115 BSC में अपने को सब इंसेंटिव सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तो ये जो 35 AD वेडी मिलता है कुछ नहीं मिलेगा,
तो ये जो फुल कॉस्ट डिडक्शन नहीं मिलेगा लेकिन डेप्रिसिएशन मिलेगा। सी 35D में अजीब क्या है कि गवर्नमेंट पूरा फिक्स्ड एसेट का कॉस्ट माइनस करने देती है, तो वो चलो ज्यादा हो गया लेकिन डेप्रिसिएशन तो बेसिक है, तो अपने क्या करेंगे फुल कॉस्ट ना लेके डेप्रिसिएशन ही लेस करेंगे। और 10AA वेन डबल ए कुछ भी नहीं मिलेगा, ये 115BAC की दुनिया है। 115BAC की दुनिया में इंसेंटिव्स नहीं मिलते, लेकिन स्लैब रेट सुने रहे हैं प्यारे प्यारे स्लैब रेट से। और फायदे क्या 115BAC में, मैंने चार फायदे बताए थे। एक तो अच्छे स्लैब रेट से, सरचार्ज में 37% वाला नहीं आता है, रिबेट भी 7 लाख तक मिलता है 25,000 अमाउंट की। अगर NTI 7 लाख तक हुई तो 25,000 तक रिबेट है, AMT एप्लीकेबल नहीं है। ये दीज आर द गुड पॉइंट्स इन 115BAC, लेकिन इंसेंटिव सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो पहले देखो इसको सैक्रिफाइस किया ना तो इधर क्या आएगा, फुल 65 लाख से खाली 6.5 डेप्रिसिएशन, खाली 6.5 डेप्रिसिएशन। देखते हो तुम लोग क्या किया मैंने, ये 115BAC का वर्किंग है। फिर 10AA ऐसे मिलता है लेकिन 115BAC में ठेंगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुर्बानी देनी पड़ती है। ओके, अब इस पे वो वाले स्लैब्स लगाओ 3 लाख वाले। अरे 3 लाख वाला स्लैब याद है कि नहीं, सब 3-3 लाख के गैप में, और परसेंटेज कैसे बढ़ रहा है, 5-5% से बढ़ रहा है, लेकिन बाद में 20 के बाद सीधा 30 हो रहा है, 0, 5, 10, 15, 20 का सीधा 30, और 3-3 लाख का गैप है, तो स्लैब रेट से निकाल लेंगे। और फिर सरचार्ज, सरचार्ज भी आएगा, अरे सरचार्ज 50 लाख क्या 1 करोड़ के ऊपर है ना, ये तो 1 करोड़ के ऊपर 15% सरचार्ज आएगा ना, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आएगा। तो देखो मैंने कैलकुलेट करके रखा है, कैसे निकाला, 3 लाख वाला जो स्लैब्स है ना वो स्लैब्स का इस्तेमाल किया, स्लैब रेट यूज किया, सरचार्ज भी डाला, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी डाला, और नॉर्मल है। और इधर AMT ये नॉर्मल हो गया ना, नॉर्मल है, और AMT नॉट एप्लीकेबल, 115BAC में था, AMT नॉट एप्लीकेबल, तो नॉट एप्लीकेबल तो नॉट एप्लीकेबल, खाली इतना ही आ गया। अब बताओ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में मेरा टैक्स इतना आ रहा है, और अपने ओल्ड रिजीम में कितना आया था, 30 लाख समथिंग, और इधर कितना आ रहा है, 46 लाख समथिंग, तो कौन सा छोटा है, ये वाला। तो असेसी को क्या एडवाइस करना चाहिए, असेसी शुड शिफ्ट आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। शिफ्ट आउट क्यों बोलना पड़ता है, क्योंकि तू अगर गवर्नमेंट को बोलेगा ना शिफ्ट आउट के लिए, तो वो तेरे को ये चेप देंगे 115BAC। अभी कैसा हो गया मालूम है ना, अगर तुम गवर्नमेंट को नहीं बोलोगे ना वो तुम्हारे पर ये चिपका डालेंगे 115BAC, क्योंकि दिस हैज बिकम अ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। तो आंसर में कैसे लिखना चाहिए, बिकॉज द टैक्स लायबिलिटी अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम इज लोअर, द असेसी इज एडवाइज टू शिफ्ट आउट फ्रॉम द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। मतलब डिफॉल्ट 115BAC से शिफ्ट आउट हो जा, और ये प्रिफर कर क्योंकि इधर तेरा टैक्स कम आ रहा है। भले इधर AMT का मगजमारी था लेकिन AMT से भी अपना कम आ रहा है, कितना 30 लाख, और डिफॉल्ट टैक्स में तो ज्यादा था ना। तो बस ऐसे सम सॉल्व करना चाहिए, ये स्टडी मटेरियल का सम है, भरोसा नहीं सेम टू सेम सम भी आ जावे। स्टडी मटेरियल में तो कई बार ऐसा हुआ है सेम सम उठा के पटक देते, थोड़ा बहुत अमाउंट चेंज कर देते कई बार इन लोग। तो अपना क्या टॉपिक खत्म हो गया बताओ, 10AA खत्म हुआ और AMT। ओके, ओके, देखो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अपना नेक्स्ट टॉपिक है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब सुनो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मतलब रेंट इनकम होता है। ये देखो हाउस प्रॉपर्टी के हेड में ना सबसे पहले समझने का, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस, तो पहले ये चार्ट समझा दूंगा। देखो इधर मेरा प्लान देख लो, फिर इसके बाद मैं तुमको इसका फॉर्मेट बता दूंगा, और फॉर्मेट से रिलेटेड जो अच्छे अच्छे पॉइंट बताऊंगा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो सी, पहले एक हाउस प्रॉपर्टी या तो लेट आउट हो सकता है या फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड।
लेट आउट प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी भाड़े पे दिया है, और प्रॉपर्टी भाड़े पे दिया मतलब मैं भाड़ा कमा रहा हूँ और कमाऊंगा तो टैक्स आएगा ना, तो एक टी का मतलब टैक्सेबल, लेट आउट प्रॉपर्टी टैक्सेबल होता है। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि इसमें मैं खुद रह रहा हूँ, और अगर मैं खुद रह रहा हूँ तो उसमें इनकम तो नहीं आ रही है, लेकिन डिपेंड करता है। अगर मैं खुद रह के बिजनेस करता हूँ, ये क्या लिखा है एसओपी बी मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस, तो अगर मैं खुद उस घर में रह के बिजनेस करता हूँ ना तो इनकम आ रही है, लेकिन वो बिजनेस वाली इनकम आ रही है ना, और उसका तो हेड सेपरेट हेड है, तो इस चैप्टर में इग्नोर करने का मतलब जिस प्रॉपर्टी में हम खुद रह के बिजनेस करते उसका ये टॉपिक के अंदर कोई जगह नहीं है, क्योंकि बिजनेस करेंगे तो इनकम फ्रॉम बिजनेस है, वो सेपरेट इनकम होगी। लेकिन अगर तुम उस घर में रह रहे हो, इसका मतलब है एसओपी आर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, और ब्रैकेट में आर मतलब रेसिडेंस के लिए यूज कर रहे हो, मतलब मेरा एक घर है उसमें मैं खुद रह रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ, तो उसमें गवर्नमेंट क्या, वो तो इस घर में रह रहा है मतलब इससे तो इनकम ही नहीं आ रही है, तो ठीक है इनकम ही नहीं आएगी तो हम टैक्स कैसे मारेंगे। लेकिन अगर तू रहने के लिए 10-10 घर रखेगा ना, तो गवर्नमेंट 2 घर माफ करने को तैयार है, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या लगता है कि चलो तुम्हारे रेसिडेंस पर्पस के लिए 2 घर भी हम नेसेसिटी मान सकते हैं। क्योंकि आजकल क्या छोटे छोटे घर होते हैं और फैमिलियाँ बड़ी होती है, छोटे छोटे घर होते हैं फैमिली बड़ी होती है, तो पूरी फैमिली को अकोमोडेट करने के लिए कई बार अपने को 2 घर चाहिए, तो गवर्नमेंट 2 घर को भी नेसेसिटी मान सकती है। मतलब अगर तेरे पास 2 घर है और उसमें तू रह रहा है तो उस पर तो इनकम नहीं है तो टैक्स भी नहीं आएगा। लेकिन अगर तू बहुत ज़्यादा रईस बन के बैठा है, तूने अपने रेसिडेंस के लिए 5-5 घर रखे, 5, तो उसमें से 2 तो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, बाकी के 3 को हम अज्यूम करेंगे कि तूने लेट आउट दिया है, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। मतलब ये देखो, आउट ऑफ वेरियस सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज 2 प्रॉपर्टीज विल बी एग्जेम्प्ट, लिखा ना 2 एग्जेम्प्ट मतलब उसमें टैक्स नहीं आएगा, एंड रिमेनिंग सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी उसको क्या बोलते हैं डीएलओपी मतलब डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, मीन्स गवर्नमेंट अज्यूम करेगी तूने भाड़े पे दिया है, एक्चुअली भाड़े पे नहीं दिया, एक्चुअली तो मैं रह रहा हूँ उसमें, लेकिन रहना तेरी मर्जी, लेकिन हम अज्यूम करेंगे तूने भाड़े पे दिया है और उसका मार्केट में जो भी रेंट चल रहा है तेरे को मिला होगा और उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट कितने घर गवर्नमेंट एग्जेम करेगी, 2। पहले तो शर्त क्या, उसमें तू रहना चाहिए, रहना चाहिए, और रहने वाले तेरे पास 2 घर है तो एग्जेम्प्ट है, और एक्स्ट्रा घर है तो डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। ओके, ये हो गया। अब मुझे देखो नेक्स्ट क्या सिखाना पड़ेगा कि लेट आउट प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी भले एग्जेम्प्ट है लेकिन उसका भी स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, और डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। तो ये 3 चीज दिख रही है ना, इसका स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, 3 चीज मगज में 3 चीज बिठा दो, लेट आउट प्रॉपर्टी, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी फॉर रेसिडेंस। और ये 3 चीज के मैं तुमको 3 कॉलम दिखाऊंगा, ये देखो 3 कॉलम। लेट आउट प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट ऐसे बनाते हैं, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट ऐसे बनाते हैं, और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट ऐसे बनाते हैं। तो 3 कॉलम बनाया मैंने, ओके। बट 3 के अलावा और कुछ वेराइटी हो ही नहीं सकती है, मतलब तुम इसके करोड़ सम सॉल्व कर दो, एक हाउस प्रॉपर्टी के सम में मैक्सिमम 3 ही वेराइटी बन सकती है, लेट आउट, डीम टू बी लेट आउट, या फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी फॉर रेसिडेंस। चौथी वेराइटी तो हम लोग इग्नोर ही करते हैं ना, जिस घर में बिजनेस करते वो इग्नोर हो गया, तो बचा 1, 2, 3 वेराइटी। सी 3 वेराइटी बोल रहा हूँ, बाकी लेट आउट प्रॉपर्टी में क्या 4-4 लेट आउट प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन है तो लेट आउट ना, तो ऐसे वेराइटी 3 ही बनती है। इससे देखो मैंने इधर 3 कॉलम बना के रखे। अब सी ये स्टेटमेंट सीखने के पहले एक बार ये देख लो ना, एक घर से है ना इनकम क्या आती है, खर्चे क्या होते हैं। घर से इनकम आती है रेंट, तो रेंट अपनी इनकम है, लेकिन रेंट है ना कितने लोग छोटा छोटा दिखाते हैं। इससे गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि तू एक्चुअली जो रेंट दिखाएगा और जो एक्सपेक्टेड रेंट है दोनों में से जो हायर है उस पर टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि तेरे एक्चुअल रेंट के भरोसे रहेंगे ना तो तू करोड़ों का रेंट कमा के भी थोड़ा बहुत ही दिखाएगा, तो तू कितना दिखाएगा उस पर हम ट्रस्ट नहीं करते, इसलिए एक्चुअल जो रेंट तू दिखा रहा है ना उसको कंपेयर करेंगे किससे, एक्सपेक्टेड रेंट से। एक्सपेक्टेड मतलब मार्केट में क्या भाड़ा चल रहा है,
एक वो और तू एक्चुअली कितना दिखा रहे, वो दोनों में से विच एवर इज हायर लेना पड़ता है। तो रेंट इनकम में ना एक्चुअल और एक्सपेक्टेड विच एवर इज हायर लेते हैं। और ये तो रेंट तो इनकम होगी ना, घर से खर्चे क्या होते? घर में घर का सबसे पहला खर्चा क्या होता? म्यूनिसिपल टैक्सेस। म्यूनिसिपैलिटी होती है ना, वो क्या बोलती है, तुम्हारे घर पे पानी आता है, तुम्हारे घर के आजू बाजू में साफ सफाई होती है, उसके लिए हमको टैक्सेस चाहिए। तो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज को टैक्स देना पड़ता है, ये खर्चा है। और अगर घर मैंने लोन पे लिया है तो इंटरेस्ट भरना पड़ता है। और ऐसे तो घर में बहुत खर्चे होते हैं। ये देखो क्या क्या लिखा है, घर की रिपेयरिंग कराओ, मेंटेनेंस है, इंश्योरेंस है, अदर एक्सपेंस। लेकिन गवर्नमेंट का ये सब खर्चों को भाव नहीं देती है, क्यों? गवर्नमेंट क्या बोलती है, ऐसे तुम्हारे एक एक खर्चे देखने बैठेंगे तो लोग क्या झूठ मूठ का खर्चा दिखा दिखा के चीटिंग करेंगे। इससे गवर्नमेंट ने क्या है, खाली इन दोनों खर्चों को ऑथेंटिक माना है। किन दोनों को? म्यूनिसिपल टैक्स और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। ये एकदम जेन्यून और ऑथेंटिक खर्चे, ये तू माइनस कर ले। लेकिन बाकी खर्चे हम ये नहीं बोलते कि फालतू होते, बाकी खर्चे होते, घर घर में रिपेयरिंग करना पड़ता है, हर घर में मेंटेनेंस होता है। तो बाकी खर्चे में हम लोग एक काम करेंगे, तेरा एक्चुअल खर्चा नहीं देखेंगे, तेरे को स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे 30% का। मतलब माइंड में ये पिक्चर बिठा के रखो। ओके, अब सुनो, इसके बेसिस पे स्टेटमेंट कैसे बनेगा? ये जो चीज होती है ना, ये क्या घर की कमाई क्या होती है, रेंट। इसको बोलते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या बोलते हैं? ग्रॉस। ग्रॉस क्यों? क्योंकि खर्चा अभी माइनस नहीं किया है मेरे दोस्त। अरे इसमें से मेरे को ये सब लेस करना पड़ता है। लेकिन लेस करने के पहले का अमाउंट को क्या बोलेंगे? ग्रॉस। ओके, तो ये देखो सबसे पहले स्टेटमेंट चालू कैसे होगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू से। ओके, अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू मैंने मोटा मोटी तो बता दिया, कैसे निकालते हैं, एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट, विच एवर इज हायर। लेकिन डीपली उसके अंदर डिटेल डिस्कशन बाकी है। तो पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गया, फिर ये देखो इधर से देखो ना, इसमें से क्या माइनस करेंगे, म्यूनिसिपल टैक्सेस। ओके, तो म्यूनिसिपल टैक्स माइनस कर दिया, तो उसके बाद आ गया नेट एनुअल वैल्यू, फिर इसका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रही है गवर्नमेंट। और स्टैंडर्ड डिडक्शन का लॉजिक क्या है, गवर्नमेंट ने बोला ना घर में बहुत सारे खर्चे होते हैं, लेकिन तुम्हारा कितना खर्चा हुआ तुम जानो, हम तुमको तुम्हारे रेंटल इनकम का 30% माइनस करने देंगे, अज्यूमिंग कि तुम्हारा इतना खर्चा हुआ है। तो ये देखो ये 30% मिलेगा, लेकिन 30% किस पे ऑनू में, नेट एनुअल वैल्यू का 30% लेना पड़ेगा। ओके, एंड फिर इंटरेस्ट ऑन लोन का भी खर्चा होता है। देखो मैंने बताया था ना, इंटरेस्ट ऑन लोन भी तो जेन्यून खर्चा है ना। एक्चुअली माइनस खाली दो ही चीज हो रही है, म्यूनिसिपल टैक्स और इंटरेस्ट, बाकी सब की जगह स्टैंडर्ड डिडक्शन ले ली। तो गिन के देखो, एक दो तीन चीज माइनस होगी, तो गिन ले इधर, एक दो तीन चीज, तो बस ये फॉर्मेट हो गया। अब देखो, लेट आउट प्रॉपर्टी हो के डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी हो, उसका स्टेटमेंट बनाने का फॉर्मेट सेम है, लेकिन फर्क क्या है, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी में ये देख एक्चुअल रेंट नहीं होगा। सी, प्रॉपर्टी को लेट आउट किया तो ही एक्चुअली रेंट आएगा ना। तो लेट आउट प्रॉपर्टी में तो एक्चुअल रेंट भी होता है, एक्सपेक्टेड रेंट भी होता है, दोनों होता है, तो अपने को दोनों में से हायर लेना है। लेकिन डीम टू बी लेट आउट मतलब हमने एक्चुअली भाड़े पे नहीं दिया है, तो ये नहीं होगा, लेकिन एक्सपेक्टेड रेंट तो होगा ही ना। और एक्सपेक्टेड रेंट मतलब जो मार्केट में रेंट चल रहा है। ओके, फिर इन शॉर्ट दोनों का फॉर्मेट सेम है। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है, इसमें तो हम लोग खुद रह रहे हैं, और खुद रह रहे तो उससे इनकम नहीं आ रही है। एक्चुअली इनकम तो इससे भी नहीं आ रही है ना, डीम टू बी लेट आउट। लेकिन ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज होगी ना, गवर्नमेंट के हिसाब से एक इंसान के पास दो घर होना चाहिए एज अ नेसेसिटी, तो वो दो घर गवर्नमेंट ने एग्जेम किया है। ये देखो मैंने इधर एग्जेम बोला था ना, अब बिकॉज ये एग्जेम है तो इसका स्टेटमेंट हरा भरा रहेगा कि नील से भरा रहेगा? नील से भरा रहेगा। अरे इसका स्टेटमेंट निल 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 होगा पूरा निल, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि चल तेरे दो घर हमने टैक्स से माफ कर दिए, और टैक्स से माफ किया तो अमाउंट आना ही नहीं चाहिए। ये दो सब निल 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 हो गया। लेकिन एक डिडक्शन मिलेगा अपने को, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का। मतलब मैं जिस घर में रह रहा हूं वो घर मैंने लोन पे लिया है, तो उस लोन का जो इंटरेस्ट इंटरेस्ट होगा माइनस करने मिलेगा, और वो एक लिमिट तक ही माइनस करने मिलता है। और लिमिट क्या है उसकी मैं बाद में बात करता हूँ, उसकी बात बाद में करता हूँ। कभी 30,000 है तो कभी 2 लाख है लिमिट, कभी 30,000 है तो कभी 2 लाख है, लेकिन वो डिस्कस करता हूँ। इस तरह से देखो,
इसका आंसर तो यूजुअली नेगेटिव आएगा, देखो मैंने ब्रैकेट में लिखा है ना, और इस दोनों का तो तगड़ा आंसर आ जाएगा, फिर इसको कंबाइन करके आ जाएगा अपना फाइनल आंसर। ओके, फिर लुक हियर, सी ये सब के अंदर है ना डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, पहले मैं फॉर्मेट पे एक नजर घुमा रहा हूं। अब देखना इसमें ना ये जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू दिख रही, ग्रॉस एनुअल वैल्यू ये कैसे फाइंड आउट करते, तो मैंने क्या बताया था, या तो एक्चुअल रेंट या एक्सपेक्टेड रेंट, विचर इज हायर। तो सी इसका मैंने डिटेल डिस्कशन किया, ये देखो अभी देखो मेरा प्लान क्या है, पहले मैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू के ऊपर कुछ सिखाऊंगा, नोट वन दिख रहा है, नोट वन, फिर ये सिखाने के बाद है ना म्युनिसिपल टैक्सेस के बारे में कुछ सिखाऊंगा, फिर इंटरेस्ट और लोन के बारे में सिखाऊंगा। ये तीन चीज अच्छी तरह सीख ली, मतलब पूरा फॉर्मेट अच्छी तरह हो गया ना अपना, फिर लास्ट में भी कुछ कुछ होता है वो सिखाना बाकी है। ओके, तो एक एक करके पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए देखो मैंने नोट नंबर वन लिखा है, देखो नोट नंबर वन, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होता है, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, विच एवर इज हायर, और एक्चुअल रेंट देखो मैंने क्या लिखा, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल, मीन्स एक्चुअल रेंट या तो रिसीव होना चाहिए, या फिर रिसीव नहीं हुआ तो आउटस्टैंड नहीं भी हुआ तो चलेगा। रिसीवेबल का मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल साल भर में 12 महीने होते, 12 में से 8 महीने का रेंट मिल गया, 4 महीने का मिला नहीं है, लेकिन मिलने तो वाला है ना, तो रिसीवेबल मतलब ड्यू बेसिस पे लेना पड़ता है, मतलब रिसीव हो गया तो लिख लो पूरा, नहीं रिसीव हुआ है, रिसीव होने वाला है तो भी लिखो। बट सी रिसीवेबल का इंपॉर्टेंस कब समझेगा मैं, कभी कभी रेंट में बैड डेट्स हो जाता है, कभी कभी रेंट में बैड डेट्स हो जाता है, मतलब भाड़ूत्री है ना, भाड़ा ही नहीं दे रहा है, मतलब उसने ठान लिया मैं भाड़ा देने नहीं वाला हूं, और वो इंस्टॉलमेंट हो गया है, कौन भाड़ूत्री, तो अगर वो इंस्टॉलमेंट हो गया है और मेरे रेंट का बैड डेट्स हो गया है, तो ऐसा रेंट ना मिला है ना मिलेगा, तो रिसीवेबल में नहीं आ सकता ना। सी रिसीवेबल से गवर्नमेंट क्या बोलती है, या तो मिल गया हो या मिलने की उम्मीद हो, और मिलने की उम्मीद कब होती है, अगर आउटस्टैंडिंग है तो चलो मिलने की उम्मीद भी है, लेकिन अगर सामने वाली पार्टी ने हाथ ऊपर कर दिए कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं इंस्टॉलमेंट हो चुका हूँ, बैड डेट्स हो गया, तो बैड डेट्स हो गया मतलब बैड डेट्स को क्या बोलते हैं, ना वो पैसा मिला है ना मिलने वाला है, तो वो इधर कट हो जाएगा। सी रिसीवेबल मतलब रिसीव होने की उम्मीद है तो ही लिखो। तो क्या आंसर, अगर 12 महीने के रेंट में 2 महीने का रेंट बैड डेट्स हो गया है, तो 2 महीने का रेंट मैं लिखूंगा ही नहीं, क्योंकि 12 महीने से 2 महीने का बैड डेट्स हो गया ना, तो बैड डेट्स हो गया मतलब वो ना तो रिसीव हुआ है ना रिसीव होने वाला है, तो उसको कट कर दो। तो 12 में से 2 महीना कट किया तो 10 महीना है, अभी 10 महीने में से हो सकता है एक्चुअली खाली 7 ही महीने का मिला है, 3 महीने का मिलने वाला है, तो मिलने वाला है तो लिख ले इधर, मतलब इधर है ना, ये वर्ड को फील करो, इधर वही रेंट लिखना है जो यहां मिल चुका है या नहीं मिला है तो मिलने की उम्मीद है। इनडायरेक्टली गवर्नमेंट क्या बोल रही है, अगर बैड डेट्स हो गया तो कट कर दो, क्यों, बैड डेट्स ही ऐसा है ना कि जो ना मिला है ना मिलने वाला है, तो वो कट कर दो, सिंपल लैंग्वेज है, वही याद रखना। ओके, और ये भी याद रखना, आउटस्टैंडिंग होता है ना तो मिला नहीं लेकिन मिलने की उम्मीद है, तो वो लेना है इसको, है ना। फिर इसको एक्सपेक्टेड रेंट से क्यों कंपेयर करते हैं मैं, क्योंकि सी एक्चुअल रेंट के भरोसे तो लोग छोटी छोटी इनकम दिखा के चीटिंग कर लेंगे, इससे गवर्नमेंट ने बोला तू जो दिखाएगा वो हम नहीं देखेंगे, हम ये भी देखेंगे मार्केट में क्या रेंट चल रहा है, तो उसके लिए होता है एक्सपेक्टेड रेंट। अब एक्सपेक्टेड रेंट कैसे पता चलता है, सी एक्सपेक्टेड मतलब ये देखो, इस घर से मैं कितना रेंट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, वो कैसे मालूम पड़ेगा, वो डिपेंड करता है ना घर किस लोकेलिटी में, अगर एकदम पॉश एरिया में घर है तो मैं ज़्यादा रेंट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, और अगर कोई रद्दी एरिया में घर है तो मैं रेंट ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ। सो हाउ मच यू कैन एक्सपेक्ट डिपेंड्स अपॉन अपना घर कहाँ है। तो ये देखो इसके लिए एक फॉर्मेट है, लुक हियर, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर। सी म्युनिसिपल वैल्यू का मतलब क्या होता है ना, ये देखो अपना घर जिस लोकेलिटी में है वहाँ बीएमसी के हिसाब से, बीएमसी मतलब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है ना, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हिसाब से घर का क्या रेंट होना चाहिए उसको बोलते हैं म्युनिसिपल वैल्यू, भले मार्केट का रेंट ही है लेकिन मार्केट रेंट एज पर
लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी मतलब म्युनिसिपल अथॉरिटी, उनके हिसाब से रेंट क्या होना चाहिए उसको बोलते हैं म्युनिसिपल वैल्यू। सी इधर लैंग्वेज में ना कहीं पर भी रेंट वर्ड नहीं दिख रहा है, लेकिन म्युनिसिपल वैल्यू ट्रस्ट भी रेंट ही होता है, लेकिन रेंट एज पर म्युनिसिपल अथॉरिटी जो मार्केट में होना चाहिए, और फेयर रेंट भी मार्केट रेंट होता है, लेकिन फर्क क्या है, यह म्युनिसिपल अथॉरिटी के हिसाब से होता है, और फेयर रेंट क्या है, इनकम टैक्स वालों के हिसाब से होता है। इनकम टैक्स वालों का भी ओपिनियन होता है ना कि तेरी लोकेलिटी में इतना भाड़ा चल रहा है, तो जो इनकम टैक्स के ओपिनियन के हिसाब से होता है ना वो फेयर रेंट है, और जो म्युनिसिपल अथॉरिटी के ओपिनियन के हिसाब से होता है वो म्युनिसिपल वैल्यू है। और सी दो जनों का ओपिनियन डिफर कर सकता है, इससे गवर्नमेंट बोलती है हम दोनों में से जो हायर है वो लेंगे, या म्युनिसिपल वैल्यू या फेयर रेंट, दोनों में से हायर। आखिर दोनों अपने को क्या आइडिया दे रहा है कि मार्केट में क्या भाड़ा चल रहा है, लेकिन दोनों में से दोनों चीज तो लेके नहीं चल सकते ना, तो लेना एक को है, विच एवर इज हायर। फिर इसको स्टैंडर्ड रेंट से भी कंपेयर करना पड़ता है। स्टैंडर्ड रेंट है ना, ये वो रेंट होता है कि अगर कोर्ट कचहरी में जाना पड़ा तो मैं भाड़ूत्री से कितना रेंट वसूल सकता हूं। अरे कोर्ट भी कोर्ट केस होते हैं बहुत बार, जैसे मान लो मैंने प्रॉपर्टी भाड़े पे दी थी और भाड़ूत्री पे वो भाड़ा ही नहीं दे रहा है, तो मैंने केस कर लिया, भाड़ा नहीं दे रहा तेरे पे केस करूंगा, और केस करके मैं कोर्ट के सहारे कितना रेंट वसूल सकता हूं उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रेंट। अब तुम लोग बोले कितना वसूल सकता हूं, मतलब मैं जितना चार्ज कर रहा था उतना, नहीं, चार्ज तो लोग अनाप शनाप करते, रेंट चार्ज तो लोग अनाप शनाप करते, लेकिन कोर्ट का सहारा लिया ना तो वो लोग लिमिटेड अमाउंट ही अपने को दिलवा के देते। जैसे मान लो मैं अपने भाड़ूत्री से ना 5 लाख का रेंट चार्ज करता था महीने का, 5 लाख, और वो दे ही नहीं रहे, और मुझे अभी केस करना पड़ा, तो केस करके ना कानून मुझे इंसाफ दिलाएगा, लेकिन कानून क्या बोलेगा, देख शिरीष व्यास तू 5-5 लाख का रेंट चार्ज कर रहा था ना, तू एक्सप्लॉइट कर रहा था, तूने आज कोर्ट का सहारा लिया है तो तेरे को तेरा रेंट दिलवा के रहेंगे, लेकिन तू तो 5 लाख चार्ज कर रहा था उतना नहीं दिलवाएंगे। कोर्ट का भी एक नजरिया होता है कि कोर्ट को लगता है कि इस प्रॉपर्टी का 2 लाख ही भाड़ा होना चाहिए, तो 2 लाख ही तेरे को दिलवाएगी, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट का इम्पोर्टेंस कब आता है, जब अपने को रेंट के झगड़े होते हैं और कोर्ट में मैटर जाता है तो कोर्ट के सहारे हम कितना वसूल सकते हैं, और कोर्ट ने एक लिमिट तक ही वसूल करवा के देती है, क्योंकि सी जब तक कोर्ट कचहरी नहीं है तो मैं तो क्या टेनेंट लोग को लूट भी सकता हूँ, मेरा घर है चाहिए तो 5 लाख भाड़ा देना पड़ेगा, 10 लाख देना पड़ेगा, 15 लाख, तो मैं तो कुछ भी चार्ज कर सकता हूँ, और जब तक सामने वाला दे रहा है मजा कर, लेकिन कल को पंगा हो गया ना तो कोर्ट तेरे को पूरा नहीं दिलवाएगी, कितना दिलवाएगी, स्टैंडर्ड रेंट जितना। तो ये स्टैंडर्ड रेंट जैसी चीज होती है, और वो क्वेश्चन में देंगे, एंड फिर इन दोनों में से अपने को लोअर लेना है, क्योंकि सी आज अगर कोर्ट में जाता हूं तो मैं पूरा अमाउंट थोड़ी रिकवर कर सकता हूं, खाली एक लिमिटेड अमाउंट है ना, और वो स्टैंडर्ड रेंट अगर कम हुआ तो कम, जैसे मान लो ये अमाउंट आ गया 5 लाख और स्टैंडर्ड रेंट 2 लाख है, तो 2 लाख को इंपॉर्टेंस मिलता है, क्योंकि सी 5 लाख कोई भाड़ूत्री से चार्ज कर भी ले हुए क्या फायदा, कोर्ट तो उसको खाली 2 लाख ही दिलवाएगी ना। स्टैंडर्ड रेंट का मतलब ही क्या, मैक्सिमम रेंट जो तुम भाड़ूत्री से रिकवर कर सकते हो कोर्ट के सहारे, और मैक्सिमम मतलब उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, कम हो सकता है, कम मतलब विच एवर इज लेस। एनीवे इसकी ज्यादा डीप में नहीं घुस रहा, अपना रिविजन चल रहा है ना, इसलिए तो ये और ये दोनों में से हायर ले लिया, कंपेयर विद स्टैंडर्ड रेंट विच इज लोअर ले लिया। अरे ये एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं हम लोग, ये सबसे अल्टीमेटली है ना अपने को एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है, कंपेयर विद एक्चुअल विच एवर इज हायर। तो सी अपने को ये 3 अमाउंट क्वेश्चन में दिए होंगे, सी स्टैंडर्ड रेंट के बदले इन लोग ऐसा भी लिखते हैं रेंट कंट्रोल एक्ट, रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट, तो वही होता है। म्युनिसिपल वैल्यू का दूसरा नाम क्या लो है, रेटेबल वैल्यू, रेटेबल वैल्यू दिया, रेटेबल वैल्यू मतलब म्युनिसिपल वैल्यू। फेयर रेंट का दूसरा नाम क्या, रीजनेबल रेंट, अरे नाम याद रखो, इसका दूसरा नाम रेटेबल वैल्यू, फेयर रेंट का दूसरा नाम रीजनेबल रेंट, स्टैंडर्ड रेंट का दूसरा नाम रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट, तो देख के समझ जाना, एंड फिर ये हो गया। अब सुनो, कोई कोई समय ना ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना थोड़ा टफ हो जाता है, टफ मतलब थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है,
कैसे समय मालूम है? अगर क्वेश्चन में वैकेंसी दिया हो तो। वैकेंसी का मतलब क्या है? हमने घर भाड़े पे दिया था लेकिन 2-3 महीना घर खाली पड़ा रहा। वैकेंट का मतलब घर खाली था। और घर खाली क्यों था? मैं भाड़ोत्री ढूंढ रहा था और भाड़ोत्री जब तक नहीं मिलेगा तो मेरा घर तो खाली पड़ा रहेगा। तो मान लो मेरा घर 2-3 महीना खाली पड़ा था एंड फिर बाद में एक भाड़ोत्री मिला तो उसको मैंने भाड़े पे दे दिया। मतलब पूरे साल भर तो भाड़े पे नहीं दे पाया ना, क्योंकि मुझे भाड़ोत्री मिला ही नहीं। तो अगर किसी घर में वैकेंसी की समस्या होती है, वैकेंसी की समस्या मतलब मैं रेंट पे देना चाह रहा हूँ लेकिन मुझे कोई भाड़ोत्री नहीं मिला, उस कारण से मेरा घर खाली था, तो ऐसा अगर समय दिया ना तो एक सेकेंड, ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और उसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है मालूम? ये देखो, लुक यार, फिर अपने को है ना, ये देखो मैंने कुछ कट किया है इधर, विचर इज हाई जैसा कुछ नहीं करना है। अपने नॉर्मली क्या करते, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में से विचर इज हायर करते। लेकिन एक ऐसे सम में जिसमें वैकेंसी ना हो, अगर किसी सम में वैकेंसी है तो डोंट डू विचर इज हायर, देन वॉट टू डू वो मैं बता रहा हूं, बट विचर इज हायर मत करना। देख लो मैंने मिटा दिया विचर इज हायर के सिंबल को, तो देखो क्या करना पड़ता। लुक यार, वेकेंसी वाले सम में एक्चुअल रेंट रिसीव्ड में एक बार वेकेंसी का रेंट ऐड कर दो। सी, जिस क्वेश्चन में वेकेंसी होगा तो अपना एक्चुअल रेंट तो पूरे साल का नहीं होगा ये। अरे एक्चुअल रेंट तो पूरे साल का हो ही नहीं सकता ना। अरे वैकेंसी मतलब हमने 2-3 महीना भाड़े पे देना चाहा लेकिन कोई भाड़ोत्री नहीं मिला तो घर खाली पड़ा रहा, और घर खाली पड़ा रहा तो भाड़ा भी नहीं आया ना, तो भाड़ा तो कुछ कम महीनों का आया होगा। तो जितने भी महीनों का आया वो ये ले लो, प्लस वैकेंसी का भी रेंट जोड़ दो। मीन्स अगर वैकेंसी नहीं होती, वो खाली पड़ा था घर, उसकी जगह अगर भाड़ा मिलता तो कितना मिलता वो एक बार ऐड करके देखो। सो एक्चुअल रेंट तो जितने महीने का मिला वही आएगा। और अगर क्वेश्चन ने बोला 2 महीना घर खाली पड़ा था, तो क्या सोचना, वो खाली पड़ा था? अगर खाली नहीं पड़ा होता, 2 महीने भाड़ा मिलता तो कितना मिलता? तो वैकेंसी का भी रेंट जोड़ दो, फिर ऐड करने के बाद कंपेयर विद एक्सपेक्टेड रेंट, एंड फिर बाद में अगर ये वाला फिगर ज्यादा है ना, कौन सा वाला, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड प्लस वैकेंसी, अगर ये ग्रेटर देन साइन आ रहा है या फिर इक्वल टू भी आ गया, तो अपने को ये अमाउंट को बोलना चाहिए जीएवी। ओके, अब सी इसके ज्यादा डेप्थ में मैं घुस नहीं रहा हूं क्योंकि इसके अंदर डीप लॉजिक भी इन्वॉल्व है, लेकिन सी बिकॉज ये अपना रिविजन लेक्चर है, इसके डीप लॉजिक में जाऊंगा टाइम चला जाएगा। अल्टीमेटली तुमको ऐसे सॉल्व करना है। कैसे करना है बताओ? जो भी एक्चुअल रेंट रिसीव्ड दिया होगा वो कुछ कम महीनों का होगा, एंड फिर उसमें क्या करो, जितना महीना प्रॉपर्टी खाली पड़ा था उसका भी रेंट ऐड कर दो। और क्वेश्चन में रेंट का अमाउंट तो दिया ही होगा ना, तो एक्चुअली वैकेंसी पीरियड में रेंट नहीं मिलता है, लेकिन मान लो अगर मिला होता तो अपना रेंट क्या होता, तो वो ऐड करके फिर क्या करना है बताओ, कंपेयर विद एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्ट मतलब देखो ये वाली चीज, इससे कंपेयर करो, एंड फिर एक तरह से विचार इस हायर ही है। अब इसमें से अगर ये वाला हायर है ना तो इसको जीएवी बना लो। सी ऐड खाली किया था लेकिन जीएवी में ये डब्बा आएगा, देखो डब्बा बनाया ना मैंने। और अगर ऐसा हुआ तो ये वैकेंसी का रेंट ऐड करने के बाद वो एक्सपेक्टेड रेंट से लेस आ रहा है, तो फिर एक्सपेक्टेड रेंट विल बिकम जीएवी। एक तरह से इधर भी विचर इस हाई करोगे चलेगा। अरे मतलब विचर इज हाई, बट कैसा, वैकेंसी जोड़ के विचर इज हाई। ये देखो विचर इज हाई का फॉर्मूला बेटर है कि नहीं? ये देखो इधर और इधर हायर क्या आ रहा है, एक्सपेक्टेड रेंट हायर आ रहा है, तो एक्सपेक्टेड रेंट को ले लिया। लेकिन अगर ये वाला हायर आया ना तो खाली एआरआर को लेना है, वैकेंसी में तो रेंट मिला ही नहीं था ना। तो ये इक्वेशन के हिसाब से करना पड़ेगा अगर क्वेश्चन वैकेंसी का है तो सी बेस्ट ऐसे याद रहो, एक्चुअल रेंट में वैकेंसी को जोड़ा, फिर वो जोड़ने के बाद अगर ज्यादा आ रहा है ना तो एक्चुअल रेंट जिंदाबाद, लेकिन एक्चुअल रेंट में वैकेंसी को जोड़ने के बाद भी वो कम आ रहा है तो फालतू एक्चुअल रेंट, फिर एक्सपेक्टेड रेंट को ले लेंगे। ओके, दिस यू विल डू ओनली इफ देर इज वैकेंसी, वैकेंसी है तो ही। और वैकेंसी नहीं है तो क्या करोगे, फिर
फिर तो ये दोनों में से सीधा विचर इज हायर, सीधा विचर इज हायर लेंगे। वैकेंसी है तो नीचे वाला टेक्निक फॉलो करना। तो ये क्या हो गया अपना ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब सुनो आगे मैं किस में बोलने वाला हूं, म्यूनिसिपल टैक्सेस के 6 पॉइंट है कुछ लोग। म्यूनिसिपल टैक्सेस को लेके है ना 4 पॉइंट है स्क्रीन पर देखो। म्यूनिसिपल टैक्स को लेके 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट, पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन मिलेगा। अगर म्यूनिसिपल टैक्स आउटस्टैंडिंग है तो इग्नोर कर देना, पेड है तो ही माइनस करना। प्रॉब्लम साइलेंट हुआ ना, अगर बोला है सिर्फ म्यूनिसिपल टैक्स है कुछ बोला ही नहीं है, तो व्हेनेवर प्रॉब्लम इज साइलेंट मेक पॉजिटिव अजम्पशन कि पेड ही सोचना चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचने का। खाली म्यूनिसिपल टैक्स दिया तो पेड ही होगा ना, तो पेड अज्यूम करके लेस कर दो। तो सी पहला पॉइंट क्या था, डिडक्शन इज अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस, पेड है तो माइनस कर, आउटस्टैंडिंग है तो मत कर। अगला पॉइंट सुनो, ओनर भरेगा तो ही माइनस करने मिलेगा। और अगर मैंने भाड़ूत्री को बोला है ना तेरे को घर भाड़े पे चाहिए ना, मैं उसको ब्लैकमेल कर रहा हूं, तेरे को घर भाड़े पे चाहिए तो इस घर का म्यूनिसिपल टैक्स भी तू ही भर। तो अगर मैंने भाड़ूत्री के ऊपर ठोप दिया ना तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। सी स्टेटमेंट कौन बनाता है, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। और ओनर अगर डिडक्शन चाहता है तो खुद भर, खुद भरेगा तो ही डिडक्शन मिलेगा। तो ये सेकेंड पॉइंट था, इट शुड बी पेड बाय द ओनर, पेड बाय टेनेंट नॉट अलाउड। क्रॉस किया मतलब अगर क्वेश्चन में दिया तो उसका डिडक्शन मत लेना, ओनर पे कर रहा है तो ले लेंगे, कुछ नहीं बोला है तो ऑलवेज अज्यूम ओनर नहीं पे किया होगा, अलाउड है। फिर म्यूनिसिपल टैक्स बहुत बार परसेंटेज फॉर्म में देते हैं, ऐसा बोलते हैं म्यूनिसिपल टैक्स 10%, तो 10% ऑफ वॉट, म्यूनिसिपल वैल्यू। इतना देखो ये म्यूनिसिपल वैल्यू सब में देंगे ना, इसका परसेंटेज लगाना पड़ता है। अगर म्यूनिसिपल टैक्स परसेंटेज फॉर्म में दिया हो तो परसेंटेज किस पे लगाओगे, म्यूनिसिपल वैल्यू पे, ओके। फिर चौथा पॉइंट देखना, कभी कभी म्यूनिसिपल टैक्स है ना अलग अलग नाम से दिया होता है, प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, सीवरेज टैक्स, लोकल टैक्स। कोई भी टैक्स दिया ना, इतना पता चला कि वो लोकल अथॉरिटी को दिया है तो म्यूनिसिपल टैक्स है। एनी टैक्स पेड टू लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी क्या होता है, 3 गवर्नमेंट होती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। सबसे छोटी गवर्नमेंट होती है लोकल गवर्नमेंट, पर हम लोग लोकल गवर्नमेंट नहीं बोलते, लोकल अथॉरिटी मतलब वही म्यूनिसिपल अथॉरिटीज अपना। तो उन लोग जो भी टैक्स चार्ज करे, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स बोल के करे कि कॉरपोरेशन टैक्स बोल के, एनी टैक्स पेड टू म्यूनिसिपल अथॉरिटी इज अ म्यूनिसिपल टैक्स। तो सी कभी कभी ऐसे ऐसे नाम आते हैं ना तो हम लोग देख के घबरा जाते हैं, कैसे नाम, लोकल टैक्स। सी लोकल टैक्स म्यूनिसिपल टैक्स ही होता है क्योंकि लोकल अथॉरिटी को दिया इसने लोकल टैक्स बोला ना। और वाटर टैक्स क्यों, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी वाले टैक्स क्यों चार्ज करते हैं, क्योंकि अपने को घर में पानी वानी बीएमसी से आता है और म्यूनिसिपैलिटी वाले पानी देते हैं उसका ही तो टैक्स है वाटर टैक्स। कॉरपोरेशन टैक्स भी म्यूनिसिपल टैक्स है। एक्चुअली कॉरपोरेशन क्या है मालूम है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। हम लोग लोकल अथॉरिटी को क्या बोलते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और कॉरपोरेशन वर्ड से बना कॉरपोरेशन टैक्स। फिर सीवरेज टैक्स, सीवरेज मतलब अपने घर के आजू बाजू में साफ सफाई करना, गंदगी होती है ना, नाला होता है सब, गटर वटर होता है, उसकी साफ सफाई करने के लिए उन लोग टैक्स मांगते हैं सीवरेज। सीवरेज मतलब वो सब गंदगी, नाला, सब गंदा पानी वगैरह सब होता है, उसका क्लीनलीनेस करने का टैक्स होता है। फिर प्रॉपर्टी टैक्स, इन शॉर्ट ये सब में से कुछ भी आया ना म्यूनिसिपल टैक्स है। और भी कोई विचित्र नाम दिखा ना, वंस यू कम टू नो इट इज पेड टू द लोकल अथॉरिटी तो इट इज अ म्यूनिसिपल टैक्स। तो म्यूनिसिपल टैक्स में 4 बातें बच्चों को याद रखनी, ओके। फिर देखो मैं आगे बढ़ते यार, अपना ग्रॉस एनुअल में सिखाया, म्यूनिसिपल टैक्स सिखा दिया, स्टैंडर्ड डिडक्शन में कुछ सिखाने ऐसा नहीं है, वो इसका 30% लेना पड़ता है, इसका 30%। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, अब इंटरेस्ट ऑन लोन के देखो अच्छे अच्छे पॉइंट्स है, तुम लोग नोट नंबर पे ध्यान दे रहे हो। ये क्या था नोट 1, ये क्या था नोट 2। अब देखना नोट नंबर 3 इज ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन। सी इंटरेस्ट का पहला पॉइंट, डिडक्शन इज अलाउड ऑन अक्रूअल बेसिस, इधर आउटस्टैंडिंग बोला तो भी चलेगा,
पेड है तो अच्छी बात है, आउटस्टैंडिंग है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि इसका डिडक्शन अक्रूअल बेस में मिलेगा। मतलब एक बार इंटरेस्ट का खर्चा अक्रू हो गया ना, माइनस कर लो चाहे पेड है कि आउटस्टैंडिंग। तो पहला पॉइंट क्या था, पढ़ो, वेदर पेड और आउटस्टैंडिंग इट इज अलाउड ऑन अक्रूअल बेस। मतलब इस मामले में म्युनिसिपल टैक्स जैसा है कि ऑपोजिट है, ऑपोजिट है। म्युनिसिपल टैक्स तो पेमेंट बेसिस पे था, क्योंकि सी म्युनिसिपल टैक्स गवर्नमेंट का पैसा है ना, और गवर्नमेंट म्युनिसिपल टैक्स गवर्नमेंट ही तो है, और गवर्नमेंट अपने पैसों के लिए बहुत चिंतित है। इससे बोला हमारा पैसा पहले भर तो ही माइनस करने मिलेगा, और इंटरेस्ट तो क्या अपने जिससे लोन लिए उसको देना है ना, तो ये तो पेड आउटस्टैंडिंग कुछ भी चलता है। फिर लोन हम लोग ने ना घर खरीदने के लिए लिया हो कि रिपेयरिंग के लिए लिया हो, कोई भी पर्पस के लिए, घर के लिए लोन होना चाहिए बस। नहीं तो कितने लोग को क्या लगता है, घर खरीदते टाइम लोन लेते हैं ना तो उसी के इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, ऐसा नहीं है। अरे घर में छोटी मोटी मरम्मत भी करवा दी ना, घर का कोई भी काम हो, एनी पर्पस, और लोन किसी से भी ले चलेगा, अपने अंकल से ले, अपने फ्रेंड से ले, बैंक से ले, किसी से भी लो, किसी भी पर्पस के लिए लो, चलता है। मतलब इस मामले में एकदम फ्रीडम है। ये देखो क्या लिखा, पढ़ो, इट कैन बी फॉर एनी पर्पस। एनी पर्पस मतलब परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, रिपेयरिंग। मतलब इसमें कभी उलझना मत, क्वेश्चन ने बोले ना लोन वॉज टेकन फॉर टेम्पररी रिनोवेशन, चलेगा। हाउस के लिए लिया ना बस, हाउस के अलावा कोई फालतू काम नहीं होना चाहिए, हाउस के लिए लेना है बस। फिर वो कोई भी पर्पस हुआ, फिर ये देखो क्या लिखा, फ्रॉम एनी वन, मतलब तुमने फ्रेंड से भी लोन लिया तो भी चलेगा, किसी से भी लो तो भी चलेगा। और इसमें अगर TDS नहीं काटा, इसमें रूल है कि अगर इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है, अरे इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है, उसमें अगर हमने इंडिया के बाहर पे किया है और उसमें TDS नहीं काटा तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, और अगर इंडिया के अंदर ही पे किया है ना तो वो 30% डिसअलाउड वाला रूल इसमें नहीं है। अरे जैसे इनकम फ्रॉम बिजनेस में क्या था, रेसिडेंट लोग को TDS काटे बिगर दिया तो 30% डिसअलाउड, नॉन रेसिडेंट को दिया तो पूरा डिसअलाउड, ओके। लेकिन इधर इतना डिटेल्स नहीं दिया है, लेकिन एक पॉइंट जरूर है कि अगर हाउसिंग लोन तुमने बाहर से लिया है और इंडिया के बाहर पैसा दे रहे हो और अगर TDS नहीं काटा तो डिसअलाउड। बाकी इंडिया में किसी से लोन लिया है और उसमें TDS नहीं काटा तो उसका डिसअलाउ करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कानून में। अरे लॉ साइलेंट है, हो सकता है फ्यूचर में अमेंडमेंट आ जाए। सी इनकम फ्रॉम बिजनेस में तो लिखा है ना, रेसिडेंट लोग को देते 30% डिसअलाउड, नॉन रेसिडेंट को देंगे तो पूरा डिसअलाउड, लेकिन इधर ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इधर इतना जरूर है कि अगर लोन बाहर से लिया है और इंटरेस्ट का पेमेंट बाहर हो रहा है और उसमें TDS नहीं काटा तो नॉट अलाउड। खैर ऐसा पॉइंट इन लोगों ने डाला ही नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रोवर्सी वाला पॉइंट है ना, तो ऐसा कॉन्ट्रोवर्सी वाला पॉइंट आज तक इन लोगों ने डाला नहीं है। लेकिन बाई चांस अगर आ गया ना कि इंटरेस्ट इंडिया के बाहर पे कर रहे बिकॉज हमने लोन बाहर से लिया था और TDS नहीं काटा है, तो उसका डिडक्शन मत लेना, ओके। और इंडिया के अंदर ही TDS नहीं काटा है तो उसका डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि लॉ में डिसअलाउ करने का कोई प्रोविजन नहीं दिया इसका। एनीवेज कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट है, मैंने छेड़ तो दिया, लेकिन ऐसा कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट इन लोग डालेंगे नहीं, और खैर मैंने इसको नोट्स में लिखा भी नहीं। इधर मेरा अगला पॉइंट सुनो क्या है, नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट लिमिट। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है ना तो उसमें देर इज अ लिमिट। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मतलब कौन सी, ये वाली देखो, ये जिसका कॉलम हरा भरा है कि नील भरा है, नील से भरा हुआ है, ओके। और ऐसे दो घर होते हैं, दो घर के लिए हम लोग नील 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 करते हैं, ओके। लेकिन दोनों घर के लिए कंबाइंड लिमिट एक, अरे दो घर सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकते हैं ना, और दोनों घर के लिए देर इज अ कंबाइंड लिमिट। और देखो लिमिट क्या है, मैक्सिमम 2 लाख। लेकिन पता है 2 लाख कब होगा, अगर घर परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है तो, वो भी लोन शुड बी टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/1499। लोन की डेट क्या होनी चाहिए, ऑन और आफ्टर 1/4/99। लोन का पर्पस क्या होना चाहिए, परचेज या कंस्ट्रक्शन, ये दो चीज है तो 2 लाख की लिमिट है। रट लो, 2 लाख की लिमिट के लिए रूल क्या है,
एक तो लोन परचेज कंस्ट्रक्शन के लिए होना चाहिए, रिपेयरिंग के लिए नहीं। मतलब नया ताजा घर लेते हैं ना, फ्रेश घर खरीदा है या अभी खरीदा नहीं तो मैंने सेल्फ कंस्ट्रक्ट किया है, मतलब घर अक्वायर करने का लोन होना चाहिए, और वो भी लोन की डेट 1/4/99 या फिर उसके बाद होनी चाहिए, तो ही 2 लाख तक का लिमिट है, वरना तो लिमिट क्या है 30,000। और वरना का मतलब समझ जाओ ना, जैसे परचेज का लोन नहीं है, रिपेयरिंग का लोन है, तो 30,000 की लिमिट है, और लोन 1/4/99 के बाद बोला ना, पहले का हुआ तो 30,000 की लिमिट। अरे मतलब हर केस में 30,000 लेना है। 2 लाख के लिए रूल क्या है, लोन शुड बी टेकन फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन। और पता है प्रॉब्लम साइलेंट होता है ना, खाली ऐसा बोला लोन था, ऑलवेज अज्यूम वो परचेज एंड कंस्ट्रक्शन के लिए, और लोन की डेट भी नहीं दी है ना, ऑलवेज अज्यूम वो 1/4/99 के बाद है। और सी 1/4/99 तो काफी पुराना टाइम हो गया, तो प्रॉब्लम साइलेंट है तो हमेशा 99 के बाद वाला ही लोन समझो, और लोन परचेज कंस्ट्रक्शन के लिए वही समझो, और बिंदास 2 लाख की लिमिट ले लो। लेकिन अगर इन लोग बोल ही देंगे क्वेश्चन में कि रिपेयरिंग का लोन है, 99 के पहले का लोन है, तो 30,000 की लिमिट आ जाएगी। ओके, और ये लिमिट है ना, 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड घर का कंबाइंड है, ऐसा नहीं कि पर हाउस 2 लाख, दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए मैक्सिमम 2 लाख और मैक्सिमम 30,000 एज द केस में भी, बट इट इज अ कंबाइंड लिमिट ऑफ बोथ दी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस। ओके, क्योंकि दो घर को अपने नील बनाया ना इधर, तो दोनों नील वाले घर का कंबाइंड लिमिट 2 लाख या 30,000 है। लेकिन लेट आउट प्रॉपर्टी, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी में ये जो माइनस करते कोई लिमिट नहीं, जितना माइनस करना है करो, देर इज नो लिमिट। ओके, तो देखो इंटरेस्ट का ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट सुनो, चौथा पॉइंट इज अबाउट प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट सुना होगा कोई को लोगों ने। अब प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का ना एक स्टैंडर्ड वर्किंग नोट है, ये फॉर्मेट तुम लोग दिमाग में छाप लो, कभी भी क्वेश्चन है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट हुआ ना, ये फॉर्मेट से सॉल्व करना है। लेकिन वेट, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का मतलब क्या ना, ये देखो लुक हियर, अपना घर का कंस्ट्रक्शन हुआ ना उसके पहले लोन लिया था, प्री मतलब बिफोर, और प्री कंस्ट्रक्शन मतलब बिफोर कंस्ट्रक्शन तुमने लोन लिया था, क्योंकि सी प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट तो लोन पे ही चढ़ता है, तो जरूर तुमने लोन कंस्ट्रक्शन के पहले लिया था। तो कभी भी क्वेश्चन में ना लोन वाली तारीख, अरे इसको बहुत सीरियसली लेना, बच्चे है ना, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का नॉलेज है लेकिन पता नहीं चलता क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कभी भी इन लोग प्री कंस्ट्रक्शन ऐसा लिखेंगे नहीं, अपने को बुद्धि लड़ानी पड़ती है। तो बताओ कैसे मालूम पड़ेगा प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट क्वेश्चन में, लोन का डेट कंस्ट्रक्शन डेट के पहले होगा, और कंस्ट्रक्शन में भी दो दो डेट आती है, कंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग डेट और कंप्लीशन डेट, अपने लिए कंप्लीशन डेट इंपॉर्टेंट है। ओके, और कभी भी कंप्लीशन डेट के पहले लोन लिया है तो समझ जाओ इट इज अ प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। अब इन लोगों ने क्वेश्चन में अपने को डेटा देंगे, जैसे मान लो मेरे एग्जांपल में 17-18 में लोन लिया था, और 17-18 में मैंने इंटरेस्ट भरा है 80,000, फिर अगले साल 1,20,000, फिर 1,20,000, हर साल 1,20,000 है, लेकिन इस साल खाली 80,000 क्यों मालूम है, क्योंकि 17-18 में मैंने ना साल के बीच में कुछ लोन लिया था। अरे जैसे मान लो ना मैंने लोन अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त से लिया था, 8 ही महीना हुआ था खाली, तो मैंने कुछ 8 महीने का कैलकुलेट किया है, अरे ये सब 12-12 महीने का 1,20,000 है, 12-12 महीने का 1,20,000 है, और ये 8 ही महीने का है, और ये क्यों मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इस क्वेश्चन में लोन हमने 17-18 की पहली तारीख को नहीं लिया था, कुछ 1 अगस्त को लिया था, और वो तो तुम लोग को देख के समझेगा ना, लेकिन बी केयरफुल, लोन की डेट देख के ना वो साल का इंटरेस्ट थोड़े महीनों का ही आएगा। फिर इस तरह से हर साल का इंटरेस्ट हो गया, लेकिन सुनो ये टेबल में ईयर कॉलम जो बनाएंगे वो 23-24 तक ही बनाना, क्योंकि अपनी एग्जाम में जो स्टेटमेंट बनाते वो 23-24 का है, तो 23-24 लास्ट ईयर होगा, लेकिन शुरू किससे करेंगे, दैट डिपेंड्स अब वो लोन टेकन, अगर लोन टेकन क्वेश्चन में 14-15 वाला ईयर है तो 14-15 से चालू कर दो,
ये डेट डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन, लेकिन उसको बनाना 23-24 तक है। अब सुनो, ये लाइन के पहले जो इंटरेस्ट है ना, इसको बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? प्री कंस्ट्रक्शन। और पता है ये प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का इंपॉर्टेंस क्यों है? सी, इस पीरियड में हमने जो इंटरेस्ट पे किया था ना, उसका डिडक्शन नहीं मिल पाया था। क्यों नहीं मिल पाया था? क्योंकि इन दिनों में मेरा घर था कि बन रहा था, बन रहा था, तैयार तो नहीं था ना। सी, अपना घर कब रेडी हुआ हूं मैं, ये देखो 2021 में कंस्ट्रक्शन हुआ है, मतलब अपना घर रेडी इस साल में हुआ है। और घर रेडी इस साल में हुआ है तो स्टेटमेंट बनाने का काम 2021 से चालू हुआ होगा। दैट मींस इस पीरियड में हम लोग इंटरेस्ट भरे जा रहे थे, लेकिन इंटरेस्ट भर के जो माइनस करना होता है ना, कौन सा माइनस बोल रहा, ये देखो, ये माइनस मैं नहीं कर पा रहा था, क्योंकि माइनस करने के लिए स्टेटमेंट बनाना होता है, और स्टेटमेंट बनाने के लिए घर भी तो होना चाहिए। तो बिकॉज मेरा ये काले वाले पीरियड में घर नहीं था तो स्टेटमेंट नहीं बनता था, तो मैंने डिडक्शन नहीं लिया था। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, तुम्हारा जितना भी इंटरेस्ट जमा किया हुआ पड़ा है ना, उसको 5 इंस्टॉलमेंट्स में माइनस करने देंगे। लेकिन 5 इंस्टॉलमेंट्स कब से? जब तुम्हारा घर रेडी हो जाएगा। और मेरा घर कब तैयार हो रहा है मालूम है? ये देखो 2021 में मेरे घर का हैप्पी बर्थडे है, तो मतलब मेरे घर का पहला साल 2021 है। तो यहां से गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 5 साल तक डिडक्शन मिलेगा। किसका? ये वाले का। ओके। और ये जो मैंने गोल गोल किया ना, इसका पहले डिडक्शन नहीं मिला था। ये देखो, मैंने तो वर्किंग करके बताई है। प्री का मतलब ही क्या होता है? बिफोर कंस्ट्रक्शन। तो ये देखो, ये कंस्ट्रक्शन था, तो इधर मैंने एक जाड़ा लाइन खींच दिया। इसके पहले का होता है बिफोर। तो इसका टोटल करो कितना आ रहा है? 80,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,20,000, टोटल कितना आ रहा है? 3,20,000। इसको डिवाइडेड बाय 5 करना है, और डिवाइड बाय 5 कितना आ गया? 3,20,000 डिवाइड बाय 5 कितना होता है? 64,000। तो 64,000 का डिडक्शन मुझे हर साल मिलेगा। कब से? 2021 से। और 2021 ही क्यों? क्योंकि ये मेरे घर का हैप्पी बर्थडे, इस साल में घर तैयार हुई है, और पहली पहली बार स्टेटमेंट बनाया होगा मैंने। तो यहां से लेके 5 साल, तो देखो मैंने करके रखा इधर 64 कैसे आया? ये सबको डिवाइड बाय 5 कर दिया। ओके। और ये 5 बार क्यों लिखा है? देखो गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि 5 साल उसको स्प्रेड करना है ना। तो डैट मीन्स ही मेरा पहला स्टेटमेंट कब बना था? 2021। तो उस साल में 1,20,000 तो माइनस करूंगा ही। अरे ये तो उस साल का ताजा इंटरेस्ट है, और पहले का बासी वाला 64, और बासी वाले को माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहले माइनस नहीं हो पाए तो अभी तो करेंगे। लेकिन एक बात बताओ, अपने को तो खाली 23-24 में इंटरेस्ट है ना, तो हमने ईयर तो सब बना लिए, लेकिन अपना एग्जाम में जो स्टेटमेंट बनेगा वो तो 23-24 का है। तो 23-24 में 1,20,000 तो उस साल का फ्रेश इंटरेस्ट है, और पहले का बासी वाला 64, तो ऐड कर दो। कर ऐड, एड करके 1,84,000 आ गया। अब ये 1,84,000 इधर माइनस हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 1,84,000। ओके। और वो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हुई ना, तो लिमिट तक। खैर मेरा तो 1,84,000 वैसे भी लिमिट में, लेकिन बाई चांस 2,84,000 आया होता तो, अरे तो इधर मैं 2,84,000 पूरा थोड़ी 2 लाख से लिखता ना। मतलब ये कैलकुलेशन करने के बाद लिमिट का लिहाज कर भाई। सी, यहां से तो अपना मस्त आंसर आ जाएगा। और अगर वो लेट आउट या डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी तो चलता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी तो लिमिट में रहो, लेकिन ये कंबाइंड करके डिडक्शन आएगा। ओके। बेस्ट है ना ये फॉर्मेट रट्टा मार लो, दो चीज रटो, ये वर्किंग कब करोगे, कैसे करोगे, कब करोगे, पहले यही पब्लिक को पता। कब करोगे? जब भी क्वेश्चन में लोन टेकन का डेट
इज बिफोर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट डेट नहीं कंप्लीशन डेट. इन लोग कंस्ट्रक्शन का स्टार्टिंग डेट देते हैं उसको इग्नोर कर देना. कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन डेट ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है तो ही घर तैयार मानते हैं ना. तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन डेट और लोन डेट, और लोन डेट पहले हुई ना तो समझ जाओ ये वर्किंग करना ही है. और वर्किंग सिंपल है, खाली इधर सिली मिस्टेक मत करना, इंटरेस्ट बराबर से कैलकुलेट कर लेना और बाद में इधर लाइन खींच दो जाड़ा वाला ऐसा, फिर इसके पहले का डिवाइड बाय 5 करके अपने करंट ईयर के अमाउंट में जोड़ देना. तो ये था प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट. ओके, तो सी मैं तुमको लाइन से लेके आ रहा हूं. पहले मैंने बच्चों को ग्रॉस एनुअल वैल्यू सिखाया, फिर म्युनिसिपल टैक्स के 4 पॉइंट पढ़ाए, फिर इंटरेस्ट और लोन के भी 4 पॉइंट पढ़ाए. इंटरेस्ट और लोन के 4 कैसे थे देखो, 1, 2, 3 और चौथा वाला था प्री कंस्ट्रक्शन वाला. तो 4 पॉइंट म्युनिसिपल टैक्स के थे, 4 पॉइंट इंटरेस्ट और लोन के थे. अब अगला पॉइंट देखो क्या है, अगला पॉइंट इज अबाउट पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी. अब सी क्वेश्चन में कभी कभी है ना इन लोग क्या करते, घर एक ही होता है लेकिन उसके अंदर थोड़ा लेट आउट का भी बोलते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड का भी बोलते हैं, तो हम लोग ऐसे में कंफ्यूज हो जाते हैं. तो सी तुमको दो टाइप के सम मिल सकते हैं, देखा स्क्रीन पर, या तो कोई घर में है ना मंथ वाइज ब्रेकअप दिया होगा. मंथ वाइज मतलब कुछ महीनों के लिए लेट आउट, कुछ महीनों के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड. तो सी ये 8 और 4 तो मेरा एग्जाम्पल है, कुछ भी आ सकता है ना. तो इसका मतलब क्या बताओ, 4 महीना में घर में रहा, फिर बाद में मैंने घर खाली करके भाड़े पे दे दिया, तो ये पीरियड वाइज दिया है, मंथ वाइज. और कभी कभी क्या होता है, परसेंटेज के हिसाब से दिया होता है. परसेंटेज के हिसाब से मतलब एक घर में मैं भी रहता हूं और पेइंग गेस्ट भी रहता है. अरे पेइंग गेस्ट को पेइंग गेस्ट क्यों बोलते हैं, बिकॉज ही इज पेइंग मी रेंट, और रेंट पे कर रहे मतलब लेट आउट हो गया. तो ये घर में पता है कैसा इमेजिन करना चाहिए, घर एक ही है उसमें एक कमरे में मैं रह रहा हूं, दूसरे कमरे में पेइंग गेस्ट रह रहा होगा. पेइंग गेस्ट जैसा ही हो गया ना, जब एक घर में मालिक भी रहता है और भाड़ूत्री को भी बिठा दिया तो वो तो अपना टिपिकल केस पेइंग गेस्ट वाला हो गया. तो ऐसा घर भी होता है. तो सी ये पेइंग गेस्ट नहीं था, इसमें क्या हुआ था बताओ, 4 महीना जब मैं रहा पूरे घर में मैं ही घूम रहा था अकेला सेल्फ, एंड फिर जब मैं घर से निकल गया तो पूरा ही भाड़े पे दे दिया. मीन जब सेल्फ ऑक्यूपाइड था पूरा मैं ही रहता था, और जब लेट आउट था पूरा भाड़ूत्री रहता था. लेकिन इधर तो मालिक और भाड़ूत्री इकट्ठा रह रहे, मतलब घर का मालिक भी उसमें रह रहा है, किसे सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया, भाड़ूत्री भी उसमें रह रहा है, मतलब पेइंग गेस्ट वाला सिचुएशन हो गया. अब बताओ क्या करना चाहिए, सुनो, ऐसे घर को है ना फुल्ली लेट आउट प्रॉपर्टी ट्रीट करना चाहिए एज इफ इट इज फुल्ली लेट आउट, जबकि हकीकत में तो 4 महीना वो सेल्फ ऑक्यूपाइड था. लेकिन ये सेल्फ ऑक्यूपेंसी पे ध्यान मत देना, एक बार प्रॉपर्टी लेट आउट है ना तो उसको पूरा ही लेट आउट मान लो. मतलब कभी भी ऐसा मंथ वाइज दिया हो ना तो बेस्ट बताओ ये सेल्फ ऑक्यूपाइड पे ध्यान ही मत दे, लेट आउट ही समझ. ये देखो मैंने क्या लिखा है, दिस शुड बी ट्रीटेड एज फुल्ली लेट आउट, मतलब 4 महीने की सेल्फ ऑक्यूपेशन पे ध्यान मत दो. हाँ ध्यान इससे देना पड़ेगा कि वो 4 महीना भाड़ा नहीं मिला होगा. अरे अपने एक्चुअल रेंट जब लेंगे तो कितने महीने का लेंगे बताओ, 8 ही महीने का, क्योंकि 4 महीना तो मैं खुद घर में पड़ा था तो रेंट खाली 8 महीने का आएगा. वो ख्याल रखना, बाकी तुम लोग सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले पोर्शन को भूल जाओ, ऐसे मान लो एज इफ ए पूरा लेट आउट प्रॉपर्टी है. और ये देखो लेट आउट प्रॉपर्टी को सॉल्व कैसे करते हैं, एज यूजुअल पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालोगे, फटफट इसका फॉर्मेट बोलो कैसे आएगा, प्रिंसिपल वैल्यू फेयर रेंट विच एवर इज हाई कंपेयर विद स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लेस, आ जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट, फिर कंपेयर विद एक्चुअल रेंट जो 8 ही महीने का होगा, फिर विच एवर इज हायर, और उसमें भी वैकेंसी घुसेड़ दिया ना तो ये वाली स्टाइल कि पहले वैकेंसी को जोड़ कंपेयर कर एक्सपेक्टेड रेंट से, और अगर जोड़ा हुआ अमाउंट बड़ा है तो ए आर आर, और अगर जोड़ा वाला अमाउंट छोटा है तो ई आर.
मतलब नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना है। लेकिन एक बात का ध्यान देना, मैं बच्चों को बोलते टाइम फुल्ली लेट आउट बोल रहा हूँ, लेकिन रेंट फुल नहीं मिला होगा, रेंट तो 8 ही महीना मिला, हकीकत तो 8 महीना ही लेट आउट था। अब है ना मेन लफड़ा ऐसे सामने होता है, इसको मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूँ, और इसको बोलते हैं पार्टली लेट आउट। सी इसको तो मैंने फुल्ली लेट आउट ही गिन लिया, तो ये जो हेडिंग दिख रही है ना बच्चों को स्क्रीन पर पार्टली लेट आउट, ये हेडिंग मैंने किसके लिए लिखी, इसके लिए, क्योंकि ये तो फुल्ली लेट आउट की तरह ही ट्रीट हो रहा है। तो सी इमेजिन करो पेइंग गेस्ट वाला घर, एक घर है जिसमें एक दो कमरे में मैं रह रहा हूं और एक कमरे में भाड़ूत्री को बैठा दिया है, वो मुझे टाइम टू टाइम भाड़ा देता है लाइक अ पेइंग गेस्ट। ओके, तो इसमें है ना मैंने क्या अज्यूम किया है कि 40% घर मैंने भाड़े पे दे दिया है, मतलब ऐसे मान लो घर में 10 कमरे, जानबूझ के ऐसा बड़ा घर दे 10 कमरे, तो 10 कमरे में मैंने 4 कमरा पेइंग गेस्ट को दे दिया है और 6 कमरे मैं खुद यूज कर रहा हूं, मैं मेरी बीवी मेरे बच्चे, वो मेरा यूज हो रहा है, मतलब 40% लेट आउट 60% सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो मतलब ऐसे में क्या करना चाहिए, एक घर होते हुए भी उसको 2 घर अज्यूम करो कि मेरा घर ये तेरा घर, जबकि एक ही घर में मैं भी रह रहा हूं भाड़ूत्री भी रह रहा है, लेकिन ऐसा मानो एज इफ वो 2 अलग घर है, दोनों को अलग समझना चाहिए। और ये देखो क्या किया मैंने, 2 2 कॉलम बनाऊंगा फिर मैं, ये देखा मैंने क्या किया था, घर एक ही है और एक घर का नॉर्मली एक ही कॉलम बनाना चाहिए ना, लेकिन इधर एक घर होते हुए भी मैंने 2 2 कॉलम बनाए, क्योंकि इसको लॉ क्या बोलते हैं, ऐसा मान 2 अलग घर है तो अपने को 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे, मतलब ये 40% इससे को ना एक सेपरेट घर मान लो और ये अपना सेल्फ ऑक्यूपाइड। ओके, फिर सॉल्व कैसे करना, नॉर्मल इधर अमाउंट 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 और सेल्फ ऑक्यूपाइड में निल 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 सब निल से भरा रहेगा और इंटरेस्ट माइनस होगा। लेकिन सी घर तो एक है ना, उसको 2 ट्रीट करें, लेकिन घर तो एक है एंड बिकॉज एक घर है क्वेश्चन में इन लोग सिंगल सिंगल अमाउंट देंगे, लेकिन अपने हर अमाउंट को 2 पार्ट में ब्रेकअप करना पड़ेगा। और सिंगल अमाउंट क्यों देंगे, क्योंकि भूल मत घर एक ही है, तो इस घर का म्युनिसिपल वैल्यू बोलो, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट और क्या क्या आता है, म्युनिसिपल टैक्स, इंटरेस्ट, सब सिंगल सिंगल फिगर ही दिया होगा, क्योंकि घर सिंगल है तो आंकड़े भी सिंगल दिए होंगे। लेकिन अपने उन सिंगल फिगर को तोड़ेंगे, ब्रेकअप करेंगे और उसमें जो जो लेट आउट वाला अमाउंट होगा ना वो तो काम आता है, कि लेट आउट में हम लोग निल करते कि अमाउंट से भरते, अमाउंट से भरते, लेकिन अपने 40% वाला ही लेंगे। तो जैसे अपने क्वेश्चन में म्युनिसिपल वैल्यू दी होगी ना, तो इसमें 40% वाली म्युनिसिपल वैल्यू लेंगे, फेयर रेंट भी 40% वाली, स्टैंडर्ड रेंट भी 40% वाला ही, तो ये ऑटोमेटिकली 40% का आया ना सब। लेकिन एक्चुअल रेंट को 40% मत करना, एक्चुअल रेंट तो लेट आउट पोर्शन से आया है। नहीं समझा, बुद्धि नहीं चली। ये देखो मैंने क्या लगा, घर के हर अमाउंट को 40-60 रेशियो में करना है और अपने को लेट आउट प्रॉपर्टी में खाली 60% वाले हिस्से को इग्नोर करना, क्योंकि वो तो पूरा नील में आ जाएगा ना, लेकिन 40% वाला अपने को लेट आउट प्रॉपर्टी की वर्किंग में डालना पड़ेगा। और वर्किंग इसके साथ भी एक वर्किंग होती है मालूम है ना, जीएबी का, तो अपने को सब इधर कितना अमाउंट डालना है, 40-40% डालना है, लेकिन एक्चुअल रेंट को 40% मत करना, क्यों, एक्चुअल रेंट तो लेट आउट पोर्शन से मिला है। मेरे को बता, मेरे घर में जो पेइंग गेस्ट रहता है वो क्या मेरे को पूरे घर का भाड़ा देके गया होगा, पेइंग गेस्ट लोग भी शाणे होते हैं, वो लोग बोलेंगे हम तो आपके घर का 4 कमरा यूज कर रहे हैं 10 कमरे में से, तो उन्होंने मुझे भाड़ा उतना ही दिया होगा, तो ऑलरेडी 40% का होगा। गलती क्या होगी, स्टूडेंट से सिली मिस्टेक, हर चीज का 40% निकालने के चक्कर में एक्चुअल रेंट का भी 40% निकल जाएगा, लेकिन इसका बहुत केयर लेना। तो सी सबका 40% करना, एक्चुअल रेंट जैसा है वैसा ही लेना, और ये 40 रट मत लो, मेरे एग्जाम्पल में 40% लेट आउट है, बाकी क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा ही बोलते 1/3 लेट आउट, तो सब फिगर का 1/3 लेना, लेकिन एक्चुअल रेंट वैसा का वैसा ही ले लेना। ओके, फिर
एक एक्चुअल रेंज में गड़बड़ हो सकती है, फिर देखो इंटरेस्ट में भी गड़बड़ हो सकती है। इंटरेस्ट में ना ये देखो, मैं भी तुमको ऐसे घर के लिए सिखा रहा हूं, ऐसे घर में अगर इंटरेस्ट दिया है, मान लो इंटरेस्ट का अमाउंट दिया है 5 लाख, तो पहले 40-60 कर, बोल 40%, प्लीज निकाल 40% कितना है, 2 लाख। ये किसको पर्टेन करता है, एलओपी, तो ये तो इधर माइनस हो जाएगा, लेकिन 60% कितना आ रहा है, 3 लाख आ रहा है, लेकिन ये तो सेल्फ ऑक्यूपाइड को पर्टेन कर रहा है, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड में पूरा की लिमिट लिमिट, तो ये 3 लाख होते हुए भी 2 लाख की लूंगा। सी लेट आउट का तो आया ही 2 लाख था, 2 लाख ले लिया, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड के हिस्से में कितना आया था, 3 लाख, लेकिन लेंगे 2 लाख तक। ये देखो लिमिट में रहो, मतलब इंटरेस्ट का पहले ब्रेकअप कर देना 40-60, 40% वाला पूरा ले लो, 60% वाले को लिमिट कर दो, वही 2 लाख या 30,000 जो भी लिमिट एप्लीकेबल है वो। तो बस ऐसा घर है तो मत ब्रेकअप करना, सिंगल फिगर्स दिए सिंगल 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 ही लिखना, लेकिन ऐसा घर दिया है तो सब डबल डबल करके करना पड़ेगा, दो कॉलम बना के करना, और दो जगह लफड़ा क्या हो सकता है, एक्चुअल रेंट ऑलरेडी 40% होगा और इंटरेस्ट को तोड़ो, और तोड़ने के बाद लेट आउट का पूरा ले लो, सेल्फ ऑक्यूपाइड का लिमिट कर दो। तो ये पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी थी, एक्चुअली मैंने पार्टली लेट आउट हेडिंग जो लिखा है ना वो इसके लिए लिखा है, इसको तो मैं फुल्ली लेट आउट ही ट्रीट कर रहा हूं। अब सुनो नेक्स्ट पॉइंट देखना, को ओनरशिप। अरे को ओनरशिप का मतलब क्या, मैं घर एक है, मालिक अनेक है, दो दो मालिक है, तीन तीन चार चार मालिक है, ऐसा भी हो सकता है, मतलब एक ही घर में मल्टीपल ओनर्स है, ये दो क्या लिखा, ग्रेटर देन इक्वल टू टू ओनर्स, तो उसको बोलते हैं को ओनरशिप। अब पता है ऐसे में क्या करना चाहिए, एक घर है ना, एक ही कॉलम बना लो, एंड फिर बाद में जो फाइनल आंसर आएगा ना वो रेशियो में डिवाइड कर देना, जैसे पार्टनरशिप में अपने अकाउंट्स पे कैसे करते थे, पूरा प्रॉफिट्स आने के बाद पार्टनर्स लोग में डिवाइड कर दो पीएसआर में, इधर भी वैसा ही कुछ करना है। ये को ओनर्स मतलब एक तरह से पार्टनर्स हो गए ना, जैसे देखो मान लो इस घर में ना ए भी ओनर है बी भी ओनर है, सी दोनों ओनर क्यों, क्योंकि दोनों ने पैसा लगाया है, जैसे मान लो ए ने 30% पैसा लगाया था, बी ने 70% पैसा लगाया था, अरे घर 1 करोड़ का था, 1 करोड़ में ए ने कितना लगाया, 30 लाख, बी ने लगाया 70 लाख, तो दोनों का रेशियो बन गया 30-70, तो बस पूरी इनकम कैलकुलेट कर लो फिर लास्ट में रेशियो में डिवाइड कर दो। ये देखो क्या लिखा है, लुक एक सिंगल कॉलम बनाओ, क्यों घर एक है ना और एक घर है तो सिंगल कॉलम बना लो, लेकिन लास्ट में लुक जो आंसर है उसका क्या करना चाहिए, रेशियो में डिवाइड करो। जैसे मैंने अज्यूम किया 30-70 रेशियो दिया है, तो अपने ये आंसर में क्या करेंगे, 30% इनकम ए की हो गई, 70% इनकम बी की हो गई, एक्स्ट्रा मेहनत बच्चे को ये करनी पड़ेगी रेशियो वाले, यहां तक का सफर साधारण है, ये ध्यान ही मत देना कि उसमें दो ओनर है, होने दो 10 ओनर, लेकिन अंत में जब आंसर आएगा ना उसको रेशियो में स्प्लिट कर देना और हर ओनर का रेशियो बता देना, और अगर क्वेश्चन में बोलेंगे ना मिस्टर ए की इनकम कंप्यूट कर, तो अपने खाली ए का हिस्सा बता के आएंगे, अरे जो क्वेश्चन ने पूछा वही करो ना, अगर ए का पूछा है तो खाली ए का हिस्सा बता के आ जाओ, और दोनों का पूछा है दोनों का बता दो, बट ये एक्स्ट्रा काम हो जाएगा अपना। ओके फिर लुक हियर, ये अगर है ना लेट आउट और डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी हुई, तो को ओनरशिप वाला हाउस अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हुआ तो बेटर क्या होगा, दो अलग कॉलम बनाओ, फर्स्ट ओनर का अलग कॉलम, सेकेंड ओनर का अलग कॉलम। एक्चुअली तो लेट आउट में भी वैसा करना चाहिए, लेकिन बहुत टाइम वेस्ट होता है ना, क्योंकि ऐसा डबल डबल कॉलम बना बनाऊंगा ना तो बार बार स्प्लिट करना पड़ेगा, 30-70, 30-70, आई एम अज्यूमिंग 30-70 इनका रेशियो है, तो इससे क्या है लास्ट में एक साथ रेशियो में डिवाइड कर दो ना। तो लेट आउट प्रॉपर्टी डीएलओपी है तो सिंगल कॉलम बनाना, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा ना तो दो ओनर दो कॉलम, तीन ओनर तीन कॉलम, चार ओनर चार कॉलम,
क्या बोला? सेल्फ ऑक्यूपाइड में जितने ओनर उतने कॉलम। क्यों मालूम है? क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में जो लिमिट है ना, 2 लाख का, 30,000 का, वो पर ओनर है। बिकॉज द लिमिट इज पर ओनर, यू विल हैव टू प्रिपेयर सेपरेट कॉलम पर ओनर। तो मेरे एग्जाम्पल में 2 ओनर है, तो ये देखिए तो सही, मैंने स्क्रीन पर क्या किया, देखो मैंने तुम लोगों के लिए कुछ बना के रखा है। दो दो कॉलम बनाए, दो दो, ओनर ए ओनर बी, घर एक ही है लेकिन उसमें मालिक दो है, दो अलग कॉलम बनाना है। सी एक्चुअली तो लेट आउट प्रॉपर्टी में भी 2 अलग कॉलम बनाएंगे चलता है, लेकिन क्या टाइम वेस्ट होता है ना, मतलब हर फिगर को डबल 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 रेशियो में डिवाइड करो, उससे तो क्या एक एक लेवल तक सिंगल फिगर ही रहने दो, फिर फाइनल अमाउंट को रेशियो में बांट देना, वो शॉर्टकट होता है। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड में वैसा मत करना, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की वो जो लिमिट है ना, 2 लाख का इंटरेस्ट डिडक्शन मिलता है पर ओनर है, तो लिमिट ही पर ओनर है, तो अपने को हर ओनर का अलग कॉलम बनाना चाहिए। ओके, तो आंसर देना, थिंक एन आंसर। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि ये 30% ओनर है, सॉरी ये, और ये 70% ओनर है, ऐसा अज्यूम कर लो। और क्वेश्चन में दिया है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन दिया है कुछ 4 लाख, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन दिया है 4 लाख। अरे दोनों ओनर, ओनर का अलग कॉलम है ना, तो दोनों का इंटरेस्ट अलग अलग आएगा। बोल कितना है? 4 लाख मेरा इंटरेस्ट है, 4 लाख, तो उसमें ए के हिस्से में कितना आ रहा है? अरे 4 लाख का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट अमाउंट है, तो 30% 1,20,000 आ गया, और बी के हिस्से में कितना आ रहा है? 2,10,000, सॉरी 2,80,000, गलती से लिख दिया 2,80,000। अब बताओ क्या करेंगे? जो ए का 1,20,000 है ना, वो ए के कॉलम में पूरा 1,20,000 आ जाएगा, और बी का जो 2,80,000 है उसको 2 लाख तक सीमित होना पड़ेगा। सी अरे मैक्सिमम 2,80,000 है ना, लेकिन कम लिमिट तो 2 लाख की है ना, तो 2 लाख तक ही ले सकते हैं। सी दो कॉलम ही अलग क्यों बना है? क्योंकि हर ओनर के लिए लिमिट सेपरेटली चेक करना पड़ता है। तो सी पहले तो क्या करना चाहिए, क्वेश्चन में जितना भी इंटरेस्ट दिया है ना, उसमें से फाइंड आउट करो ओनर ए कितना बेयर करता है, ओनर बी कितना बेयर करता है। और अगर अगर सब में ऐसा बोला है, एक 30% मालिक है, दूसरा 70% मालिक है, तो ऑब्वियसली लोन का इंटरेस्ट भी 30-70 रेशियो में बेयर करते होंगे। तो पहले इंटरेस्ट का 30-70 कर दो, फिर दोनों ओनर का अमाउंट अलग अलग आ गया, और जिसका लिमिट से कम है पूरा डाल दो, और जिसका लिमिट से ज्यादा लिमिट कर दो। ओके, क्योंकि लिमिट इज पर ओनर। कंक्लूजन क्या है बताओ? को ओनरशिप वाला घर अगर एलओपी है डीएलओपी है तो सिंगल कॉलम ही बनाओ, लेकिन लास्ट में 2 ओनर है तो उसका 2 अमाउंट निकाल दो रेशियो करके। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो कॉलम ही 2 बना दो, और 2 क्योंकि 2 ओनर है, 3 ओनर हुए तो 3 कॉलम बना दो, एंड फिर लिमिट इज पर ओनर, पर ओनर लिमिट लगाना चाहिए। तो ये को ओनरशिप वाला घर हो गया। बस अभी लास्ट 2 चीज बची है। लाइन से देखो मैंने किस ऑर्डर में करवाया, ये फॉर्मेट के बाद सुनिए मैंने क्या बताया था। फॉर्मेट के बाद मैंने तुमको ग्रॉस एनुअल वैल्यू का नोट 1 था, फिर म्युनिसिपल टैक्सेस का नोट 2 था, उसमें 4 पॉइंट थे, इंटरेस्ट लोन का नोट 3 था, उसमें भी 4 पॉइंट थे, फिर चौथी नोट थी पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी की, पांचवी नोट थी को ओनरशिप की। ऐसे 5 चीज मैंने पढ़ाई, गिन के देख लो, ये पहला ग्रॉस एनुअल, दूसरा म्युनिसिपल टैक्स, तीसरा इंटरेस्ट ऑन लोन, चौथा पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी, पांचवा को ओनरशिप। अब 6ठा और 7वां पॉइंट फिर टॉपिक खत्म। पता है 6ठा 7वां पॉइंट क्या है? रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट, अरियर्स ऑफ रेंट। एक है रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट और एक अरियर्स ऑफ रेंट। रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट का मतलब क्या है?
बैड डेट रिकवरी। पहले बताओ क्वेश्चन में अनरियलाइज्ड रेंट होता है तो बैड डेट्स होता है ना, तो उसको हम लोग इसमें लेते हैं कि नहीं लेते? नहीं लेते ना, क्योंकि अनरियलाइज्ड रेंट मतलब वो रेंट ना मिला है ना मिलेगा। और इधर लॉ ने क्या बोला, या तो मिल गया हो या मिलने वाला हो तो लिखो, लेकिन अनरियलाइज्ड रेंट तो बैड डेट्स है। सी अनरियलाइज्ड वर्ड लिखा मतलब समझो बैड डेट, पैसा डूब चुका है, और पैसा डूब चुका मतलब ना तो मिला है ना मिलने वाला है। तो सी क्वेश्चन में सिर्फ अनरियलाइज्ड रेंट दिया हो ना तो वो इसमें एक्सक्लूड कर देना। लेकिन इधर भी इन लोग है ना बहुत घुमाते हैं, ऐसा बोलते हैं पहले रेंट पूरे साल का देते एंड फिर बोलते उसमें से कुछ मिला ही नहीं, बैड डेट हो गया तो लेस कर देना। और कभी कभी इन लोग बैड डेट्स का अमाउंट बताते फिर एक्चुअल रेंट जितना मिला है वही बताते, तो ऑलरेडी नेट अमाउंट दिया है तो इधर नेट लिखना है, बस इधर नेट लिखना है मतलब बैड डेट्स काट के लिखना है। लेकिन इधर बच्चों को घुमाते कैसे, कभी कभी इन लोग डायरेक्टली नेट अमाउंट ही देते हैं, मतलब क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। अब रिसीव्ड बोला है मतलब बैड डेट्स को काट के ही होगा ना, तो डायरेक्टली इधर लिख दो ऑलरेडी अनरियलाइज्ड रेंट कटा हुआ है। लेकिन अगर ऐसा बोला एक्चुअल रेंट पर एनम मतलब पूरे साल का है, फिर बोला दो महीने का अनरियलाइज्ड था, तो नेट ऑफ बैड डेट्स लेना है नेट ऑफ। और अगर ऑलरेडी नेट दिया है तो वही ले लो, लेकिन ग्रॉस अमाउंट दिया है तो उसमें से बैड डेट्स काट के लो। और ये जो बैड डेट्स बोल रहा है क्वेश्चन है बैड डेट्स से क्या बोला होगा, अनरियलाइज्ड रेंट। बट सी ये तो अनरियलाइज्ड रेंट हुआ तब, लेकिन ये बैड डेट्स की फ्यूचर में रिकवरी हो गई ना, तो जिस साल रिकवर हुआ ना उसको इधर स्टेटमेंट में ऐड करना पड़ता है। ये देखो अपना स्टेटमेंट बना के जो एकदम फाइनल आंसर आता है ना, उसमें हम लोग रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट ऐड कर देंगे। लेकिन कितना मालूम है, 30% कट करके। एक्चुअली ये कोई पुराने साल का रेंट है, जैसे मान लो मैं 23-24 का स्टेटमेंट बना रहा हूँ और मुझे कुछ 19-20 का बैड डेट सभी मिला है, तो बिकॉज ये पुराने सालों का रेंट है तो उसको मेन स्टेटमेंट में नहीं डालूंगा, क्योंकि मेन स्टेटमेंट किसके लिए बन रहा है, 23-24 के लिए। और मेरे को कोई अनरियलाइज रेंट की रिकवरी हुई है वो तो कोई पुराने साल का है तो उसको अलग से नीचे दिखाऊंगा, लेकिन उसमें 30% कट करके, क्योंकि रेंट इनकम में 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलता ही है ना। एंड बिकॉज ये पहले का रेंट है तो उसमें अपने पहले टैक्स नहीं भरे थे, लेकिन अब भरेंगे तो 30% कट करके भरेंगे। अब पता है इन लोग क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा भी देते रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट, फिर उससे रिलेटेड कुछ लीगल एक्सपेंस देते कि हमने कोर्ट कचहरी के धक्के खाए तब जाके बैड डेट्स रिकवर हुआ है हमारा, वो सब इग्नोर कर देना। एनी खर्चा रिलेटेड टू रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट शुड बी इग्नोर्ड। अपने को जितना भी भाड़ूतरी से रिकवर हुआ है ना उसमें 30% कट करके स्टेटमेंट के अंत में ऐड कर दो लास्ट में। तो ये था अनरियलाइज्ड रेंट का रिकवरी। बी केयरफुल, सिर्फ अनरियलाइज्ड रेंट दिया होता है ना तो उसका इधर इफेक्ट आता है, एक्चुअल रेंट में उसको कट ऑफ करके लिखो सिर्फ अनरियलाइज्ड रेंट। लेकिन अगर ऐसा बोला अनरियलाइज्ड रेंट तो पहले का था अभी रिकवरी हुआ है, तो रिकवरी है तो स्टेटमेंट में लास्ट में दिखा दो जो भी मिला है माइनस 30% माइनस करना भूलना मत। फिर एक और चीज है अरियर्स ऑफ रेंट। अरियर्स ऑफ रेंट का मतलब क्या नाम है, ओनर ने ना सडनली रेंट बढ़ा दिया और रेंट भी बढ़ाया रेट्रोस्पेक्टिवली। जैसे मान लो मैं ओनर हूं, सुनो मान लो मैं ओनर हूं, अभी तक मैं 1-1 लाख का रेंट चार्ज करता था, लेकिन अभी मेरी बुद्धि फिर गई, मैंने भाड़ूतरी को बोला भाई मैं पिछले 3 साल से तुझे 1,00,000 रुपये चार्ज कर रहा था ना, अभी रेंट बढ़ा रहा हूं मैं, अभी से रेंट 1,00,000 नहीं 1,20,000 हो गया है, और मैंने रेंट को चेंज भी किया रेट्रोस्पेक्टिवली। और मैं इतना निर्दय निकला कि मैंने भाड़ूतरी को बोला अभी से तो तेरे को 1,20,000 देना पड़ेगा, लेकिन पिछले 3 साल से भी तू 1,00,000 दे रहा था ना, वो भी मेरे को बढ़ा के चाहिए। अरे कभी कभी रेंट रेट्रोस्पेक्टिवली रिवाइज होता है, तो रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है, रेंट का अमाउंट इज चेंज्ड फ्रॉम द बिगिनिंग। तो मतलब पुराने साल में अपने को पहले कम कम रेंट मिला था और नए रेंट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए, तो जो डिफरेंस मिलेगा ना
वो होता है अरियर्स। ऐसा मैंने सैलरी में भी पढ़ाया था कि बॉस लोग कभी कभी पगार बढ़ाते लेकिन पगार को रेट्रोस्पेक्टिवली बढ़ाते, मतलब अभी से तो पगार ज़्यादा मिलेगा, पहले भी जो कम कम मिला था वो एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अभी रेंट में भी ऐसा है कि रेंट अगर रेट्रोस्पेक्टिवली बढ़ता है तो अभी से तो नया नया रेंट मिलेगा, बढ़ा हुआ रेंट, और पहले भी जो कम कम मिला था और जो शॉर्टफॉल मिला था कम थी वो अभी मिलता है, तो वो होता है अरियर्स। तो वो भी स्टेटमेंट में लास्ट में ऐसे ऐड करना पड़ता है। देखो कैसे किया है, अरियर्स, और उसमें भी जितना पैसा मिला माइनस 30%। सी ये भी पुराना रेंट है, ये भी पुराना रेंट है, फर्क क्या है? ये तो मैंने रेंट चार्ज किया था लेकिन डूब गया था, और डूब गया था इसलिए मैंने इधर पहले नेट अमाउंट करके टैक्स भरा था ना, लेकिन वो चार्ज किया हुआ पैसा डूब गया था भी रिकवर हुआ है। लेकिन ये तो क्या है, रेंट चेंज ही अभी हुआ है, अभी से रेंट मेरा बढ़ा है, और बढ़ा भी प्रोस्पेक्टिवली नहीं है, रेट्रोस्पेक्टिवली है। प्रोस्पेक्टिव मतलब क्या होता है, अभी से रेंट नया हो गया है, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पहले से हुआ है, तो ये बैड डेट्स नहीं है। एनीवेज क्वेश्चन में वर्ड देके समझ जाएगा, एक बात बोलो फर्क क्या पड़ेगा, क्वेश्चन में चाहे रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट दिया हो कि अरियर्स दिया हो, स्टूडेंट को क्या सुनना चाहिए, पुराना रेंट है ना तो अपने को मेन स्टेटमेंट में नहीं डालना है, लास्ट में डालना है, और उसमें 30% कट करके डालना है। तो सी हाउस प्रॉपर्टी के सारे पॉइंट्स मैंने तुमको बता दिए, लेकिन सी कुछ सम सॉल्विंग टेक्निक्स बतानी बाकी है। सी इन लोग क्वेश्चन में ना कभी भी ये नहीं बोलेंगे लेट आउट, डीम टू बी लेट आउट, ऐसा बोलते नहीं है, अपने को दिमाग लड़ाना पड़ता है। तो सी इधर सम सॉल्व करते टाइम एक तरकीब यूज करना, सुनो, कोई भी क्वेश्चन दिया है ना पहले उसमें चेक करना रेंट है कि नहीं, एक्चुअल रेंट। अरे हाउस प्रॉपर्टी का सम सॉल्व करने का तरीका ही है, हाउस प्रॉपर्टी का सम सामने आया ना तो इन लोग ऐसा बोलेंगे हाउस वन, हाउस टू, हाउस थ्री, ये देखो ऐसा क्वेश्चन, ठीक है क्वेश्चन दिख नहीं रहा था, ठीक है, मतलब इमेजिन करो तीन चार घर का डिटेल दिया है, तो पहले अपने को क्या डिसाइड करने का कि वो लेट आउट है कि क्या है, तो उसका टेक्निक क्या है, एक्चुअल रेंट पे नजर डालना, एक्चुअल रेंट पे, जिस घर में एक्चुअल रेंट मिल रहा है ना लेट आउट। तो मान लो चार घर दिए, उसमें से ना दो घर में एक्चुअल रेंट दिया हुआ है, ओके दो नहीं चलो एक घर में एक्चुअल रेंट दिया हुआ है तो उसको क्या करेंगे लेट आउट, और तीन घर में एक्चुअल रेंट है ही नहीं, और तीन घर में रेंट नहीं दिया मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा, लेकिन तीन तीन सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं हो सकते, दो सेल्फ ऑक्यूपाइड होंगे एक डीम टू बी लेट आउट, दो सेल्फ ऑक्यूपाइड और तीसरा डीम टू बी लेट आउट। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड किसको लेना चाहिए, जिसमें एकदम बड़े बड़े अमाउंट दिख रहे हैं ना, जिसमें टैक्स ज्यादा आ रहा है ना, उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड करवा के एग्जाम कर लो, क्योंकि सी गवर्नमेंट दो घर, ये देखो दो घर एग्जाम कर रही है ना अपना, तो हम तो उन्हीं दो घर को चुनेंगे जिसमें टैक्स ज्यादा आता है। एक्चुअली कभी कभी तो अपने को है ना, जैसे तीन सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है ना, तीनों का पहले टैक्स कैलकुलेट करके देखने का, मतलब तीनों को एक बार अज्यूम करो लेट आउट है, और तीनों में ना निल 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 नहीं, अमाउंट 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 अमाउंट, तीन घर को ऐसा मान लो तीनों अगर टैक्सेबल होता तो तीनों में सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं, डीम टू बी लेट आउट समझ के, मतलब इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस निल 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 यू विल डू अमाउंट 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 अमाउंट। अरे मैं अज्यूम कर रहा हूँ तीन सेल्फ ऑक्यूपाइड है, फिर क्या करेंगे, किस में ज़्यादा बड़े बड़े अमाउंट आ रहे हैं, और जिस घर में बड़े बड़े अमाउंट आ रहे हैं उसको एग्जाम कर दो, और जो घर में छोटा छोटा अमाउंट है उसको डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। मीन्स आई होप यू कैन इमेजिन कि यू हैव टू लिटरली अज्यूम तीनों घर डीम टू बी लेट आउट है, और तीनों में से देखो मान लो है ना एक घर का आंसर आया 2 लाख, दूसरे का आया 3 लाख, तीसरे का आया 4 लाख, तो सबसे बड़े ये दोनों है ना, तो ये घर को एग्जाम कर लो, और जो छोटू अमाउंट वाला है उसको डीम टू बी लेट आउट करना चाहिए। ये कब मालूम है, जब तीन तीन सेल्फ ऑक्यूपाइड आ गया तो सी ये मैं कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ, ये सब क्या है अभी मैं जो पढ़ा है उसमें डिस्कस करने में नहीं आया, ये सब क्या सम सॉल्व करते हैं नोटिस करना पड़ता है। तो क्या बताया, सबसे पहले क्या करोगे, एक्चुअल रेंट देखो,
जिधर एक्चुअल रेंट मिला वो तो कंफर्म लेट आउट हो गया, तो मतलब उसका डिसीजन तो एलओपी। अब गड़बड़ क्या होती है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड डीम टू बी लेट आउट कैसे मालूम पड़ेगा? तो पहले तो सी, जिस घर में रेंट है ही नहीं, एक्चुअल रेंट नहीं है, तो सब सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और ऐसे एक या दो है तो चलेगा, लेकिन अगर चार पांच ऐसे घर है तो एक बार चारों पांचों को टैक्सेबल करवा के देख लो, चारों पांचों में अमाउंट भर दो पूरे डीएलओपी की तरह। फिर जिसमें एकदम ज्यादा अमाउंट आ रहा ना, टॉप टू हाईएस्ट, उसको एग्जेम कर लेना, और छोटे छोटे वाले को डीम टू बी लेट आउट। तो ये सम्स करते रहे, जिन लोग ने सम्स पहले किए होगी देखा होगा ना ऐसा, तो ये मेरे को बताना। तो बस, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड सब बातें मैंने बता दी। तो ये हाउस प्रॉपर्टी का टॉपिक हो गया अपना, ओके। फिर अभी है ना, अपने दो चैप्टर बाकी है, दो चैप्टर मुझे और करने हैं, जो मैं प्लान कर रहा हूं कल कराऊंगा। एक है एडवांस टैक्स और एक हो गया रेसिडेंशियल स्टेटस, ओके। रेसिडेंस स्टेटस, ये दो चीज और करवानी है, ये मैं सोच रहा हूँ कल करवा लूंगा। नहीं तो एक काम करते, थोड़ा हम लोग है ना, एक सेकेंड, सकते थोड़ा टाइम है तो हम लोगों के, और जो बचेगा कल के लेक्चर में कंटिन्यू कर देंगे। तो विल स्टार्ट विद रेसिडेंशियल स्टेटस। ये देखो, रेसिडेंशियल स्टेटस में अपने को क्या डिसाइड करना है कि बंदा आर है कि एनआर है, डिसीजन मेकिंग का समय, ओके। और फर्क क्या पड़ता है, रेसिडेंट है तो वर्ल्ड इनकम पे टैक्स भरना पड़ता है, और नॉन रेसिडेंट लोग को खाली इंडियन इनकम पे टैक्स आता है, और नॉन रेसिडेंट की इनकम अगर फॉरेन में तो उसको टैक्स ही नहीं आएगा, क्योंकि नॉन रेसिडेंट अगर रहता भी बाहर है, कमाता भी बाहर है, तो उसको इंडिया में टैक्स नहीं आएगा, उसको खाली इंडियन इनकम का ही टैक्स आता है। लेकिन रेसिडेंट लोग को वर्ल्ड इनकम पे टैक्स भरना पड़ रहा है, ओके। लेकिन सी, पता कैसे चलता है कोई रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट? तो सी, इधर मैंने ना पांच कैटेगरी के लोग बताए, ये देखो, एक दो तीन चार पांच, पांच कैटेगरी के लोग है। पांचों का रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करने का तरीका थोड़ा अलग है, तो बस दिमाग में पहले पांच लोग फिट कर दो, एक एक करके बताते आता हूं। और सी, तुम लोग का ध्यान ना भटके ना, इसके लिए मैं थोड़ा छुपा के रखूंगा। ये देखो, माइंड में रखना, टोटल पांच कैटेगरी है, ओके। सी, पहले नॉर्मल कैटेगरी, नॉर्मल लोग का रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट कैसे डिसाइड करते हैं? या तो उसका करंट ईयर में 182 डेज और मोर स्टे इंडिया में होना चाहिए, स्टे इन इंडिया शुड बी 182 डेज और मोर इन दी करंट ईयर। करंट ईयर मतलब अपने एग्जाम में ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर 23-24, मैं उसको करंट ईयर बोल रहा हूँ। इनकम टैक्स वाले तो क्या हर साल को प्रीवियस ईयर बोलते हैं, इनकम टैक्स वालों के लिए एवरी ईयर इज प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर। लेकिन अपना जो मेन है ना, उसको मैं बोलूंगा करंट, करंट प्रीवियस ईयर, क्या बोलना चाहिए, करंट प्रीवियस ईयर। तो 23-24 में उसका इंडिया में स्टे कितना होना चाहिए, 182 डेज और मोर, और अगर वो है तो रेसिडेंट। लेकिन अगर 182 नहीं हुआ ना, तो अपने को दूसरा कंडीशन चेक करना चाहिए, 60+365, 60 डेज और मोर इन द करंट प्रीवियस ईयर, और अपना करंट प्रीवियस ईयर क्या है, 23-24 प्लस प्रीसीडिंग चार साल में, प्रीसीडिंग चार साल, ये देखो प्रीसीडिंग चार साल कौन से होते हैं, 22-23, 21-22, 20-21, 19-20, ये पीछे के चार साल है। ये चारों साल में उसका टोटल स्टे 365 डेज और मोर होना चाहिए, टोटल स्टे ऑफ ऑल फोर प्रीसीडिंग ईयर्स, और कोई भी चार साल के एग्जैक्टली पीछे वाले, एग्जैक्टली इमीडिएटली प्रीसीडिंग, ओके। तो सी, ये कंडीशन में तो खाली 182 डेज हो गया मतलब रेसिडेंट, लेकिन अगर ये नहीं हुआ ना, तो ये वाला ट्राई करो। इसमें तो जोड़ी बनानी पड़ती है, कपल कंडीशन है, कपल मतलब 60 भी चाहिए,
365 भी चाहिए, 60 इन द करंट ईयर, 365 डेज इन द प्रीसीडिंग 4 ईयर्स, ओके। एक्चुअली पता है इसको ऐसा समझो, गवर्नमेंट ने अपने लिए दो जाल बिछा है, अगर तू इधर नहीं फंसा ना तो इधर फंस जाएगा। इसको ऐसा क्यों बोला जाल बिछाया, सुन के रखो क्योंकि आगे मुझे एक चीज बढ़ाने में काम आएगी। ऐसे क्यों बोला गवर्नमेंट ने अपने लिए दो जाल बिछाए है, या तो तू इस जाल में फंस सकता है या फिर इस जाल में फंस सकता है। फंसना क्यों बोलते हैं, क्यों रेसिडेंट बन गया मतलब फंस गए ना, वर्ल्ड इनकम पे टैक्स आएगा, रेसिडेंट लोग को वर्ल्ड इनकम पे टैक्स भरना पड़ता है। नॉन रेसिडेंट मतलब क्या है, अपने को खाली इंडिया की इनकम पे टैक्स भरना है, फॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो इसको मैं क्या बोलता, गवर्नमेंट ने अपने लिए दो जाल बिछा है, या तो तू इधर फंसेगा या इधर फंसेगा, किधर भी फंसा रेसिडेंट, रेसिडेंट मतलब फंसने की बात है क्योंकि वर्ल्ड इनकम का टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये माइंड में आता, दो जाल बिछा है। लेकिन सी, दो ऐसे व्यक्ति है ना जिसके लिए गवर्नमेंट ने खाली एक ही जाल बिछा है। एक होता है जो देश छोड़ के एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर गया है, मतलब इमेजिन करो एक देसी बंदा है जो इंडिया छोड़ के ना फॉरेन चला गया, क्यों, या नौकरी के लिए या बिजनेस के लिए, और उसका इरादा वहां सेटल होने का है, वहां उसको कोई जॉब लग गई होगी या फिर जॉब नहीं लगा होगा तो उसको कोई बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, बट उसने इंडिया छोड़ने का सोचा है, वो सोच रहा है कि अब मैं फॉरेन जाऊंगा। तो जो इंडिया छोड़ के जा रहा है फॉर एम्प्लॉयमेंट, बट वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ये क्या लिखा है देखो, आईसी मतलब इंडियन सिटीजन, मतलब जैसे अपने जैसे लोग, हम लोग इंडिया के सिटीजन है ना, अगर हम लोग इंडिया छोड़ के फॉरेन चले जाए या तो कोई जॉब के लिए या फिर कोई बिजनेस के लिए, सिर्फ बिजनेस भी एक तरह का एम्प्लॉयमेंट होता है बट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है। सो वेदर यू गो फॉर जॉब और बिजनेस, तो ऐसे लोग के लिए गवर्नमेंट ने एक ही जाल बिछाया है, यू आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम 60 डेज वाला कंडीशन। क्यों मालूम है, क्यों, गवर्नमेंट इस आदमी के लिए क्या सोच रही है, यार ये आदमी तो देश छोड़ के जा रहा है, अब देश छोड़ के जा रहा है मतलब फ्यूचर में तो ये नॉन रेसिडेंट ही हो जाएगा, तो उसको करंट ईयर में जबरदस्ती क्यों रेसिडेंट बनाना है। हाँ 182 रहा तो रेसिडेंट बनेगा, लेकिन 182 नहीं हुआ ना, चल जा छोड़ दिया, मतलब 60 के जाल में नहीं फंसाएंगे। अरे नहीं तो नॉर्मल लोग को क्या है, 182 से बच गया तो क्या है, 60 में फंसा सकते हैं, और 60 में फंस गया तो भी रेसिडेंट। लेकिन इसको गवर्नमेंट ये वाले जाल में क्यों नहीं फंसा रही है, क्योंकि ये अभी इंडिया में रहने ही नहीं वाला है, तो जो फ्यूचर में फॉरेन में सेटल हो जाएगा तो फ्यूचर में तो एनआरई हो जाएगा, और जो फ्यूचर में एनआर हो जाएगा तो उसको करंट ईयर में भी एनआरई बना दो। सी फ्यूचर में एनआर होगा क्यों बोला, क्योंकि जो फॉरेन में सेटल हो जाएगा तो एनआर हो जाएगा ना, तो उसको गवर्नमेंट क्या बोलती है, चल फ्यूचर में तो तू एनआर बन जाएगा, करंट ईयर में भी एनआर बना देते। लेकिन 182 डेज मार के गया ना इंडिया में तो रेसिडेंट बनाएंगे, लेकिन 182 नहीं हुआ ना, चल जा छोड़ दिया, फिर तू एनआर। लेकिन सी ये नॉर्मल लोग तो क्या है, फॉरेन सेटल होने आ रहे हैं कि फॉरेन घूमने जाते, खाली घूमने आते, जैसे अपने ऐसे लोग क्या है, रहते इंडिया में ही है, फॉरेन घूम घुमा के आ जाते हैं, तो ऐसे जो घूमते फिरते रहते हैं ना, तो उन लोगों के लिए दो दो जाल बिछा है। लेकिन घूमता फिरता है कि फॉरेवर जा रहा है, फॉरेवर जा रहा है, फॉरेनर मतलब वापस भी आ सकता है, लेकिन एक बार तो इरादा ये ना कि चलो बाहर जाके सेटल होना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक ही जाल बिछा है। फिर एक और है जिसके लिए गवर्नमेंट ने खाली, अरे एक ही जाल बिछा मतलब क्या करना है, 182 डेज की कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हुई ना तो नॉन रेसिडेंट, फिर ये कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, एनए मतलब नॉट एप्लीकेबल। फिर एक और बंदा है विजिटिंग इंडिविजुअल, क्या बोला, विजिटिंग इंडिविजुअल मतलब सी एम्प्लॉयमेंट वाला तो अभी देश छोड़ के जा रहा है सेटल होने के लिए, लेकिन अभी कैसा हूं मैं, एक आदमी है जो वहां ऑलरेडी सेटल्ड है, मम्मी पापा को मिलने आ रहा है विजिट के लिए। तो विजिटिंग इंडिविजुअल कैसा है मालूम है, ये तो कब का देश छोड़ चुका है, अभी वो इंडिया विजिट करने आ रहा है, क्यों, मम्मी की याद आ रही है, जवानी के जोश में भारत छोड़ के चला गया था, और ये पहले ही चला गया था, और वो कहीं दुबई वुबई में सेटल भी हो चुका है, अभी उसको मम्मी की याद आ रही है तो इंडिया में विजिट करने आ रहा है। तो सी जो बंदा विजिट करने आ रहा है वो तो क्या मम्मी डैडी से मिल मिला के चला जाएगा, मतलब उसका इरादा भी भारत में बसने का है कि मिलने मिलाने का है, मिलने मिलाने का है,
तो इसको भी गवर्नमेंट क्या है दूसरे जाल में नहीं फंसाएगी। गवर्नमेंट ने बोला अगर 180 डेज के लिए विजिट मार के गया, मतलब तेरे को मम्मी पापा की इतनी याद आ रही है कि मम्मी पापा को मिलने तू इंडिया में 182 डेज और मोर के लिए आ गया तो रेसिडेंट बना देंगे, लेकिन 182 नहीं हुआ ना तो तेरे को 60 में नहीं फंसाएंगे, क्योंकि तू 60-70 दिन मम्मी डैडी को मिलने आ भी गया तो हम समझते खाली मम्मी डैडी को मिलने वापस चला ही जाएगा ना। सी विजिट वाला बंदा क्या, ये ऑलरेडी सेटल्ड है बाहर। इससे बेस्ट एग्जाम्पल मेरा छोटा भाई, मेरा छोटा भाई वो भी सी ए, वो हांगकांग में सेटल्ड है। अरे काफ़ी पिछले 10-12 साल से हांगकांग में सेटल्ड है, तो वो क्या इंडिया में आता नहीं होगा? अरे मेरी याद आती होगी उसको बहुत बार, तो आती है, मेरी याद आती है, मेरी मम्मी की याद आती है तो मिलने आता है, लेकिन मिलने आएगा तो कितने टाइम आता है? 10-15 दिन मिल के चले जाता है, उसको थोड़ी वहाँ पर छुट्टी मिलती है इतनी, तो 10-15 दिन मिल के चला जाता है। अरे 10-15 दिन के 80 दिन भी मिल के चला गया चलेगा? जैसे मेरे घर में कोई शादी वादी है और मेरा भाई हांगकांग वाला इंडिया में हमको मिलने है, 80 डेज भी गुजार दिया तो भी चलेगा, मतलब उसको 60 में नहीं फंसाएंगे। लेकिन अगर लंबी विजिट मार के गया, कौन मेरा भाई हांगकांग में सेटल्ड है, इंडिया में 182 डेज और वो इतना लंबा विजिट किया जो कि नॉर्मली होगा नहीं, बट अगर हुआ तो तू रेसिडेंट बन जाएगा। और सोच मेरा भाई अगर रेसिडेंट बन गया ना तो उसको इंडियन इनकम पे भी टैक्स आएगा और उसकी हांगकांग वाली इनकम पे भी टैक्स आएगा। अरे मेरा भाई हांगकांग रहता है तो वहाँ कमाता भी होता है ना, तो किसी साल इंडिया में अगर 182 डेज की विजिट मार के चला गया तो मेरा भाई तो फंस जाएगा। क्यों फंस जाएगा? क्योंकि रेसिडेंट बन गया तो वर्ल्ड इनकम टैक्सेबल हो जाती है। लेकिन ऐसा होगा ही नहीं मेरा भाई, तुमको क्या लगता है हांगकांग में सेटल है तो उसका भी उधर कुछ काम धंधा होगा ना? बेचारा जॉब करता है एक बैंक में, RBS नाम की बैंक है, रॉयल बैंक ऑफ सॉरी HSBC में कर रहा है, RBS से पहले था, HSBC बैंक में, तो वहाँ जॉब कर, उसको थोड़ी छुट्टी मिलती होगी, थोड़े दिन आएगा मिल मिला के चला जाएगा, बट 182 डेज हुआ तो रेसिडेंट। इन शॉर्ट इसको भी दूसरे जाल से फ्री रखा है। सी ये लोग क्या है बाहर के हो गए। सी एम्प्लॉयमेंट वाला तो अभी बाहर का हो रहा है और विजिट वाला तो बाहर का हो चुका है, ऑलरेडी बाहर सेटल हो चुका है, अभी खाली मिलने मिलने आ रहा है। सी एम्प्लॉयमेंट वाले का भी तो ऐसे ही होगा ना, अभी नौकरी के चक्कर में बाहर चला गया, लेकिन फ्यूचर में मम्मी डैडी को जब मिलने आएगा तो विजिट वाला बन जाएगा। तो इन शॉर्ट दो इंसान को याद रखना, उसके लिए ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। कौन से दो लोग? एक वो जो एम्प्लॉयमेंट के लिए देश छोड़ के आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट कैन बी जॉब बिजनेस एनीथिंग, बट वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, सिटीजनशिप इंडिया की होनी चाहिए, इन लोग बोलेंगे सब में, लिखना ही पड़ेगा। ओके फिर दूसरा कौन है? विजिट वाला, और ये आदमी है ना फॉरेन में ऑलरेडी सेटल्ड है। बेस्ट मेरे भाई का एग्जाम्पल याद रखो, सर का भाई हांगकांग में सेटल्ड है तो अभी मम्मी डैडी को मिलने आता होगा तो विजिट के लिए आता है। लेकिन ये बंदा भी है ना, या तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। सी इंडियन सिटीजन मतलब पासपोर्ट इंडिया का होना। जैसे मेरे भाई का पासपोर्ट देखोगे ना उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैम्प है, तो मेरा भाई भले हांगकांग में काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, सेटल हो चुका है, लेकिन उसके पासपोर्ट में आज भी भारत सरकार का स्टैम्प है, तो उसकी सिटीजनशिप इंडिया की है। और इंडियन सिटीजन नहीं भी हुआ तो भी चलता है इधर, तो मालूम है इधर एक और चीज है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब क्या होता है मालूम है? जो इंसान खुद या जिसके माँ बाप या जिसके दादा दादी ग्रैंड पेरेंट्स मतलब ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। अनडिवाइडेड मतलब ऐसा भारत जब इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश सब इकट्ठा था, उन दिनों में जन्म होना चाहिए। किसका? या तो उसका या उसके पेरेंट्स का या ग्रैंड पेरेंट्स का। ग्रैंड पेरेंट्स में दादा दादी नाना नानी सब आ गया, मींस पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स। जैसे मेरे भाई का देखोगे ना, मेरा भाई 1978 में बॉर्न है, तो 1978 में तो इंडिया बड़ा था कि छोटा था, पार्टीशन हो चुका था ना, लेकिन मेरे भाई के माँ बाप मतलब मेरे माँ बाप ना वो लोग भी 50s में बॉर्न थे, वो टाइम भी पार्टीशन हो चुका था, लेकिन उसके दादाजी 1906 में बॉर्न थे। अरे हम लोग के दादाजी 1906 के थे, तो 1906 मतलब उस वक्त तो भारत पाकिस्तान सब साथ में था, तो उन दिनों में बर्थ है ना दादाजी का, इससे मेरा ब्रदर इंडियन ओरिजिन वाला है।
इनफैक्ट मेरा ब्रदर तो इंडियन सिटीजन भी है। सिटीजनशिप का टेस्ट क्या? पासपोर्ट। तो मेरे भाई के पास तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंप वाला पासपोर्ट है, तो सिटीजनशिप भी इंडिया का है और वो तो ओरिजिन भी इंडिया का है, खुद के बर्थ के कारण नहीं, मेरे दादाजी के बर्थ के कारण। एनीवेज लॉ क्या बोलता है, विजिटिंग बंदा शुड बी, अरे उसकी भारत से जड़ें जुड़ी हुई होगी ना, तो बाहर सेटल होने के बाद भी क्या मम्मी डैडी को बार बार मिलने आता, मम्मी डैडी उसके नहीं भी होंगे ना तो उसको इंडिया से अटैचमेंट है ना, तो बार बार विजिट करता है, तो उसको बोले विजिट कर, यू आर मोस्ट वेलकम, तेरी इंडिया यार, तू इंडिया का सिटीजन है, तू इंडिया का ओरिजिन है, विजिट कर। लेकिन लंबी विजिट किया तो फंसेगा, लंबी मतलब तो रेसिडेंट बन जाएगा। ओके अब सुनो, ये विजिटिंग इंडिविजुअल है ना, दो टाइप के होते हैं। जैसे मेरा भाई का एग्जाम्पल हो, दो मिनट में समझ जाएगा, मेरा भाई हांगकांग में सेटल्ड है, अब वो जब कभी भी इंडिया में आता है लोग क्या बोलते हैं, विजिट करने आ रहा है। विजिट क्यों? क्योंकि आके चला जाएगा, वापस घूम फिर के हांगकांग ही बैठने वाला है। विजिट का मतलब ही क्या है? टेम्पररी पीरियड के लिए आने का, फिर वापस चले जाओ। तो मेरा भाई तो विजिट ही करता है ना। लेकिन अब सुनो, मेरे भाई की इंडिया में 15 लाख से ज़्यादा इनकम है। सी मेरे भाई के लिए उसके मम्मी पापा है, लेकिन उसका इनकम भी अगर इंडिया में बहुत ज़्यादा है ना, मोर देन 15 लाख्स, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक और जाल बिछाया है। ये देखो कैसा है, वन ट्वेंटी डेज वाला। मीन्स अगर मेरे भाई की इंडिया में इनकम कितनी होनी चाहिए, 15 लाख से ज्यादा, फिर वो इंडिया में ना 120 डेज की विजिट किया ना, तो फंसेगा। फिर गवर्नमेंट बोलेगी तुम मम्मी डैडी को मिलने नहीं आ रहा है, तेरा इंडिया में कुछ इनकम कनेक्शन है। अरे मम्मी डैडी होती, मम्मी डैडी को मिलना होता 50, 60, 70 दिन में मिलके चले आता, लेकिन तू इंडिया में 120 डेज आए, और वो भी तेरी इंडिया में इनकम 15 लाख से ज़्यादा है। मतलब तेरा इंडिया में आना इज नॉट मम्मी की याद में, तेरा इंडिया में आना पैसों के चक्कर में, और पैसों के चक्कर में तू आया है। और पैसों का चक्कर क्यों है उसका? क्योंकि उसकी इंडिया में इनकम भी है ना। सी मेरे भाई के लिए फैमिली उसकी इंडिया में समझता है, तो अगर वो फैमिली के लिए आता है ना, तो गवर्नमेंट ऐसा रखा है कैसा, 182, और ये नॉट एप्लीकेबल। ये कैसे लोग के लिए, जिनका इंडिया में खाली फैमिली कनेक्शन है और इंडिया में इनकम है तो भी 15 लाख से ज्यादा नहीं है। ये देखो इधर, मेरे भाई जैसे लोग अगर उनकी इंडिया में इनकम क्या लिखा, लेस देन इक्वल टू 15 लाख से, तो मतलब इंडिया में इनकम नहीं के बराबर है, फिर तो गवर्नमेंट बोलो मतलब इंडिया में तो इनकम नहीं के बराबर है, मतलब तू इंडिया में फैमिली को मिलने आ रहा है, तो यू आर फैमिली माइंडेड। और फैमिली माइंडेड को बेनिफिट क्या मिला है? हाँ, 182 डेज सी देखेंगे, दूसरा कंडीशन नॉट एप्लीकेबल। लेकिन मेरे भाई की इंडिया में अगर करोड़ों में इनकम है, तो फिर गवर्नमेंट भी क्या सोचेगी कि शिरीष व्यास का भाई अपने परिवार से तो मिलने आता ही होगा, लेकिन उसका करोड़ों में इनकम है, तो इंडिया में उसका इनकम कनेक्शन भी है, फैमिली कनेक्शन भी है, इनकम कनेक्शन भी है। और इनकम कनेक्शन क्यों दिख रहा है, 15 लाख से ज़्यादा इनकम है, मतलब तेरी इंडिया में फैमिली के साथ साथ इनकम का भी कनेक्शन है। तो ऐसे लोग के लिए गवर्नमेंट ने दो जाल बिछाए कि अगर तू 182 से बच गया ना, तो ऐसे नहीं कि NR बन गया, हम तेरे को इधर भी चेक करेंगे, और इधर फंस गया तो भी तू रेसिडेंट बन सकता है। सीधे लोग के लिए गवर्नमेंट ने एक ही जाल बिछाया है। सीधा आदमी कौन, जैसे मेरे भाई का इंडिया में कुछ एक्चुअली नहीं है, मेरे भाई की इंडिया में कुछ इनकम ही नहीं है, क्योंकि हांगकांग में कमा रहा है तो उधर ही कमा रहा है ना, इंडिया में कुछ इंडिया में रहता ही नहीं है, कमाई कहाँ से आएगी, तो उसकी इनकम ही नहीं है। तो मेरा भाई तो इंडिया आता है तो प्योर मम्मी डैडी को मिलने आता है, पूरा फैमिली के इंटरेस्ट में आ रहा है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने खाली एक ही जाल रखा है ना, और थोड़ी बहुत इनकम है तो भी लेस देन 15 लाख है। लेकिन अगर जिस लोग की इनकम, जैसे मेरे भाई जैसे लोग, उनकी इंडिया में इनकम जोरदार है, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए दो जाल बिछा के रखे। इन शॉर्ट सुनो, मेरे भाई का एग्जाम्पल तुमको कब याद आना चाहिए, ये विजिट वाले में,
और वो बेस्ट एग्जाम्पल, क्योंकि मेरा भाई फॉरेन में सेटल हो चुका हांगकांग में, वो टाइम टू डे हमको मिलने आते रहता है। अभी लास्ट मंथ ही आया था, क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो आया था। आया था मतलब लिटरली 2 महीना रहा, लेकिन 2 महीना मतलब 182-200 नहीं रहा था ना, फिर चला गया तो दूसरी कंडीशन नॉट एप्लीकेबल। खैर मेरा भाई तो ऐसा वाला भी होता ना, 2 महीने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, 2 महीने ही आया था, लेकिन 120 डेज अगर रुक के गया ना तो उसका हम लोग पिछले 4 साल का भी ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, और वो 120+365 हो गया तो इज अ रेसिडेंट। फिर अरे चार कैटेगरी हो गई, पांचवी कैटेगरी सुनो, एक ऐसा इंसान है ना जो किसी भी कंट्री में टैक्स नहीं भरता है। क्यों मालूम है? क्योंकि उसका कोई भी कंट्री में रेसिडेंशियल स्टेटस देखो तो एनआर है। अरे मतलब एक आदमी है जो हर कंट्री के लिए पराया है। दुबई वालों को, भैया दुबई आपका आदमी नहीं, हम लोग के यहाँ पे तो 4-5 दिन ही रहता है। लंदन को पूछा, ये आदमी आपके देश का? नहीं, हम लोग के यहाँ पे तो खाली 6-7 दिन ही रहता है। हर कंट्री में ना रेसिडेंशियल स्टेटस होता है। तो एक ऐसा इंसान है जो हर कंट्री में ना थोड़े थोड़े दिन रहता है, और बिकॉज वो थोड़े थोड़े दिन रहता है उसको कोई भी कंट्री में टैक्स नहीं आ रहा है। सी टैक्स कब लगता है? जब हम लोग उस देश में रहते हैं। लेकिन एक आदमी ऐसा है ना, किसी देश में लंबा टिकता ही नहीं है, कहीं 10 दिन रहता है तो कहीं 20 दिन, स्विट्जरलैंड 15 दिन चला गया, फिर स्विट्जरलैंड छोड़ दिया, ऑस्ट्रेलिया चला गया 6 दिन। थोड़ा फनी लग रहा है, लेकिन ऐसा इमेजिन करो एक आदमी है जो कहीं पर भी रेसिडेंट नहीं है और कहीं पर भी टैक्स नहीं भर रहा है। तो इंडिया वाले क्या बोलते हैं? तू कहीं पर भी टैक्स नहीं जा रहा है तो इंडिया वाले क्यों छोड़े? एक काम कर, इंडिया का रेसिडेंट बन जा। अगर तेरी इंडिया में 15 लाख से ज़्यादा इनकम है और तू इंडिया का पासपोर्ट कैरी कर रहा है तो तू इंडिया का डीम्ड रेसिडेंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्टे इन इंडिया। सी एक बार तुम इंडियन सिटीजन हो, दैट मीन्स तुम्हारा पासपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टैंप वाला है, और तुम्हारी इनकम इंडिया में 15 लाख से ज़्यादा है, और अगर तू हर देश के चंगुल से बचा हुआ है तो इस देश में रेसिडेंट माना जाएगा। ये दो प्रिसाइसली इसको क्या बोलते हैं, एन इंडियन सिटीजन। पढ़ो क्या लिखा, हु इज नॉट लायबल इन एनी फॉरेन कंट्री। अरे ऐसा बहुत रेयर चांस है। अरे क्योंकि कोई आदमी इंडिया में ज्यादा नहीं रहता तो बाहर कहीं रहता होगा, लेकिन ये आदमी तो ऐसा ना बाहर भी है ना थोड़े थोड़े दिन रहता है, 10 दिन लंदन, 5 दिन पेरिस, 5 दिन इधर, 5 दिन उधर, 6 दिन उधर, मतलब हर जगह भटकते रहता है। उसको पूछे तेरा ठिकाना कहाँ है, कुछ नहीं है, लेकिन पासपोर्ट तो इंडिया का है ना, और इंडिया में इनकम भी तेरी 15 लाख से ज्यादा है, देन यू विल बी डीम्ड रेसिडेंट। फिर बोले नहीं मैं इंडिया में भी 10 दिन ही रहा था। अरे शाणे तू तो हर जगह 10-10 दिन ही रहता है, सब जगह 5 दिन 10 दिन, तू इंडिया में 10 दिन क्या 2 दिन भी रहा था ना, यू आर डीम्ड टू बी रेसिडेंट, क्योंकि तू हर देश के टैक्स से बचा हुआ है। तो हम इंडिया वाले क्यों ना टैक्स भरे, और हम लोग हक इसलिए जता रहे भाई क्योंकि तेरा सिटीजनशिप इंडिया का, इंडिया का पासपोर्ट कैरी कर रहा है और इंडिया में इनकम भी तेरी 15 लाख से ज्यादा है। तू बाद में इंडिया में खाली 2 दिन भी रहा ना तो भी भाड़ में गए 2 दिन, तू इंडिया का रेसिडेंट है, और 2 दिन के लिए गवर्नमेंट तो सुना कैसे दी? अरे 2 दिन क्या, तू तो हर कंट्री में ऐसे 2-5 दिन रहता है, और तू हर कंट्री से बच जावे, इंडिया से भी बच जावे, किसी भी देश में टैक्स नहीं भरेगा थोड़ी चलेगा। यू आर डीम्ड टू बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड वंस यू आर डीम्ड टू बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये फिफ्थ कैटेगरी है। ओके, तो टोटल 5 कैटेगरी के लोग होते हैं। ओके, अब सुनो अगला पॉइंट देखना। एक बार कोई बंदा रेसिडेंट बन जाता है, रेसिडेंट, उसके बाद क्या चेक करना पड़ता है, वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिख रहा है, हाउ टू डिसाइड आर ओ आर एन ओ आर, हाउ टू डिसाइड आर ओ आर एन ओ आर। ये क्या डिसाइड हो रहा था तुम आर के एन आर। अब आर के अंदर फर्दर 2 ब्रेकअप है, रेसिडेंट, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। ओके, तो सी ये कंडीशन में अगर कोई एनआर बना तो खत्म, सम खत्म हो गया। अरे सम सॉल्व करते ना, सम सॉल्व करें, अगर कोई नॉन रेसिडेंट बना तो खत्म। कंक्लूजन लिख दो
कि बिकॉज ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इज अ नॉन रेसिडेंट. लेकिन अगर रेसिडेंट बना तो सम खत्म क्या आगे बढ़ेगा? आगे बढ़ेगा मतलब ये चेक करना पड़ता है. क्या मालूम, ये देखो ऐसा क्यों लिखा मालूम है? क्योंकि ये थियरी कब फॉलो करने की? जब वो रेसिडेंट बनेगा तो सी वो 23-24 वाले ईयर में रेसिडेंट का टैग मिला है, और रेसिडेंट का टैग मिला है तो आगे क्या देखता हूं मैं कि 23-24 में तो रेसिडेंट है, प्लस ही इज ऑल्सो रेसिडेंट इन मिनिमम 2 ईयर्स आउट ऑफ प्रीसीडिंग 10 ईयर्स. मतलब पिछले 10 साल में 2 बार ऑलरेडी रेसिडेंट रह चुका है. सी करंट ईयर में तो है ही, तभी तो हम लोग ये मेहनत कर रहे हैं. सी करंट ईयर में नॉन रेसिडेंट बनता तो सम दी एंड हो जाता है ना. लेकिन अब ये आदमी क्या है, करंट ईयर में रेसिडेंट है प्लस पिछले 10 साल में 2 बार ऑलरेडी रेसिडेंट रह चुका है. अब मेरा टोन सुनो, जो आदमी, सुनना ध्यान से, जो आदमी करंट ईयर में भी रेसिडेंट है और पिछले 10 साल में ऑलरेडी 2 बार रेसिडेंट रह चुका है, तो उसके लिए रेसिडेंट होना एक ऑर्डिनरी बात है. ऑर्डिनरी मतलब एक आम बात है, कॉमन बात है. कोई अचानक से रेसिडेंट बने तो समझता भी है. ये आदमी 23-24 में अचानक से रेसिडेंट नहीं बना है, 23-24 में तो रेसिडेंट है ही, प्लस पहले भी 2 बार, 2 या ज्यादा भी हो सकता है, अरे ज्यादा छोड़, 2 बार भी रेसिडेंट रह चुका है ना पिछले 10 साल में, तो बोलने में क्या आता है, हाँ यार तेरे लिए रेसिडेंट होना कोई नई बात नहीं है, इट इज एन ऑर्डिनरी बात. जैसे मेरा स्टेटस देखोगे ना, मैं तो इस साल भी रेसिडेंट हूं, पिछला 10 साल देखोगे ना, 10 साल मैं तो बचपन से रेसिडेंट हूं. तो मेरे ऐसे लोग क्या है, रेसिडेंट होना मेरे लिए कोई नई बात है कि ऑर्डिनरी है? ऑर्डिनरी. जो बचपन से रेसिडेंट है उसके लिए रेसिडेंट होना ऑर्डिनरी बात है. और लॉ तो बोलता है बचपन गया तेल लेने, पिछले 10 साल में तू 2 बार भी रेसिडेंट हुआ है ना, तो यू आर अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट. लेकिन सी इसके साथ जोड़े में एक और कंडीशन है, पिछले 7 साल में तुम्हारा स्टे कितना होना चाहिए, 730 डेज और मोर इन इंडिया इन प्रीसीडिंग 7 ईयर्स. सी इधर प्रीसीडिंग 10 साल था, इधर प्रीसीडिंग 7 साल है. सी 7 साल में तो खाली स्टे को ऐड करना है, कितना दिन रहा था, कितना दिन रहा था, ऐसे करके 730 आना चाहिए. लेकिन प्रीसीडिंग 10 साल में ना, हर साल का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है ऐसी कंडीशन लगा के. इमेजिन करो सामने 10 साल पड़े, हर साल अपने को 182 वाला हिस्सा मचमच चेक करने का, और हर साल का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालो, और ऐसे 2 बार भी रेसिडेंट आ गया ना, तो आगे वर्किंग करना बंद कर दो तो भी चलेगा. पिछले 10 साल में 2 बार भी रेसिडेंट आ गया तो बस अपना कंडीशन 1 फुलफिल. अब अपने को 10 साल का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. एक बार 2 बार भी रेसिडेंट आ गया, खत्म. प्लस साथ में ये भी देखना, पिछले 7 साल का स्टे 730 डेज और मोर होना चाहिए. ये जोड़ा है, ये जोड़ा जम गया तो क्या बोलेंगे, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी. ऑर्डिनरी पता है क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके लिए रेसिडेंट होना कोई नई बात नहीं, ऑर्डिनरी बात है. अब इमेजिन करो कोई फॉरेनर आदमी है, फॉरेनर को इमेजिन कर लो ना, कोई भी फॉरेनर. अरे जैसे मान लो कोई लंदन का प्रेसिडेंट है ना, या फिर चाइना का कोई प्रेसिडेंट वगैरह है ना, इंडिया आया 182 डेज रह के चला गया. अरे कोई फॉरेनर आदमी है, कोई चाइना का प्रेसिडेंट पकड़ लो, कोई फॉरेन कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है, वो इंडिया आया, उसको बहुत मजा आया, वो इंडिया में 182 डेज कट करके चला गया, रह के चला गया. तो 182 डेज बन गया तो भारत सरकार तो बोलेगी भाई तू चाइना का प्राइम मिनिस्टर होगा कि कुछ भी होगा, इंडिया में 182 डेज बिताया मतलब रेसिडेंट. बट टेल मी, वो उसके लिए रेसिडेंट होना कोई ऑर्डिनरी बात है? वो चाइना का प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, जो भी है, वो इंडिया में अचानक से रेसिडेंट बना है, उसके लिए रेसिडेंट होना कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है, तो उसको बोलते हैं नॉट ऑर्डिनरी. सी नॉट ऑर्डिनरी कैसे लोग होते हैं, ये एक्चुअली फिरंगी लोग होते हैं, लेकिन किसी साल भारत में उनको इतना मजा आया कि वो लोग 182 डेज काट के चले गए, या फिर 60 प्लस 365 भी था ना,
इतना बट वो अचानक से हुआ है, हर रोज नहीं होता। और फॉरेनर लोग के साथ हर रोज थोड़े, फॉरेनर लोग तो फॉरेन में बैठे रहते हैं, लेकिन अचानक से कभी हो गया तो उसको बोलते हैं भाई तू रेसिडेंट तो बन गया लेकिन तू ऑर्डिनरीली रेसिडेंट नहीं है। तो इसको गवर्नमेंट क्या है, थोड़ा सेफ रखती है। इसको क्या है, वर्ल्ड इनकम का टैक्स नहीं लगता, क्योंकि ये बेचारा रेसिडेंट तो बना है, लेकिन इसके लिए रेसिडेंट बनना कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है। ये सिंगर है मतलब जस्टिन बीबर है, शकीरा है, ये जेनिफर लोपेज है, क्या क्या नाम ले लूँ सिंगर, ये फॉरेनर्स लोग है, वो तो फॉरेन में रहते हैं, लेकिन अगर किसी साल अचानक रेसिडेंट बन गए तो वो रेसिडेंट तो बन गए, लेकिन उनके लिए रेसिडेंट होना ऑर्डिनरी बात नहीं है, अपने जैसों के लिए रेसिडेंट होना ऑर्डिनरी बात है। एनीवेज मैं ये वर्ड का मतलब तुमको समझा रहा था। तो बस ये हो गया, ये दोनों की दोनों कंडीशन फुलफिल हुई तो आर ओ आर, वरना एन ओ आर। अब सुनो, ये देखना, ये दोनों को देखो जो मैं कर रहा हूं, टेल मी ये क्या था, विजिट वाला। जैसे मेरा भाई था, मेरा भाई अगर इंडिया में 15 लाख से ज्यादा इनकम रखता है तो मेरे भाई को गवर्नमेंट क्या बोलती है, तू इंडिया में ना फैमिली के लिए नहीं आ रहा है, पैसों के लिए आ रहा है, बुक्कड़, क्योंकि तेरी भारत में इनकम 15 लाख से ज्यादा है। तो मेरा भाई अगर इंडिया में विजिट करता है और वो 120 डेज की विजिट करके गया, तो भले विजिट के लिए आया था लेकिन 120 डेज भी गवर्नमेंट को खटकेगा, और 120 डेज होते ही गवर्नमेंट क्या बोलेगी, रेसिडेंट। मैं अज्यूम करो पिछले 4 साल का भी 365 हो गया तो उसको रेसिडेंट बना देगी ना। लेकिन अगर इस कंडीशन के कारण अगर वो रेसिडेंट बनता ना मेरा भाई, तो उसको एनओआर ही ट्रीट करते, ऑलवेज एनओआर, कि ओआर नहीं बन सकता कभी। नहीं तो सी हर रेसिडेंट ओआर भी बन सकता है, एनओआर भी, ओआर भी, एनओआर भी, ओआर भी, एनओआर भी, लेकिन इस किस्म का रेसिडेंट एनओआर ही होता है, ऑलवेज एनओआर। और ये वाला व्यक्ति जो किसी की देश, किसी भी देश का नहीं है, हर देश से टैक्स से बचा हुआ है, और भारत वाले उसको पकड़ के बैठ गए, किस कारण से, क्योंकि तू इंडिया का पासपोर्ट लेके घूम रहा है और तेरी इंडिया में इनकम जोरदार है, तो इसको भी हमने डीम टू बी रेसिडेंट तो बोला, लेकिन ये भी ऑलवेज एनओआर होता है। ये दोनों में रट लो, यू आर ऑलवेज एनओआर। तो बाकी केस में क्या होता है, ओआर भी हो सकता है, एनओआर भी हो सकता है, ओआर भी हो सकता है, एनओआर भी हो सकता है। ओके, तो सी इधर मैंने लिखा हुआ है, देखो पढ़ो, क्या लिखा है, 120 प्लस 365 का जिसका सेटिंग बना है, या फिर जो डीम्ड रेसिडेंट है, ऐसी सेटिंग वाले लोग है ना, रेसिडेंट तो होते हैं बट दे आर ऑलवेज एनओआर। ओके, सो टेल मी, एग्जाम में नॉर्मल आदमी का संवाद तो क्या करेंगे, ओआर एनओआर भी चेक करना, इसमें भी ओआर एनओआर दोनों चेक करना, मतलब पहले रेसिडेंट है कि नहीं देखना, नॉन रेसिडेंट तो क्वेश्चन बंद हो गया, रेसिडेंट तो ओआर एनओआर दोनों चेक करना। ऐसा समय है तो भी 182 डेज से रेसिडेंट चेक करना, एनआर तो सम बंद हो गया, रेसिडेंट तो ओआर एनओआर दोनों चेक करना। ऐसे आदमी का समय है ना तो थोड़ा चौकन्ना रहना, अगर वो 182 डेज के कारण रेसिडेंट बन रहा है ना तो ओआर एनओआर दोनों चेक करना। जैसे मेरा भाई, ये मेरा भाई तो है इधर, मेरा भाई इंडिया में 15 लाख से ज्यादा इनकम रख रहा है और वो इंडिया में कितनी स्टे मार के गया, 182, और 182 होने के कारण मेरे भाई को रेसिडेंट बनाया ना, तो उसमें ओआर एनओआर दोनों चेक करते, मतलब वो ऑर्डिनरी भी बन सकता है, नॉट ऑर्डिनरी भी, दैट डिपेंड्स अपॉन पिछले 10 साल में 2 बार रेसिडेंट रहा है प्लस 730 डेज और मोर इन द प्रेसिडिंग 7 ईयर्स, बट ये ओ आर एन ओ आर कुछ भी बन सकता है। लेकिन वही मेरा भाई अगर 182 से बच गया था, इस चक्कर में फंसा था, तो ऑलवेज एन ओ आर। अरे मतलब लफड़ा ऐसे सामने हो सकता है ना यार, इसी ये स्टार्टिंग के 3 कैटेगरी में तो है ना, क्या रूल है, इफ यू आर नॉन रेसिडेंट सम बंद, इफ यू आर रेसिडेंट फर्दर चेक करो ओ आर एन ओ आर, ये स्टार्टिंग की 3 कैटेगरी सेम है। ये वाली 4th कैटेगरी में क्या है,
इसमें दो ऑप्शन है, अगर 182 में फंसा है तू तो ओ आर एन ओ आर दोनों चेक करेंगे, ओ आर भी हो सकता है एन ओ आर भी, और अगर ये कंडीशन के कारण रेसिडेंट बना है तो ऑलवेज एन ओ आर, मतलब फिर वो पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड चेक मत करना, ऑलवेज एन ओ आर। फिर ऐसा व्यक्ति सब में आ गया और ये डीम्ड रेसिडेंट, ये भी ऑलवेज एन ओ आर। तो सी तुम लोग जब नोट्स बनाओ ना तो इधर ऐसे लिख सकते हैं, इधर ऐसे इसके ब्रैकेट में क्या लिख देना चाहिए, ऑलवेज, इसके ब्रैकेट में क्या लिखना चाहिए, ऑलवेज एन ओ आर, और बाकी सब मैं देखो ऐसे चार्ट बना रहा हूं, मतलब ओ आर भी बन सकता है एन ओ आर भी बन सकता है। ओके अब सुनो, इसमें ना स्टे गिनते ना इंडिया में कितना दिन रहा है, सी मेन अपने को गिनना पड़ता है ना, 120 दिन इंडिया में रहा के नहीं, तो इन लोग क्वेश्चन में क्या करते हैं, उसके जाने वाली डेट देते इंडिया से, इंडिया में आया कब वो देते, और इन लोग क्या सम को कॉम्प्लिकेट बनाने के लिए क्या करते हैं, उसको आओ जाओ करवाते रहते, ये दिन इंडिया से चला गया ये दिन इंडिया में आ गया। तो सी इधर रूल है, जाने वाला दिन और आने वाला दिन इंडिया में गिन, याद करो टेक्निक है, जाने वाला दिन और आने वाला दिन इंडिया में गिन। तो सी फॉर एग्जाम्पल है ना, ये देखो क्वेश्चन में ऐसा दिया है, ये देखो ये अपना ईयर है ना, और इस दिन को है ना वो इंडिया आया था, ओके इन मतलब इंडिया आया था, फिर इस दिन को है ना इंडिया से चला गया, और मान लो ये डेट है 2nd June और ये डेट है 9th December, तो टेल मी इंडिया कितने दिन था, अरे ये जो जून को आया ना फिर इंडिया में था, फिर वापस चला गया, तो उसका इंडिया का स्टे कैसे गिनेंगे। मैंने क्या बोला, जाने वाला दिन आने वाला दिन इंडिया में गिन, तो ये क्या था, आने वाला दिन इंडिया में गिन, तो गिन 2 June को भी गिन, 2 June, तो जून में 30 days होते हैं ना, तो 30 में से एक दिन देखो दो को गिनना है तो 29 हो गया, ओके तो जून का 29 हो गया, फिर जुलाई का 31, अगस्त का 31, सितंबर का 30, अक्टूबर का 31, नवंबर का 30, दिसंबर में 9 को गया था, 9 को गया था, जाने वाला दिन भी इंडिया 9 को भी गिन, तो 9 December गिन ले, देखो 9 तक गिना है तो टोटल मारो कितना आ रहा है, 191 आ गया, और 191 मतलब 182 डेज और मोर रेसिडेंट। फिर तो अपने को 60 वाला कंडीशन चेक करने का भी जरूरत नहीं है, ओके तो सी मुझे ये बोलना था, जाने वाला दिन आने वाला दिन इंडिया में गेन, और पता है बेस्ट क्या करना चाहिए, ऐसा एक टाइमलाइन ड्रॉ करके ना ऐसा लिख दो, इन आउट इन आउट, और वो आता जाता है ना उसका आने का, अंदर आ रहा होगा तो इन लिख दो, और कोई डेट को देश छोड़ा है तो आउट लिख दो, एंड फिर अपने को इंडिया का ही गिनने का है ना, और इंडिया में गिनने के लिए अपना स्लोगन क्या था, जाने वाला दिन और आने वाला दिन इंडिया में गिन, ये दिमाग में रखोगे तो सिंपल हो जाएगा, ओके तो ये रेसिडेंस स्टेटस हो गया, ओके अब रेसिडेंस स्टेटस के बाद है ना एक और छोटी चीज होती है, ये भी बता देता हूं मैं, ओके लुक हियर, स्कोप ऑफ टोटल इनकम में ना अपने को एक बार ये डिसाइड हो गया ना, बंदा आर ओ आर है एन ओ आर है एन आर है, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, लुक आर ओ आर के लिए ना वर्ल्ड इनकम इज टैक्सेबल, क्योंकि ये अपने जैसे लोग है, आर ओ आर मतलब ये रेसिडेंट तो है, और इसके लिए रेसिडेंट होना कोई नई बात नहीं है, ऑर्डिनरी बात है, जैसे मैंने अपना बताया ना मैं इस साल ही रेसिडेंट हूँ कि बचपन से हूँ, तो मेरे लिए रेसिडेंट होना एक ऑर्डिनरी बात है, तो अपने जैसों को तो वर्ल्ड इनकम का टैक्स चुकाना पड़ता है। मैं अगर भारत सरकार को बोलूँ ना, नहीं मेरे को तो दुबई से इनकम आ रही है, तो दुबई से आ रही तो क्या है, पूरे टाइम इंडिया में पड़ा रहता है, दुबई से कमाया तो उसका भी टैक्स इंडिया में भरना पड़ेगा, और फिर को बोले नहीं दुबई टैक्स मार रहा है उसका, तो सी कभी दूसरा कंट्री भी टैक्स मारे ना तो उसका डबल टैक्सेशन रिलीफ होता है एक,
डबल टैक्सेशन रिलीफ, वो सीए फाइनल में पढ़ने का अभी सोचो मत उसका। ऐसे मान लो मैंने बोला अरे मेरी दुबई से इनकम है भारत, आपको क्यों टैक्स चाहिए, तो भारत क्या बोलेगा, अरे दुबई का इनकम है लेकिन तू तो देसी बॉय है, तू तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तो तुझे दुबई की इनकम का भी टैक्स भरना पड़ेगा। इंडिया की इनकम का भी भर, दुबई की इनकम क्यों भर? हाँ ठीक है, देखो दुबई वाले भी अलग से टैक्स मार रहे होंगे दुबई सरकार, तो उसका देखो रिलीफ मिल जाएगा। और उसका रिलीफ कैसे मिलता है वो सोचो मत, लेकिन जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि मैं दो देशों में टैक्सा जा रहा हूँ, भारत भी टैक्स मार रहा है और दुबई सरकार भी टैक्स मार रहा है। लेकिन ऐसा कभी हो तो चिंता मत करो, इसके लिए अपने को रिलीफ मिलती है, लेकिन वो सीए इंटर में नहीं पढ़ने का, फाइनल में पढ़ने का। मैंने भी पॉइंट क्यों छेड़ा, कितने बार स्टूडेंट सोचते रहता है, वो माइंड में थॉट आते इसलिए मैंने बताया। इन शॉर्ट इधर तुम लोग इतना याद रखो, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट को क्या है, वर्ल्ड इनकम पे टैक्स भरना पड़ता है, लेकिन नॉट ऑर्डिनरी होता है ना तो उसको ये देखो खाली इंडियन इनकम पे टैक्स भरना पड़ता है, प्लस एक फॉरेन इनकम है, फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। ये देखो इधर, ये देखो पहले मैंने रेसिडेंट लोग के लिए क्या लिखा है, इंडियन इनकम भी टैक्सेबल, फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल, ऐसी वाली कैसी भी, सब देखो टी 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 सब टैक्सेबल है। लेकिन एनओआर लोग के लिए क्या है, इंडियन इनकम पे तो टैक्स आएगा। कोई बोले अरे नहीं मैं तो अचानक से रेसिडेंट बना हूँ, मेरे रेसिडेंट होना ऑर्डिनरी बात नहीं है, जो भी रेसिडेंट बना ना तो इंडिया की इनकम का तो टैक्स भरेगा ना, और फॉरेन की इनकम में ना एक इनकम पे टैक्स लगेगा, कौन सी, अगर तेरा फॉरेन में बिजनेस है जिसको तू इंडिया से कंट्रोल कर रहा है। जैसे मान लो मेरा ऑस्ट्रेलिया में साड़ी का धंधा है, कपड़ों का धंधा है, धंधा हुआ है, कस्टमर भी हुआ है, पैसे भी वहां मिलते हैं, पूरा बाहर का है, लेकिन उसको कंट्रोल में इंडिया से कर रहा हूं, मतलब इंडिया में मैं डिसाइड करता हूं कि वहां क्या होगा क्या नहीं होगा, सारा डिसीजन मेकिंग इंडिया में होता है। तो अगर ऐसा कोई फॉरेन बिजनेस है विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, देन इट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया, लेकिन अदर फॉरेन इनकम नॉट टैक्सेबल। ओके एक से है ना, लेकिन अगर कोई नॉन रेसिडेंट हुआ ना तो उसको तो सिर्फ इंडियन इनकम भी टैक्स आएगा, ये देखो बाकी सब मैंने डैश किया है। तो सी इधर पता है क्या फील हो रहा है, आरओआर को वर्ल्ड इनकम पे टैक्स आ रहा है, एनओआर पे, एनओआर को क्या लिखा है, इंडियन इनकम प्लस वन फॉरेन इनकम, विच वन, फॉरेन बिजनेस विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, और एनआर को खाली इंडियन इनकम पे टैक्स आता है। तो सी ये ऐसा मैं ट्रायंगल बना रहा हूं, फील करो ना, इसमें क्या फील हो रहा है, आरओआर का स्कोप बड़ा है, चैप्टर का नाम क्या है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, तो आरओआर का स्कोप बड़ा है और एनओआर का स्कोप मीडियम है और एनआर का स्कोप छोटा है, ऐसा छोटा फील, ये तो ये ऐसा फील नहीं हुआ तुम लोग को, मैंने क्या किया टी वाले को ट्रायंगल में डाला है, तो आरओआर का स्कोप बड़ा किया, देखो टैक्सेबल 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 बहुत ज्यादा चीजें शामिल होती है, स्कोप मतलब तेरे कंप्यूटेशन में क्या क्या शामिल होता है, तो आरओआर के अंदर क्या क्या शामिल होता है, इंडियन इनकम शामिल होती है, फॉरेन की सब इनकम शामिल होती है, सब शामिल होता है तो उनका स्कोप थोड़ा बड़ा हो गया। एनओआर का स्कोप मीडियम है, मीडियम क्यों, इंडियन इनकम तो आती है लेकिन फॉरेन इनकम एक ही आई, कौन सी, बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, और एनआर का स्कोप तो और भी छोटा है, सिर्फ इंडियन इनकम। तो सी ये दिमाग में छाप लो, लेकिन ये कैसे मालूम पड़ता है, इनकम इंडियन है कि फॉरेन, इंडियन इनकम होने के लिए क्या है, या तो इनकम अक्रू इंडिया में हुई है या रिसीव इंडिया में हुई है, कुछ एक इंडिया में होना चाहिए या दोनों ही हो गया है, कुछ इंडिया में हुआ ना इंडियन फील आना चाहिए। और अक्रूड इन इंडिया कैसे मालूम पड़ता है, सी रिसीव्ड मतलब तो हाथ में पैसा इंडिया में आया ना, भारत की धरती में मेरे हाथ में पैसा आ रहा है तो रिसीव्ड इन इंडिया, लेकिन रिसीव्ड के साथ एक और चीज क्या था, अक्रूड, अक्रूड कैसे मालूम पड़ता है, डिपेंड्स अपॉन तेरी कमाई का सोर्स क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सैलरी इनकम है,
तो सैलरी में कमाई का सोर्स क्या? जॉब। तो अगर जॉब बाहर है तो अक्रूड बाहर, और पगार भी बाहर मिल रही है, रिसीव्ड भी बाहर, तो ये बाहर का हो गया पूरा। इंडियन कब कहलाता है? जब या तो अक्रू भी इंडिया में, रिसीव भी, लेकिन अक्रू डिपेंड्स अपॉन तेरी कमाई का सोर्स क्या है। सैलरी इनकम में जॉब पे डिपेंड करता है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम में हाउस पे डिपेंड करता है, बिजनेस में बिजनेस पे डिपेंड करता है। डिपेंड करता है मतलब बिजनेस कहां पर है। कैपिटल गेन्स में वो एसेट पे डिपेंड करता है, एसेट कहां का था। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जैसे डिविडेंड इनकम है, तो कंपनी कौन सी है, इंडिया की कि फॉरेन की है। अरे क्या डिसाइड करने के लिए, सोर्स कहां का है। तो टेल मी सैलरी में सोर्स, अरे जहां सोर्स वहां अक्रूड, जहां सोर्स वहां अक्रूड, तो सोर्स कहां का वो मालूम पड़ता है। कैसे मालूम पड़ता है? सैलरी में जॉब कहां कर रहा है उस पर डिपेंड करता है, हाउस प्रॉपर्टी में हाउस कहां पर है। कोई बोले हाउस मेरा स्विट्जरलैंड में, तो सोर्स बाहर है, अक्रू भी बाहर हो गया। हाउस मेरा चेन्नई में, तो सोर्स इंडिया में, अक्रूड इंडिया। मैं हेडवाइजर हूं, सैलरी में जॉब, हाउस प्रॉपर्टी में हाउस, बिजनेस में बिजनेस कहां पे। कोई बोले मेरा बिजनेस मुंबई के अंदर है, तो सोर्स इंडिया में, अक्रूड इन इंडिया। कोई बोले मेरा बिजनेस तो नेपाल में, नेपाल इंडिया के बाहर आ गया ना, तो अरे नेपाल इंडिया के बाहर है ना, तो फॉरेन का हो गया। कोई बोले मेरा बिजनेस ब्राजील में है, तो सोर्स बाहर है। तो सैलरी में जॉब किधर देखने का, हाउस प्रॉपर्टी में हाउस किधर है, बिजनेस में बिजनेस कहाँ लोकेटेड है, कैपिटल गेन्स में एसेट कहाँ है। जैसे लैंड बेच के प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, और लैंड इज स्विट्जरलैंड का है, तो सोर्स वहां का है। लैंड अगर दिल्ली का है तो सोर्स, और ये सोर्स से क्या मालूम पड़ता है कि वो अक्रू कहाँ हो रहा है, और अक्रू इंडिया में हुआ या फिर रिसीव इंडिया में हुआ, तो इंडियन छाप लग जाती है। और इंडियन इनकम तीनों कॉलम में डालना पड़ता है। ये देखो, अरे अपने आंसर का हुलिया ऐसा ही, ऐसा स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। और एक बार क्वेश्चन में इंडियन इनकम दिखी ना, तीनों कॉलम में डाल दो, क्योंकि उस पर सभी को टैक्स भरना पड़ता है। ओके ओके, तो आंसर। और हाँ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पे कैसे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है ना। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स यूजुअली क्या होता है, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम। तो देखने का कौन सी कंपनी का है, इंडिया की कंपनी से डिविडेंड इंटरेस्ट मिल रहा है, तो सोर्स इंडिया में, अक्रूड इन इंडिया। फॉरेन की कंपनी से मिला है, तो सोर्स बाहर का, अक्रूड बाहर। ओके, तो आंसर, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन न्यूजीलैंड। इंडियन कंपनी मतलब सोर्स इंडिया में, अक्रूड इन इंडिया। अब रिसीव्ड न्यूजीलैंड से क्या करो, एक चीज भी इंडिया में होगी तो इंडियन। ओके, फिर इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स ऑफ जर्मन कंपनी, बॉन्ड्स ऑफ जर्मन कंपनी, जर्मनी का कंपनी है, तो अक्रूड बाहर, और रिसीव भी वहीं हुआ है, तो अक्रूड भी बाहर, रिसीव भी बाहर, तो इंडियन इनकम नहीं है। फिर फॉरेन इनकम होगी, और फॉरेन इनकम में अदर फॉरेन इनकम होगी। तो इनकम क्या बोला था, इंटरेस्ट और बॉन्ड्स ऑफ जर्मन कंपनी था। सी, अगर रिसीव के बारे में कुछ नहीं दिया हो ना, तो जिधर अक्रू हुआ है उधर रिसीव हुआ है। अरे अपने सम में ना दो ही चीज चेक करते हैं, अक्रू कहाँ हुआ है, रिसीव कहाँ हुआ है, अक्रू कहाँ हुआ है, रिसीव कहाँ हुआ है। तो बहुत बार क्या, रिसीव वाला इन्फॉर्मेशन नहीं देते, तो रूल क्या है, जहाँ अक्रू हुआ है वहीं रिसीव हुआ है। ओके, तो आंसर, डिविडेंड फ्रॉम कंपनी इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन कंपनी, रिसीव्ड विसीव्ड कुछ बोला ही नहीं है, डिविडेंड फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कंपनी। तो ऑस्ट्रेलियन कंपनी मतलब अक्रूड बाहर है, रिसीव का कुछ नहीं बोला तो बाहर ही होगा, और बाहर ही मतलब सब बाहर है, तो फॉरेन इनकम होगी ना। ओके, तो ऐसे डिसाइड करना। इन शॉर्ट, हर सम में अक्रूड चेक करो, रिसीव चेक करो, दोनों में से कुछ भी इंडिया में हो गया तो इंडियन इनकम। इधर एक एक्सेप्शन याद रखना, मैंने क्या बोला, जॉब में क्या होता है, अगर सैलरी इनकम में क्या होता है, इट डिपेंड्स अपॉन तू जॉब किधर कर रहा है। तो आंसर, कोई बंदा जॉब कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में, है ना, और उसको पगार ऑस्ट्रेलिया में मिल रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, जॉब ऑस्ट्रेलिया में कर रहा है, तो अक्रूड आउटसाइड इंडिया हो गया ना। लेकिन अगर वो जॉब ऑस्ट्रेलिया में कर रहा है और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई इंडिया का, तो भले उसकी ऑस्ट्रेलियन जॉब है, इट इज डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया। ये एक्सेप्शन है जोरदार,
खास गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, अगर कोई भारत सरकार का एम्प्लॉय है, सरकारी नौकरी करने वाला, तो भले ऑस्ट्रेलिया में भी ड्यूटीज कर रहे हैं ना। सी नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया में कोई ड्यूटी करता है तो क्या बोलते हैं, हाँ तेरी सैलरी तो अक्रू ही बाहर हो रही है। लेकिन अगर तू ऑस्ट्रेलिया में ड्यूटी कर रहा है लेकिन तू गवर्नमेंट एम्प्लॉय की पेरोल में, मतलब भारत सरकार की पेरोल में, भारत सरकार, देन ऐसा मानेंगे तो भारत में जॉब कर रहा है। जबकि दिन रात 10 to 7 की जॉब उसकी ऑस्ट्रेलिया के ऑफिस में होगी। बट फॉर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई देर इज एन एक्सेप्शन। वॉट एक्सेप्शन? इवन दो यू आर वर्किंग एंड परफॉर्मिंग योर ड्यूटीज इन फॉरेन लैंड, इनकम इज डीम टू अक्रू इन इंडिया। और अक्रूड इन इंडिया हो गया तो ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्प्लॉई है ना, इवन इफ इज पोस्टेड आउटसाइड, इवन इफ इज वर्किंग एंड परफॉर्मिंग सर्विस आउटसाइड इंडिया, इट विल बी डीम्ड एज इफ वो इंडियन इनकम ही है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोग के लिए रखा है। ओके और पता है ऐसे एम्प्लॉय लोग के लिए एक और बेनिफिट है, इनको फॉरेन में जो अलाउंसेज और परक्यूजिट मिलते हैं ना वो एग्जेम्प्ट है। एक सेक्शन है 10(7). मैं तुमको कुछ स्पेशल चीज बता रहा हूं, समझ रहा है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय भारत का कोई है, उसको अगर फॉरेन में पोस्ट किया है, और ऐसे मानो इसके बेस्ट एग्जांपल क्या है, फॉरेन की वीजा ऑफिस होते हैं, फॉरेन की वीजा ऑफिस, वहां गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज ही रिक्रूटेड है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में वीजा का ऑफिस होगा, इंग्लैंड में, लंदन में, यूएस में, सब जगह वीजा ऑफिस होती है। और वहां के लोग इंडिया में आना चाहते हैं ना तो परमिशन वहां से मिलती है, और वहां परमिशन देने वाले भारत सरकार के ही एम्प्लॉय लोग हैं। तो कंक्लूजन क्या, सुनो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ इंडिया इफ इज पोस्टेड अब्रॉड, तो पहले तो उसकी वर्किंग भले बाहर है लेकिन सैलरी अक्रूड इन इंडिया मानते हैं। और एक स्पेशल पॉइंट क्या बताया था, ऐसे लोग को बाहर जब पोस्टिंग होती है तो बाहर जो अलाउंसेस मिलते हैं, बाहर जो परक्यूजर्स मिलते हैं, सब एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10(7). तो दिस इज अ स्पेशल रूल फॉर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई हु इज पोस्टेड आउटसाइड इंडिया। तो ये स्कोप ऑफ टुडे इनकम था। तो बिकॉज ये रिविजन लेक्चर है, मैंने मेन पॉइंट्स तुमको बता दिए जो तुमको ध्यान देने चाहिए। ओके तो ये अपना स्कोप ऑफ टुडे इनकम का टॉपिक खत्म। अब इसके बाद है ना, और अभी क्या बचा, अब एक एडवांस टैक्स जैसा बचता है, एडवांस टैक्स। ओके अब एडवांस टैक्स के लिए मैं देखता हूँ क्या करना है। अब इससे मेरा प्लान क्या मालूम है, ये अपने थियरी तो सब चैप्टर के मोरलेस में तो खत्म कर दिए, सब चैप्टर्स खत्म कर दिया ना, इनकम प्रोफाइल हेड्स हो गया, चैप्टर 6 हो गया, टैक्स कैलकुलेशन 115 BSC, ऑलमोस्ट सब चैप्टर हम लोग घुमा ही दिए। ओके लेकिन क्या एडवांस टैक्स बाकी, लेकिन सी एक एडवांस टैक्स के छोटे से टॉपिक के लिए कल तुम लोग अलग से आओगे तो तुम्हारा उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना, बिकॉज एडवांस टैक्स का छोटा सा टॉपिक है, हुआ तो उसका मैं वीडियो ही दे दूंगा, और वीडियो नहीं हुआ तो कराऊंगा तो भी क्या थोड़ा ही टाइम लगेगा, तो वो उसका मैं अलग से प्लान बताता हूँ। अब मेरा एडवांस टैक्स को छोड़ के देखो दूसरा प्लान क्या है, सम्स करवाने, कुछ RTP के सम्स करवाने, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन होगा। अपना थियरी वाला रिवीजन हो गया, अभी तक जो चल रहा था उसको क्या बोलते हैं, थियरी का रिवीजन। नो डाउट मैंने कुछ कुछ जगह सम्स भी लिए थे, लेकिन अब है ना एक अलग से सेशन होगा रिवीजन ऑफ सम्स, सम्स कैसे सॉल्व करने चाहिए। सी ऐसे तो बहुत सम होते हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, 2-3 दिन गैप देके है ना, मैं ना कुछ अच्छे क्वेश्चंस इकट्ठे करूँगा, और कुछ ऐसे ऐसे सम्स इकट्ठे करूँगा ना जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और उसमें मेरा RTP का तो मैक्सिमम कवरेज करूँगा। जो अभी रिसेंट RTP है ना May 24 के बच्चों के लिए, तो RTP तो मैं मैक्सिमम कवर करूँगा, ऑलमोस्ट वो तो कवर हो ही जाएगा। उसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे ना, वो एक सेशन अपना होगा। अब वो 2-3 दिन 4 दिन जो भी सेशन चलेंगे वो एक करना पड़ेगा, क्योंकि सी इतनी सारी थियरी आने के बाद अगर तुम लोग सम सॉल्व करते अटक रहे हो तो क्या फ़ायदा। वो बोलते हैं ना, हैविंग द नॉलेज इज डिफरेंट, अप्लाइंग द नॉलेज इज डिफरेंट। अब हैविंग द नॉलेज वाली चीज़ तो हो गई, यू हैव द नॉलेज नाउ बाय सो मेनी लेक्चर स्टिल नाउ, बट अब उसको अप्लाई कैसे करना है
उसके लिए मैं अलग सेशन रखने वाला हूं, लेकिन तुरंत कल नहीं होगा वो। क्यों मालूम है? क्योंकि सी मुझे भी है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम लोगों के लिए कलेक्ट करने, और लिटरली मुझे अपने आईपैड में ना वो सॉल्व किया हुआ चाहिए, क्योंकि तुम लोग को साथ में बैठ के सॉल्व कराऊंगा ना तो एक एक सम सॉल्व करने में तो बहुत टाइम जाएगा, फिर थोड़े बहुत सम ही हो जाएंगे, एंड आई वॉन्ट टू डू एज मैनी इंपॉर्टेंट सम्स एज पॉसिबल, तो इधर सॉल्व किया हुआ होना चाहिए। तो सॉल्व किया हुआ रहेगा तो मेरा क्या रोल होगा? तुमको सम सॉल्व करने का लाइन ऑफ थिंकिंग बताऊंगा, सम सॉल्व करते अपना थिंकिंग क्या होना चाहिए, क्योंकि सी सम हजार होते हैं लेकिन सोच एक होती है, तो सोच कैसी होनी चाहिए वो तुम्हारी पॉलिश करनी है, और चंद सम्स के जरिए तुम्हारा लाइन ऑफ थिंकिंग पॉलिश हो गया ना, फिर तो बाद में जितने सम करना अपने आप कर पाओगे। ओके, तो कल तो नहीं होगा, दो तीन दिन के बाद तुम लोग को क्या है अपना व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है ना इसका, तो ग्रुप में तुमको अपडेट आ जाएगा कि व्हेन विल बी द नेक्स्ट लेक्चर, टेंटेटिवली दो तीन दिन के बाद होगा, और जब वो दो तीन दिन के बाद आओगे ना तो एक बार एडवांस टैक्स जो बचा हुआ रहेगा तो करवा दूंगा, और अगर वीडियो हुआ तो वीडियो ही दे दूंगा। ओके, बट दो तीन दिन के बाद अपना सेशन रिज्यूम होगा, एंड इट विल बी रिविजन सेशन ओनली, बट रिविजन ऑफ सम्स। तो सी तुमको दो तीन दिन का टाइम मिल रहा तो मैं क्या एडवाइस कर रहा हूँ, तुम लोग पूरा पढ़ के थरो कर लो ना, और पूरा थरो कर लोगे तो सम सॉल्व करने मजा आएगा, ये तो खाली मैं मैकेनिकली सम सीखा रहा हूँ फायदा नहीं ना, तो दो तीन दिन का मुझे भी टाइम मिल रहा है अच्छे सम सिलेक्ट करने का, तुमको टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए। ओके, सो विल रिज्यूम आफ्टर टू थ्री डेज, एग्जैक्टली व्हेन इट विल बी व्हाट्सएप इन द व्हाट्सएप ग्रुप।